हेलो जी गाइस, दिस इज लक्ष्य। तो हम आ चुके हैं डीबीएमएस के लेक्चर नंबर 9 पर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक एसक्यूएल। क्या होता है एसक्यूएल, क्यों जरूरत है इसकी, रिलेशन मॉडल से कैसे हम आरडीबीएमएस यानी कि माई एसक्यूएल के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिलेशन मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप एसक्यूएल क्वेरी को यूज करके, एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करके आप किस तरीके से डेटा को फैच करते हो, कैसे डेटा को स्ट्रक्चर करते हो अपनी नीड के मुताबिक, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल इसकी फुल फॉर्म मैं बोलूं तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका मतलब क्या है, ये एक टाइप की डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज बोल लो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप ही है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि C++ आप यूज करते हो किस लिए, ताकि आप कोड लिखो और कंप्यूटर से आप अपना काम करवाओ, जो आप करना चाहते हो, जो आप लॉजिक चाहते हो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे, वो आप C++, पाइथन, जावा इनको यूज करके आप काम करा लेते हो। उसी हिसाब से अगर कोई RDBMS की बात करी जाए, ठीक है, RDBMS इसी का एक टाइप है मेरा MySQL, MySQL या फिर Oracle, MS Access, एटसेट्रा, ये जितने भी हैं ये एक टाइप के RDBMS है। RDBMS के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। DBMS होता है मेरे पास, ठीक है, उसी का ही एक टाइप है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर कोई मेरे पास RDBMS है जो कि MySQL हो सकता है, Oracle, MSSS, PostgreSQL, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस RDBMS के अंदर आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, आप इसमें डेटाबेस बना सकते हो। साथ ही साथ ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटाबेस को एसेस कर पाते हो, आप उसको रिट्रीव कर पाते हो, उसको मॉडिफाई कर पाते हो, ठीक है। इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो, बेसिकली क्रड ऑपरेशंस आप कर पाते हो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो। क्रायो इज द वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रांग गेटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है, और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है, ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री ट्रायल नाउ। आप क्रड ऑपरेशन कर पाते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इस पर थोड़ी देर में आते हैं, और उससे पहले समझते हैं एसक्यूएल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर मेरे पास डेटाबेस है, ये मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है, और ये मेरे पास एक APIs की लेयर है जो कि मुझे RDBMS प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ SQL की क्वेरीज लिखता हूं, ठीक है, क्वेरीज लिखता हूं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स है उनको लिखता हूं, लॉजिकली लिखता हूं, और लिख के मैं इंटरेक्ट कर पाता हूं अपने DB से। मैं SQL लिखता हूँ और RDBMS को देता हूँ, RDBMS क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और समझता है कि ये क्वेरी कहना क्या चाह रही है, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करने के बाद वो DB के पास जाता है और उस क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो जो काम आपने बोला एज ए यूजर, ठीक है, वो करवा के लाता है और वो डेटा आपको वापस ला के दे देता है कंसोल पर या पर आपके UI पर, ठीक है। तो ये काम होता है SQL का। तो सिंपल मैं बोलूँ, SQL आपकी लैंग्वेज है जो कि आपको हेल्प करती है कि आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाओ यूजिंग SQL, उसको लिख के आप इंटरेक्ट कर पाओ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ये हमें समझ आ गया एसक्यूएल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने बात की क्रड ऑपरेशन के बारे में। क्रड ऑपरेशन क्या होते हैं मेरे, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। अब ये मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है, इसके अंदर मैंने टेबल्स बनाए हुए हैं, रिलेशन मॉडल में हमें पता है टेबल बनाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं ER डायग्राम लूंगा, उसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करूंगा, ये सब हमने पढ़ चुके हैं पहले पिछले लेक्चर्स में, और जो मेरे पर रिलेशनल मॉडल आएगा, जो टेबल्स आएंगे, उन टेबल्स को मैं RDBMS सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर दूंगा, तो इसकी DB में डेटा पड़ा होगा टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा, टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होगा।
तो उन टेबल्स के फॉर्म में जो डेटा पड़ा है आपका, उसके अंदर जो आपका RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो वे प्रोवाइड करेगा कि आप SQL क्वेरी के थ्रू आप क्रिएशन कर पाओ डेटा का, आप टेबल्स बना पाओ, आप रीड कर पाओ, आप जो ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है उसको अपडेट कर पाओ, या फिर मुझे कोई डेटा नहीं चाहिए तो मैं उसको डिलीट कर पाऊँ। तो ये सारी चीजें जो है आपका RDBMS जो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर ये RDBMS ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे DB को कि ये सब करना है, वो बताने के लिए मुझे चाहिए SQL। दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करते हैं, बहुत देर से हम बोल रहे हैं RDBMS, ठीक है। अब RDBMS जो कि SQL को सपोर्ट करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम वो खुद है, वो है आपका सबसे पहला MySQL। MySQL एक RDBMS है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज करता है SQL लैंग्वेज का टू फैच द डेटा। तो आप फर्क समझ पा रहे हो, MySQL कुछ और चीज है, वो एक सॉफ्टवेयर है, SQL क्या है, SQL इटसेल्फ लैंग्वेज है, ठीक है, तो दोनों में फर्क समझो, बहुत ही बढ़िया। दूसरा आपके पास होता है MS SQL सर्वर, तीसरा आपके पास है ओरेकल, IBM, ये डिफरेंट टाइप के RDBMS सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। RDBMS सॉफ्टवेयर का मतलब ये RDBMS हैं और SQL का यूज करके मैं इनको एक्सेस कर पाता हूँ, ठीक है, सिंपल एंड सॉर्टेड। अब हम अपने लेक्चर में कौन सा RDBMS यूज करेंगे, हम यूज करेंगे MySQL। इसको यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स RDBMS है। ओपन सोर्स है तो इसका मतलब क्या है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसका सोर्स कोड मुझे अवेलेबल होता है, तो ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। फेमस क्यों है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज RDBMS के तौर पर MySQL को यूज करती हैं ताकि वो इसके अंदर अपना फ्लेवर ऐड कर सके, ठीक है, मतलब अपने इसका सोर्स कोड तो अवेलेबल है ही मेरे पास, सोर्स कोड है तो मैं इसको यूज करके इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके अपने पर्टिकुलर यूज केस के मुताबिक यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मेटा, अडोबी, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी इसको यूज करती हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत सारी वेब एप्स को बनाने के लिए इसका यूजेस होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल जहां भी क्रिएट होता है वहां पे MySQL को यूज कर लेता हूं। तो इन शॉर्ट ये एक RDBMS है जो कि ओपन सोर्स है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी चीज हम समझ आ गई, अब हम बात कर लेते हैं पर SQL और MySQL में फर्क क्या है, फॉर्मली बात कर लेते हैं इससे। वैसे तो हमें पता लग ही गया अभी हमने बात की है कि दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले मैं बोलूं SQL जो है वो सिंपल एक क्वेरी लैंग्वेज है, ये बस सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, ठीक है। ये यूज क्यों होती है, ताकि मैं करंट ऑपरेशंस कर पाऊं RDBMS पे, समझ गए आप, तो दोनों फर्क है। अगर मैं इसकी बात करूं तो MySQL क्या है, इटसेल्फ ए RDBMS, ठीक है, तो दोनों में फर्क है। ये SQL जो है वो RDBMS नहीं है, ये क्या है, सिंपल ए वे है, वे टू एसेस डेटा। और अगर MySQL की बात करूं तो ये क्या है, क्रड ऑपरेशन इस पे किए जाते हैं, क्रड ऑपरेशन डन ऑन इट यूजिंग SQL एज ए लैंग्वेज, ठीक है, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर, सिंपल, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इस अपने लेक्चर में हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर के अंदर MySQL कम्युनिटी सर्वर, ठीक है। सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, स्टेप्स मिल जाएंगे, मैक में कैसे इंस्टॉल करने हैं, लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करने हैं या विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच क्या है, सिंपल एक UI है, ठीक है, UI एक IDE भी बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इसके अंदर आप क्वेरीज लिख के और डेटा को देख सकते हो, डेटाबेस कैसा बना हुआ है, इस टाइप से एक UI है, यूजर इंटरफेस, एक यूजर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो वर्कबेंच भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा, ये MySQL वर्कबेंच है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे स्कीमास लिखे हुए हैं, अभी स्कीमा कोई आया नहीं हमारे पास, अभी हमने कुछ नहीं बनाया हुआ,
ठीक है, यहाँ पर आप अपनी एसक्यूएल की क्वेरीज लिख सकते हो और उनको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ होगा, अभी थोड़ी देर में वापस इस पे आएंगे, ठीक है। चलो चलिए, तो एक बार एक नोट्स पे देख लेते हैं, नोट्स पूरे बना दिए गए हैं, नोट्स देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एसक्यूएल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, क्रड ऑपरेशन के लिए काम आती है एसक्यूएल, ठीक है। क्रड ऑपरेशन मैं किस पे करता हूँ, मैं आरडीबीएमएस पे करता हूँ। हम कौन सा आरडीबीएमएस यूज करने वाले हैं, माई एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल इज नॉट डीबी, एसक्यूएल खुद एक डेटाबेस नहीं है, वो एक क्वेरी लैंग्वेज है सिंपल, ठीक है। व्हाट इज आरडीबीएमएस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ लेना है यहाँ पर। माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स आरडीबीएमएस है जो कि यूज करता है एसक्यूएल का क्रड ऑपरेशन करने के लिए। बहुत ही बढ़िया, डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार MySQL वर्कबेंच में जाकर एक बार DB क्रिएट करके देख लेते हैं कि DB क्रिएट करते कैसे हैं, ठीक है। क्रिएट करके एक टेबल भी बना के देख लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। इनकी क्या क्या कमांड्स होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे फॉर्मली, बस एक बार देख लो सिंपल सा कि कैसे कोई टेबल बनता है, कैसे हम DB को बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब स्क्रीन पे मुझे क्या करना है, सबसे पहली कमांड मेरी होती है क्रिएट डेटाबेस टेम्प, ठीक है। मैं टेम्प ना का नॉर्मल सा डेटाबेस बना रहा हूँ, अगर मैं इसको क्रिएट करके ऐसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, आप इसमें सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो, ये देखो एग्जीक्यूट हो गया। यहां पर जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पर डेटाबेस नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसमें जाके, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने से पहले मुझे बताना होता है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल को, सॉफ्टवेयर को, कि मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यूज करना है यूज टेम्प। अगर मैंने ये एग्जीक्यूट कर दी तो आप नीचे फीडबैक भी देख सकते हो, यहाँ पे फीडबैक आ रहा है कि एग्जीक्यूट हो गई है और इसको इतना टाइम लगा एग्जीक्यूट होने में। तो सिंपल आप इसको वापस से रिफ्रेश करोगे तो अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि टेबल हमने बनाया नहीं है। अब एक टेबल बना के देख लेते हैं एक बार। टेबल की कमांड होती है मेरी क्रिएट टेबल, मान लो अभी हम स्टूडेंट टेबल बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आईडी ले लेता हूँ, आईडी इंट जो कि प्राइमरी की होगी, ठीक है, इनको कैपिटल कर देते हैं, सब कुछ कैपिटल रखना होता है। ये एक नॉमनक्लेचर है कि जितने भी कीवर्ड्स आप एसक्यूएल स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिख रहे हो आप उनको कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, ठीक है। हालांकि अगर मैं इसको स्मॉल में भी लिखूंगा, अगर मैं इसको ऐसे सिंपल लिख दूं प्राइमरी की तो भी ये चल जाएगा, इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, बट एक नॉमनक्लेचर है कि आप इस तरीके से यूज करो ताकि दूर से जब क्वेरी को देखूंगा तो मुझे समझ आएगी आ जाए कि क्या आपके कीवर्ड्स हैं, क्या आपके एक्चुअल आइडेंटिफायर्स हैं, यानी कि जो आप लिख रहे हो यूजर डिफाइंड है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने छोटा रख दिया, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें नेम ले लेते हैं, नेम मेरा वेरकेर होगा, इसकी लेंथ सेट कर देते हैं 25, ठीक है, और बस अभी दो ही चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ये बहुत ज़रूरी है, आपको एंड में सेमीकोलन लगाना है। अब इसको पूरा सेलेक्ट करके अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखो नीचे लिखा गया है कि क्रिएट टेबल हो गया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करके देखूं तो मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत सही। तो आप ध्यान से देखो ये जो कमांड लिखी गई है ये सारी आपके इस आईडी में लिखी गई है, ये एक्चुअल एसक्यूएल है, ये एसक्यूएल है, ठीक है। और ये पूरा जो आपको यूआई दिख रही है ये मुझे प्रोवाइड की है मेरे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर ने जो कि है माई एसक्यूएल। इसको मैंने एग्जीक्यूट करा तो एसक्यूएल के थ्रू मैंने आरडीबीएमएस को कमांड किया कि आप भाई एक डेटाबेस बना दो और उसके अंदर एक टेबल बना दो, ठीक है। टेबल में देख सकता हूँ इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर मुझे इस टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करना हो तो मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, वैल्यूज और वैल्यूज दे सकते हो, मान लो मैं 1 दे देता हूँ आईडी और नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पर अंकित, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक एंट्री ऐड हो जाएगी, यानी कि एक टपल ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको चलाते हैं, अब ध्यान से देखते हैं, अगर मुझे फैच करना है डेटा, ठीक है, अभी सब हम फॉर्मली डिस्कस करेंगे बट मैं बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए, ठीक है। फैच करने के लिए मुझे चाहिए सेलेक्ट
सेलेक्ट कीवर्ड का यूज होता है, स्टार यानी कि एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का यूज करता हूँ मैं ये बताने के लिए मुझे सारा डेटा चाहिए, टेबल का सारा डेटा दिखा दो मुझे, स्टार। फ्रॉम क्लॉज का हम यूज करते हैं कि फ्रॉम से मतलब मुझे कि कौन से टेबल से डेटा चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मुझे यहाँ पर एक एंट्री मिल गई है वन और उसमें अंकित, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से समझ आ गया किस तरीके से मैं डेटा को देखता हूँ, ठीक है। ये आपका MySQL Workbench था, बहुत ही बढ़िया। अब ये सारी कमांड्स जो हैं, जितनी भी कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स आप CLI पे भी चला सकते हो, यानी कमांड लाइन इंटरफेस पे। वो कैसे देख करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, इसके अंदर सबसे पहले मुझे SQL में लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। मैक में यहाँ पे MySQL पड़ा हुआ है तो -u रूट -p करके मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं एंटर करवाता हूँ तो ये पासवर्ड पूछता है जो कि मैंने इंस्टॉल करते हुए सेट किया था, अभी भी बोल रहा हूँ अब जाके एक बार इंस्टॉल कर लो तभी ये सब चीज़ें करो आगे। मैंने पासवर्ड डाल दिया और ये यहाँ पे मैं लॉग इन हो चुका हूँ, यानी कि मैं कमांड लाइन इंटरफेस से भी लॉग इन हो गया हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लॉग इन हूँ मैं, बट ये प्रोवाइडेड बाई SQL एक UI है, ठीक है। और यहाँ पे मैं CLI से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इधर जाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं कमांड चलाता हूँ शो डेटा बेसिस, तो आप देखो वन इंफॉर्मेशन स्कीमा MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, ये जो है ये MySQL ने पहले से बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड है जो हमने टेम्प बनाया था, ठीक है। तो ये सारी कमांड मैं यहाँ भी चला सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर चला सकता हूँ यूज टेम्प, यूज टेम्प में डेटाबेस चेंज हो गया, यानी टेम्प मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट करता हूँ शो टेबल्स, तो ये मुझे टेबल्स दिखाएगा कि कितने टेबल्स हैं। इसमें एक ही टेबल है स्टूडेंट जो हमने बताया था। उसके बाद मैं यहाँ पर भी सारी कमांड चला सकता हूँ, सारी कमांड, यानी यहाँ भी मैं क्रिएट टेबल की कमांड चला सकता हूँ इस तरीके से, इंसर्ट की भी कमांड चला सकता हूँ, सेलेक्ट की भी चला सकता हूँ। एक बार इंसर्ट की चला के देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं चलाऊँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज देता हूँ मैं, अब आप ये देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने कैप्स में चीजें नहीं डाली है, इंसर्ट मैंने कैप्स में रखा हुआ है, बाकी सब मैंने स्मॉल केस में रखा हुआ है, यानी कि लोअर केस में रखा हुआ है। तो इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, SQL जो MySQL जो है उसका प्रोसेस समझ लेता है चीज़ों को, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। बट जैसे कि पहले बोला कि एक नॉर्म है, ये ऐसा हम यूज करते हैं ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस बनी रहे। हालांकि ये भी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, अब देखो ये एग्जीक्यूट हो गई, वन रो इफेक्टेड आ गया, 0.01 सेकंड में चल गई है। अब अगर मैं यहाँ पर चलाऊँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पर दो एंट्री नजर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं, अगर यहाँ भी जाके मैं फिर से ये कमांड चलाऊंगा तो आप देखो यहाँ पर भी दो एंट्री मुझे नजर आ रही हैं। तो बहुत ही बढ़िया, तो आपको दोनों मेथड पता चल गए। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा गीकी बनना तो आप CLI का यूज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों यूज करो, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हालांकि कमांड्स तो आपको यहाँ भी लिखनी है, यहाँ थोड़ा UI में चीज़ें समझ आती हैं, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, तो ये था छोटा सा ट्रेलर कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं SQL के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि ये बताओ कि अभी हमने एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स पढ़े थे Tier 1, Tier 2, Tier 3, तो ये कौन सा आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये आप कमेंट्स में लिख के बताओगे मुझे कि कौन सा आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में ये बात हो चुकी है कि जब हम अपने कंप्यूटर में SQL या MySQL को सेटअप करते हैं, RDBMS को सेटअप करते हैं, तो वो कौन सा आर्किटेक्चर होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलो वापस से आते हैं आईपैड पे। अब हम डिस्कस करते हैं SQL के अंदर डेटा टाइप्स। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट बनाया था, स्टूडेंट बनाया था, उसमें हमने आईडी दी थी, फिर इंट लिखा था यहाँ पर, राइट, इंट लिख के इसको प्राइमरी की बना दिया था, इसको प्राइमरी की बना दिया था। फिर उसके बाद मैंने नेम लिखा था, नेम को मैंने वेयर कैर 255 सेट किया था, है ना। तो ये कुछ कमांड मैंने लिखी थी। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो भी आप आइडेंटिफायर डिफाइन कर रहे हो, जो भी आप एट्रीब्यूट बना रहे हो या कॉलम बना रहे हो, जैसे कि आईडी और नेम, अब उसका डोमेन क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो बताने के लिए SQL आपको बहुत सारे टाइप के डेटाबेस डेटा टाइप जो है सजेस्ट करता है कि आप यूज कर सकते हो, बहुत फ्रीडम देता है। सारे डेटा टाइप्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या यूज केस है उनका।
ठीक है, हमारे यूज केस में या इस वीडियो के यूज केस में सारे यूज नहीं कर पाएंगे हम, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से केस में क्या यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल int ही है, ठीक है, int आपका 4 byte का इंटीजर है नॉर्मल। ठीक है, आपका वेर कैर है, ठीक है, ये करेक्टर या सेट ऑफ करेक्टर्स को दिखाने के लिए काम आता है। ठीक है, सिंपल नोट्स पे चलते हैं, नोट्स पे सारे समराइज हैं, वहां पर देखते हैं सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आता है करेक्टर कैर। कैर कैर आपका होता है कि आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए काम आता है। इसका साइज आपका 0 से 255 तक हो सकता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम साइज 255 तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लिखा है 251, तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो उसको। और अब दूसरा है आपका वेर कैर। वेर कैर आप देख रहे हो ये भी सेम ही है, ठीक है, ये भी सेम है, 255 तक इसकी रेंज होती है। तो कैर और वेर कैर इफेक्टिवली सेम काम करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट एक मेजर फर्क है इनमें, वो है कि जो वेर कैर है वो एक वेरिएबल डेटा टाइप है, इसका जो साइज है वो वेरिएबल रहता है, कैर का जो है वेरिएबल नहीं फिक्स साइज होता है। इस बात को एक बार समझते हैं ढंग से। तो जैसा कि हमने बात की, मेरे पास अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ वेर कैर 255, दूसरा है मेरे पास कैर 255, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कि वेरिएबल है, वेरिएबल डेटा टाइप है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड डेटा टाइप है। इसका मतलब क्या है, जब आपने डिफाइन किया, जैसे कि हम C++ में एरे वगैरह बनाते हैं, तो ये भी एक एरे ही है, करेक्टर्स की एरे है, तो जब आपका कैर डिफाइन हो रहा होगा तो कैसे डिफाइन हो रहा होगा कि भाई मेमोरी के अंदर मैंने उठाकर 0 से लेके 254 तक, 254 तक 255 एंट्रीज, बेसिकली 255 एंट्रीज मैंने बनाकर रख ली, ये फिक्स साइज एलोकेट कर दिया, यानी इतना बड़ा साइज मैंने पहले ही मैलॉक कर दिया या न्यू कर दिया, पहले से आपका मैंने मेमोरी में एस्टेब्लिश करके रख दिया, तो मेमोरी में पड़ा हुआ पहले से इतना बड़ा। हालांकि जब आप यूज कर रहे हो, मान लो किसी का नाम राम है, तो वो RAM, तो इफेक्टिवली वो 3 bytes ही यूज कर रहा है, 3 bytes ही यूज कर रहा है, बट आप देखोगे मेमोरी परस्पेक्टिव से तो 3 bytes नहीं, अभी भी ये 255 bytes ही आपका यूज कर रहा है। ठीक है, तो इससे बेटर सोल्यूशन है कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपर लिमिट सेट कर दूं कि 255 तक करेक्टर्स हो सकते हैं, बट आप नीड बेसिस पे कि जितने का आपके करेक्टर की स्ट्रिंग आ रही है, इनपुट आ रही है, आप नीड बेसिस पे उतना ही आप एलोकेट करोगे। इसका मतलब यहाँ पर जब अगर मैं राम के केस में बात करूं तो 3 ही byte एलोकेट होंगे, ठीक है, बाकी मेमोरी के अंदर बाकी बाइट एलोकेट नहीं होंगे। तो आप ध्यान से देखो, स्पेस के मामले में बोलूं तो वेर कैर इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, क्योंकि इसमें तो मैंने फिक्स कर दी कि भाई 255 रहेगी रहेगी, हालांकि यूज उसमें कम हो रही है, हो सकता है किसी का नाम हो अली, ये भी 3 ही byte यूज कर रहे हैं, किसी का नाम हो सकता है कि 255 करेक्टर का हो तो 255 करेक्टर यूज करेगा। इसका मतलब आपका चाहे बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, चाहे कोई सा केस हो, आपके 255 byte जो है मेमोरी से जा चुके हैं, बट वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। तो आप जितने भी देखोगे, जितने भी डेटा टाइप्स के आगे वेर लग गया उसमें यही होता है, वो वेरिएबल हो जाते हैं, आप वेर लगा दोगे चीजें वेरिएबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा फर्क है, बस काफी इंपॉर्टेंट फर्क है, तो आपको हमेशा वेर ही यूज करना चाहिए, वेरिएबल ही यूज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका टाइनी टेक्स्ट। ठीक है, टाइनी टेक्स्ट क्या होता है, टाइनी टेक्स्ट भी सेम ही है आपका, स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट आप देखोगे टेक्स्ट की लिमिट बढ़ गई है। ठीक है, ब्लॉब आपका होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी आपको ऑडियो वीडियो इस टाइप की चीजें स्टोर करनी होती हैं, जितनी भी आपकी चीजें होती है ना, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, या कंप्यूटर में कोई भी फाइल है, आप उसको अगर बाइट्स में स्टोर कर लेते हो, बाइट्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हो, ठीक है, और बाद में वापस से उसको डिजिटलाइज कर लोगे बाइट्स में, तो आपका डेटा कभी भी ना खराब नहीं होता, करप्ट नहीं होता, यानी कि आप, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका जित सिस्टम है वो बाइट्स में सब कुछ स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑडियो वीडियो या किसी भी टाइप की फाइल्स होती है ना, जो कि बल्कि फाइल्स हैं, बड़ी फाइल्स हैं, उनको हम ब्लॉब में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब इसी में टाइनी हो गया, सबसे छोटा होता है। ठीक है, फिर आपका मीडियम है, मीडियम में इसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, लॉन्ग में ओवर साइज बढ़ गया है। टाइनी इंट आप देखोगे, टाइनी इंट आपका 1 byte का ही है। ठीक है, अगर स्मॉल इंट है, फिर आपके पास मीडियम है, मीडियम इंट 3 byte का है, इंट आपका 4 byte का है,
बिगिंट आपका 8 byte का है, तो ऐसे आप देखो अपने नीड बेसिस पे आप डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हो। तो नीड बेसिस पे जैसे भी आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट जो भी है आपकी, आप एसक्यूएल के अंदर इतने टाइप्स के डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको फ्लोट स्टोर करना है आप फ्लोट यूज कर लो, आपको डबल स्टोर करना है आप डबल यूज कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल है, डेट है, डेट का ये फॉर्मेट होता है, अगर आपको डेट स्टोर करना है तो डेट, टाइम है तो ये फॉर्मेट होता है, टाइम स्टैम्प है तो आपका ये फॉर्मेट होता है। टाइम स्टैम्प नॉर्मली यूज होता है जो आपको सर्वर सर्वर का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, आपको एब्सोल्यूट टाइम चाहिए होता है। ठीक है, आपका टाइम है तो आप टाइम ऐसे स्टोर कर सकते हो, आपको डेट से मतलब नहीं है। ठीक है, इनम है, इनम जैसे सी प्लस प्लस में होता है ना, इनम की ये 3 values आपने बता दी, बना दी, इनम इनम आपने बनाया जैसे कार टाइप, तो कार टाइप आपके SUV, सेडान, हैचबैक ऐसे 3 बना दी, तो आप इन तीनों को यूज कर सकते हो प्रीसेट वैल्यूज को, ऐसा ही SQL भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेट आपको होता है, सेट भी आपका वन ऑफ द प्रीसेट वैल्यूज, वन और मैनी। इनम में आप क्या करता है, आपका सेट ऑफ वैल्यूज में से कोई एक वैल्यूज यूज हो सकती है। मान लो कि जैसे कि आपने इनम बना दिया A, B, C, तो कोई एक वैल्यू असाइन कर सकते हो बस आप सेट में। क्या आप एक से मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बुलियन आपका 0, 1। ठीक है, बुलियन आपका MySQL में या फिर और जो Oracle है या डिफरेंट टाइप की जो भी RDBMS है उसके अंदर बुलियन टाइनी इंट की तरह इंप्लीमेंटेड होता है इंटरनली। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बिट आपका है, बिट आपका 64 तक आप, आपको डेटा बिट में स्टोर करना है, बिट में स्टोर करना है तो 64 तक इसके आप लेंथ दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस लिंक पे मिल जाएगी, आप W3 School पे जा सकते हो और इसके बारे में ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, और आई वुड रिकमेंड कि SQL के लिए आप W3 School के अंदर पूरा SQL का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है, आप उसको नीड बेसिस पर रेफर कर सकते हो, वो पूरी एक एनसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, देखो स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन पे इस तरीके से आपकी ये वेबसाइट है W3 School, आप उसको यूज कर सकते हो। यूज करके आप जितने भी टाइप के आप, अभी हम पढ़ेंगे आगे बहुत सारे चीजें पढ़ेंगे SQL के अंदर, वो सारे यहाँ पे डिफाइंड है क्लॉजेस। ठीक है, ग्रुप बाय, वाइल्ड कार्ड, ये सारे जॉइंस क्या होते हैं, व्यूज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइंड है। तो आप जब भी आप थोड़ा सा भूल जाओ तो आप यहाँ पे आके रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज होती है आपकी साइंड एंड अनसाइंड SQL, आपको ये भी प्रोवाइड करता है। अगर आप टाइनी इंट लेते हो, टाइनी इंट, तो उसकी वैल्यू रेंज करती है -128 से लेके 127 तक। ठीक है, तो आप इसमें देखो कि बाय डिफॉल्ट जैसे कि C++ में होता है इंटीजर, जो इंट आप डिफाइन करते हो, इंट जो है वो साइंड होता है। अगर आप उसको अनसाइंड कर देते हो, अगर आपको पता है कि आपका यूज, आपके यूज केस में नेगेटिव वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती, तो अनसाइंड यूज कर सकते हो, रेंज बढ़ा सकते हो। जैसे इसी को मैं अगर लिख दूं अनसाइंड टाइनी इंट, ठीक है, तो इसकी रेंज 0 से लेके 255 तक हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी यानी कि रेंज। तो ये भी आपको फंक्शनलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है कि साइंड और अनसाइंड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसकी सिंपल सी कमांड देखूं, तो सिंपल सी कमांड इसकी क्या होगी, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम ले लेता हूं मैं, कॉलम वन मैंने इंट डाल दिया और कॉलम टू मैंने इंट, उसको अनसाइंड बता दिया। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है इसका कि इसको मैं अनसाइंड बना सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया। और भी बहुत टाइप के एडवांस्ड डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका जेसन। आप जेसन भी फाइल को सेट कर सकते हो इस तरीके से कि अगर आपके क्रिएट टेबल की कमांड है, ठीक है, क्रिएट टेबल की कमांड है, इसमें आप यहाँ देख सकते हो कॉलम वन मेरा जेसन फाइल होगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो। जेसन क्या होता है, जेसन क्या होता है, जो वेब में काम करते हैं उनको पता होगा कि जब मुझे डेटा ट्रांसफर करना होता है सर्वर टू UI, UI टू सर्वर, तो जेसन फॉर्मेट में करता हूँ। की वैल्यू पेयर टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं यूज कर सकता हूँ। रॉ टेक्स्ट से थोड़ा बेटर होता है ये, रॉ टेक्स्ट आपका सिंपल रॉ टेक्स्ट है, तो आप इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस का यूज करके आप की वैल्यू पेयर में चीजों को स्टोर करते हो और उसी तरीके से रीड कर लेते हो। ठीक है, ऐसा कुछ होता है जेसन के बारे में ज्यादा नहीं देखने। होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब आपको की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करना होता है तो हम इसको यूज कर लेते हैं। की वैल्यू पेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम कि भाई SQL के अंदर कितनी टाइप की कमांड्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कमांड्स।
सबसे पहले मेरे पास होता है DDL, डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब ये हमने शायद पहले भी पढ़ा है, पहले वन लेक्चर या टू में पढ़ा होगा हमने, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हम इसमें डिफाइन करते हैं स्कीमा को, टेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। एक वो नोट्स पे चल के डायरेक्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। टाइप्स ऑफ कमांड में देखूं तो DDL आपका होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि मैं डेटा को डिफाइन करता हूँ, यानी कि डेटा कैसा दिखेगा, व्हाट वाले पार्ट को बताता हूँ। ये सब हम कंसेप्चुअल लेयर में बात कर रहे हैं, तो टेबल स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, जो अभी हमने स्टूडेंट का टेबल बनाया था, जो भी क्रिएट टेबल की कमांड लिखी थी, वो सब DDL में आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, सबसे पहले क्रिएट, इसके अंदर क्रिएट टेबल या व्यू या डेटाबेस को, जैसे हमने क्रिएट डेटाबेस भी किया था, राइट। उसी तरीके से अल्टर टेबल कमांड होती है मेरे पास। अल्टर टेबल मतलब जो ऑलरेडी आपका टेबल का स्ट्रक्चर आप बना चुके हो, आप जो ऑलरेडी बना चुके हो आप उसको चेंज करते हो यूजिंग दिस। इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। ड्रॉप के अंदर मैं क्या करता हूँ, टेबल को डिलीट करता हूँ, डीबी को डिलीट करता हूँ, कोई व्यू को डिलीट मार देता हूँ। ट्रंकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सारे टपल्स को रिमूव करता हूँ, रिमूव ऑल द टपल्स फ्रॉम द टेबल। यानी कि मैंने टेबल डिफाइन किया, बनाया, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी डेटा है, मान लो मुझे अब उसको डिलीट करना है, मुझे स्कीमा डिलीट नहीं करना, मुझे टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना, मुझे बस वो रोज डिलीट करनी है कि जो जो डेटा एंटर्ड है वो डिलीट करना है, यानी टेबल को खाली करना है, टेबल नहीं डिलीट करना, टेबल की एंट्रीज को खाली करना है। तो उसके लिए मैं ट्रंकेट का यूज करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे टेबल डिलीट करना होता है उसके लिए मैं ड्रॉप का यूज करता हूँ, ये देखेंगे हम आगे, डोंट वरी। रीनेम, यानी कि मुझे डेटाबेस का नाम रीनेम करना हो, टेबल का नाम रीनेम करना हो, कॉलम का नाम रीनेम करना हो, तो ये रीनेम का यूज होता है। दूसरा मेरे पास DRL यानी या DQL, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज या डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि जो हमने तीन चीज चार चीजें डिस्कस की थी, CRUD, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, तो हमने देखा DDL के अंदर क्रिएट भी हो रहा है, ठीक है। सेलेक्ट का यूज करके मैं रीड करता हूँ डेटा को, ठीक है। अपडेट को यूज करके मैं डेटा को अपडेट करता हूँ, ठीक है, इसको देखेंगे हम। और डिलीट के अंदर हम डेटा को डिलीट कर देते हैं, ट्रंकेट के अंदर भी डिलीट कर रहे हैं, ड्रॉप के अंदर भी डेटा को डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट कमांड का यूज करके हम डिलीट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। DML होता है मेरा डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, इसके अंदर हम जो ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। यानी कि मॉडिफिकेशन में क्या आता है, आपके पास टेबल पड़ा है, टेबल के अंदर 10 एंट्रीज हैं, मुझे 11वीं एंट्री डालनी है, तो इंसर्ट का यूज करके डाल देते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें इंसर्ट का यूज किया था, मुझे जब एक स्टूडेंट की एंट्री डालनी थी। अपडेट के अंदर जो ऑलरेडी मेरे पास डेटा पड़ा है उसको मुझे अपडेट करना है, ठीक है। डिलीट के अंदर क्या होता है, डिलीट के अंदर मैं कोई रोज मुझे डिलीट करनी है तो रोज डिलीट कर सकता हूँ, एक भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, ठीक है, सारी भी कर सकता हूँ। DCL होता है मेरे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। आपका RDBMS के अंदर ये भी काम होता है कि आप ये सपोर्ट प्रोवाइड करो कि भाई किसको DB का एक्सेस है, किसको नहीं है। तो ये करने के लिए मैं ग्रांट और रिवोक कमांड का यूज करता हूँ, यूजर स्पेसिफिक मुझे अगर कुछ कंट्रोल्स देने हैं, ठीक है। TCL आपका होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मुझे ट्रांजेक्शन जब मैनेज करनी होती है तो मैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करता हूँ, जिसके अंदर पेपर कमांड आती है स्टार्ट ट्रांजेक्शन, जिसमें ट्रांजेक्शन को बिगिन करते हैं, कमिट करते हैं, रोल बैक से पॉइंट। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। MySQL के अंदर भी ट्रांजेक्शन ये सब वर्ड्स हैं। ट्रांजेक्शन होता क्या है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन एक एटॉमिक कमांड्स है, ठीक है। इसका मतलब या तो वो प्रोसीजर, यानी कि हमने सेट ऑफ टास्क बनाए, सेट ऑफ टास्क हैं, वो सेट ऑफ टास्क या तो कंप्लीट होंगे या कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि आप अपने जब भी किसी को पैसे भेजते हो गूगल पे यूज करके, तो एक ट्रांजेक्शन क्यों बोलते हैं उसको, ट्रांजेक्शन इसलिए बोलते हैं या तो आपके अकाउंट से वो डेबिट होके किसी आपके फ्रेंड के अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक है, या तो नहीं होगी, कहीं बीच में कोई भी कोई स्टेट नहीं होती। अगर बीच में कोई एरर आता है तो हम रोल बैक कर जाएंगे, यानी कि वापस से आ जाएंगे, आपके पैसे अगर कट गए हैं तो वापस पैसे आपको आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, यानी सेट ऑफ स्टेप्स को या तो कंप्लीट होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। DDL में यानी मैनेजिंग DB के अंदर हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करना होता है ये हम देख चुके हैं। इफ नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, इफ नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो ही हम बनाएंगे। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब भी आप टेबल बना रहे होते हो या डेटाबेस बना रहे होते हो तो इफ नॉट एग्जिस्ट यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। यूज को यूज करके अभी हमने देखा था, जब भी मुझे मेरे पास 10 डेटाबेसेस हैं, मुझे जोन से भी डेटाबेस पे काम करना शुरू करना है, मैं यूज को करके उस पर डेटाबेस को स्विच कर जाता हूँ। यानी कि मैं DBs के
अक्रॉस स्विच करने के लिए यूज कमांड का यूज करता हूँ, ठीक है। ड्रॉप के अंदर डेटाबेस को ड्रॉप कर देते हैं, शो के अंदर शो करते हैं, शो टेबल के अंदर सेलेक्टेड डेटाबेस के जितने भी टेबल्स हैं उनको शो करते हैं, ठीक है। ये अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, ठीक है। एक बार ड्रॉप कमांड को चला के देखते हैं कि क्या हम डेटाबेस को ड्रॉप कर पाते हैं। अगर मैंने जो ये डेटाबेस बनाया था इस पर अगर मैं ड्रॉप कमांड चलाऊं, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, डीबी का नाम क्या है, स्टूडेंट, इसको मैं चलाऊंगा तो स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको ना स्टूडेंट की जगह मैं इसको बोल दूं स्टूडेंट एबीसी, तो ऐसा कोई डेटाबेस हमने बनाया ही नहीं है। सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं, मुझे यहाँ पर टेम्प लिखना होगा। रीजन बीइंग क्योंकि डेटाबेस टेम्प है, स्टूडेंट तो टेबल था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्प की जगह टेम्प वन लिख के इसको कमांड को चलाता हूँ तो क्या ये सक्सेसफुल होगी? ये सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि ऐसा कोई डेटाबेस ही नहीं था। अगर मैं इसको यहाँ पे टेम्प लगा देता हूँ, टेम्प लगा के इसको चलाता हूँ तो ये डेटाबेस पूरा ड्रॉप हो जाएगा। डेटाबेस ड्रॉप हो गया, यहाँ से सब कुछ खाली हो गया, ठीक है। तो ड्रॉप कमांड हमें समझ आ गई है, बहुत ही बढ़िया। चलिए वापस से आईपैड पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे डी क्यू एल के बारे में, यानी कि हम डेटा को एक्सेस करके देखेंगे डिफरेंट टाइप से कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं। तो डी क्यू एल के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास सबसे पहले एक डेटाबेस तो होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। डेटाबेस होने के बाद उसके अंदर टेबल्स भी बने होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे कंप्लीट डेटाबेस चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने एक डेटाबेस बना के रखा हुआ है जिसके अंदर वर्कर है, उनके उनको बोनस मिलता है, ठीक है। ऐसा कुछ डेटाबेस है उसको देख लेते हैं। ये देखो, तो ऐसा कुछ डेटाबेस हमने बनाया है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, वर्कर है। वर्कर के अंदर वर्कर की आईडी है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी है उसकी, उसने ज्वाइन कब किया था, उसका कौन सा डिपार्टमेंट है। तो ऐसा कुछ हमने बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। अब साथ ही में ये तो मेन टेबल हो गया, मेरे पास वर्कर टेबल है, साथ ही मेरे पास बोनस नाम का भी एक टेबल है, उसके अंदर वर्कर रेप आईडी करके बना हुआ है। ये आपको सबको समझ आ गया होगा, हमने फॉरेन की के बारे में पढ़ा है। ये एक फॉरेन की है, ये एक फॉरेन की है, ये यूज क्यों हो रही है, मैं इसको यूज करके यहाँ पर पॉइंट करना चाह रहा हूँ, यानी कि ये जो है, ये पर्टिकुलर टेबल जो है, ये आपका चाइल्ड टेबल है, ये इसको मैं रेफरेंसिंग टेबल भी बोल देता हूँ। और ये मेरे पास जो ये पूरा टेबल है ये पेरेंट टेबल है, इसको मैं रेफरेंस टेबल भी बोलता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एक टाइटल टेबल है, टाइटल टेबल के अंदर क्या है कि आपका जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है या वर्कर है, ठीक है, उसका क्या टाइटल है और वो कब से अफेक्ट हुआ था, यानी वो टाइटल कब से बना था। तो ऐसा कुछ डेटाबेस बना के रखा हुआ है, ठीक है। एक बार डेटाबेस को बना लेते हैं और बनाने के बाद इसी डेटाबेस को यूज करके हम सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या क्वेरीज होती हैं और आउटपुट कैसे कैसे उनकी आती है। बहुत ही बढ़िया, वापस एक बार स्क्रीन पे आते हैं। ये सारी कमांड्स अभी एग्जीक्यूट करने वाले हैं हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, मेरे पास सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस ऑर्ग, ठीक है, इस डेटाबेस का नाम मैं रख रहा हूँ ऑर्ग, ORG, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, हम देख चुके हैं, मेरे पास एक डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, यहाँ पर डेटाबेस बन चुका है जिसके अंदर टेबल व्यूज कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि शो डेटाबेसेस, अगर मैं शो डेटाबेसेस चलाता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि कितने डेटाबेसेस हैं हमारे पास, हमारा ऑर्ग वाले डेटाबेस में हमें काम करना है। तो मैं यूज कमांड का यूज करके इस पर स्विच कर जाऊंगा, ये मैं डेटाबेस को स्विच कर लिया मैंने। सबसे पहला टेबल बनाऊंगा जो कि आप देख सकते हो क्रिएट टेबल कमांड से टेबल को बनाया जा रहा है, ठीक है। क्रिएट टेबल कमांड के अंदर वर्कर दिया मैंने, ये पहला एट्रीब्यूट है, ठीक है, और इस तरीके से इसको डाला जा रहा है, इसको प्राइमरी की बनाया गया। ऑटो इंक्रीमेंटेड है ये, ऑटो इंक्रीमेंटेड का मतलब आप जब भी कोई एंट्री डालोगे, ठीक है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट करता जाएगा आपकी आईडी को, ठीक है। आपने पहला डालेगा तो तब वन रहेगा, सेकंड आप एंट्री डालोगे 2 हो जाएगा, 3, 4 ऐसे ऐसे करके आपका आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इन सबको समझेंगे हम, अभी जल्दी से हम एक बार डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले थे डी क्यू एल क्वेरीज डिस्कस करने वाले थे। तो क्रिएट टेबल हमने कर दिया है, क्रिएट टेबल के बाद अब ध्यान से देखोगे इसको रिफ्रेश करके तो यहाँ पर मुझे टेबल नजर आ रहा है। हो सकता है अभी आपको कुछ कुछ चीजें कम समझ में आ रही हो, बट पूरी एंड तक वीडियो देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से मैं डेटा को इंसर्ट करता हूँ। ये डेटा को इंसर्ट करा मैंने, आप ध्यान से देखो इंसर्ट की कमांड में आप जो टेबल के नाम के साथ साथ हमने एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं, तो एट्रीब्यूट्स को भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। फिर आपने बहुत सारी वैल्यूज मेंशन कर दी, यानी कि आप एक भी ऐड कर सकते हो। अभी हमने इससे पहले जो एग्जांपल देखा उसमें एक
एंट्री ऐड की थी, आप मल्टीपल भी एंट्रीज ऐड कर सकते हो। आप ध्यान से देखो, हमने मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर दी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर चलाता हूँ तो ये सारी एंट्रीज मुझे नजर आएंगी। देखो ध्यान से, सब कुछ एंटर हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। आगे भी टेबल बना लेते हैं। ये मैंने टेबल बनाई बोनस की, इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी इंसर्ट कर देता हूँ मैं। टाइटल बनाया और ये भी इंसर्ट कर दी। ध्यान से देखो, हमने सारा अपना पूरा डीबी बना लिया है। अब इस डीबी का आप ईआर डायग्राम भी देख सकते हो। इसको ईआर डायग्राम कैसे देखते हैं, अब आपने पूरा डीबी बना लिया, एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ बनाया कि नहीं। यस, तीनों टेबल्स बन चुके हैं। मैं डेटाबेस में जाऊंगा, यहाँ जाने के बाद रिवर्स इंजीनियर पर क्लिक करूंगा, अपना इंस्टेंस सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट जाऊंगा और डीबी को सेलेक्ट करता हूँ। अब कंटिन्यू दबाऊंगा तो अब देखो ध्यान से मुझे एक डायग्राम नजर आ रहा है। ये देखो, ये आपका ईआर डायग्राम है। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन डीबी बनाया, उसका ईआर डायग्राम है। अब ध्यान से देखो ईआर डायग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास वर्कर है, ठीक है, और वर्कर डेफ आईडी हमने यहाँ पे दो फॉरन की, ये फॉरन की ऐड की हुई है, ये फॉरन की है और यहाँ भी ये फॉरन की है। अभी फॉरन की ऐड हो रखी है तो किस तरीके से ऐसे ये रेफरेंस बनाया हुआ है कि भाई ये जो पर्टिकुलर टेबल है टाइटल, ये आपका चाइल्ड है और ये पेरेंट है, ठीक है। तो ये लिंकेज बन चुकी है, इसलिए मैं इसको रिलेशनल डेटाबेस बोलता हूँ, ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस बन चुका है, रिलेशन मॉडल हमने बनाया होगा, उससे हमने क्रिएट की कमांड दी और इस तरीके से मैंने पूरा डेटाबेस बना दिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया डेटाबेस बन चुका है। अब हम वापस से अपने आईपैड पे आते हैं और समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। DQL के अंदर सबसे पहले मेरे पास आता है, सबसे पहले मेरे पास आता है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड से मैं क्या करता हूँ, मैं सारा डेटा देख सकता हूँ, ठीक है। किसी भी टेबल के अंदर मैं सारे कॉलम्स का डेटा भी देख सकता हूँ, मैं कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स भी देख सकता हूँ, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको, इसका सिंटेक्स कुछ तरीके से होता है। सेलेक्ट फ्रॉम, मैं सेट देता हूँ कॉलम्स का, फ्रॉम टेबल। एक बार इसको स्क्रीन पे आके देखते हैं कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, अब यहां पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर। आप सबको पता है इसका क्या आंसर आएगा, सारे वर्कर लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, अगर मैं यहाँ पे कुछ सेट ऑफ कॉलम्स भी दे सकता हूँ, अगर मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सारे वर्कर्स का ना सैलरी जाननी है, अगर मुझे सारे वर्कर्स की सैलरी जाननी है तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, तो मुझे सब वर्कर्स की सैलरी नजर आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। या फिर मुझे नेम के साथ चाहिए कि मुझे उनका फर्स्ट नेम चाहिए और उनकी पर्टिकुलर सैलरी चाहिए, तो मैं फर्स्ट नेम डाल सकता हूँ यहाँ पे, कॉमा सेपरेटेड होता है, आप कॉमा सेपरेट करके ऐसे दे सकते हो। अब मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे फर्स्ट नेम मिल गया और सैलरी मिल गई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सेलेक्ट हमने सीख लिया है। वापस आईपैड पे आते हैं तो ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपका हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट एज इन ये जो दो कीवर्ड्स हैं सेलेक्ट और फ्रॉम। पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, फ्रॉम बोलता है कि भाई इस पर्टिकुलर टेबल से, जो भी आपने जो वर्कर टेबल बोला था, इस पर्टिकुलर टेबल से मुझे चीजें चाहिए, तो जो भी मेरा टेबल होगा वो इन इफेक्ट आएगा, मेमोरी में आएगा, उस टेबल पे फ्रॉम कमांड चलेगी और फ्रॉम के लेफ्ट में जितने भी सेट दिए गए हैं उन सबको फिल्टर आउट किया जाएगा सेलेक्ट के द्वारा कि भाई जो जो कॉलम्स दिए गए हैं मुझे वही वही डेटा चाहिए। ये कौन फिल्टर कर रहा है, ये सेलेक्ट फिल्टर कर रहा है, तो सेलेक्ट फिल्टर करके मुझे ऐसा आउटपुट देगा। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है इस केस में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, अब एक इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, आप बोल सकते हो कि कैन वी यूज सेलेक्ट कीवर्ड विदाउट यूजिंग फ्रॉम क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज का विदाउट यूज करें, फ्रॉम कीवर्ड का यूज मुझे नहीं करना, बट क्या मैं तब सेलेक्ट को चला सकता हूँ, चला सकते हो। इसी कंसेप्ट को मैं बोलता हूँ ड्यूअल टेबल, ठीक है। ड्यूअल टेबल क्या होता है, ड्यूअल टेबल का डमी टेबल क्रिएटेड बाई MySQL यानी कोई भी RDBMS जो है ये क्रिएट करता है। क्रिएट का मतलब क्या है, आपने जो यूजर डिफाइंड टेबल बना रखे हैं, ठीक है, आपने मैंने जो भी यूजर डिफाइंड टेबल बना रखे हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ यूजर
डिफाइंड टेबल होते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट टेबल बनाया था, ठीक है, ऐसे। तो ड्यूल टेबल का यूज करके ना, आप ड्यूल टेबल कंसेप्ट का यूज करके आप विदाउट यूजिंग फ्रॉम, यानी फ्रॉम यूज होता है यूजर डिफाइंड टेबल को एक्सेस करने के लिए, आप सेलेक्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे, आप कुछ इस तरीके से कमांड चलाते हो, मान लो आपको आपको सिंपल एसक्यूएल से ये काम करवाना है कि आपको 55+11 चाहिए, ठीक है। तो ये करने के लिए आप ऐसे ऐसे कमांड लिखोगे, आपको मिल जाएगा, आपको चाहिए सर्वर का टाइम, तो सेलेक्ट नाउ करके आपको सर्वर का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार वापस से वर्कबेंच पे आते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट फॉर 44+11, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं किसी टेबल को रेफर नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बट तब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा, एंड दैट आंसर इज 55। तो अब ध्यान से देखो, एक चीज समझ आ रही होगी कि अभी आंसर तब भी ग्रिड में आ रहा है, यानी कि ड्यूल टेबल्स के अंदर आपका जो MySQL है या डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या करता है, वो एक डमी टेबल बनाता है, ठीक है, और डमी टेबल के अंदर ही आंसर करता है, क्योंकि SQL जो है आपका टेबल के अंदर ही आंसर कर सकता है। तो ऐसे इस तरीके से आंसर ये करता है। और दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है, अगर मैं यूज करूँ सेलेक्ट नाउ, यानी कि ये कहाँ यूज कर सकते हैं, मान लो आपने कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन लिखी हुई है और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप काम कर रहे हो, आपका सर्वर US में पड़ा है या कहीं और आपने सर्वर डिफाइन किया हुआ है, आपका कहीं और सर्वर है, तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए सर्वर का टाइम। सर्वर का टाइम जानने के लिए आप फ्रंट एंड पे सेलेक्ट नाउ की कमांड भेज सकते हो और सर्वर का टाइम जान सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइम, तो मुझे समझ आ गया ये मेरा टाइम है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट लोअर केस, अगर मैं अपर केस में अपना नाम लिखूंगा तो मुझे लोअर केस में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये तब होता है जब एक्चुअली मुझे SQL से ही काम कराना है, ऑल्दो मैं फ्रंट एंड पे भी ये वैल्यू ला के काम कर सकता हूँ, बट मुझे SQL से ही काम कराना है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसको अपर केस भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसका एग्जीक्यूट करूँगा तो सब मुझे अपर केस में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है आपका ड्यूल टेबल का। ड्यूल टेबल का यूज करके मैं सेलेक्ट कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ, और सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ, यानी कि SQL के अंदर सेलेक्ट का यूज विदाउट फ्रॉम भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बात करते हैं हम वेयर की, एक और क्लॉज है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का क्या काम है, वेयर के थ्रू मैं कोई कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं कोई कंडीशन देता हूँ, कंडीशन देने के बाद मैं रोज को रिड्यूस कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, वर्कर के अंदर वो बहुत सारा डेटा था, जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर कर रहा था मुझे बहुत सारा डेटा मिल रहा था, बट सपोज करो मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए कि जिनकी सैलरी किसी एक्स अमाउंट से ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं वेयर क्लॉज का यूज कर जो भी सेलेक्ट आंसर करना चाह रहा था सारे टेबल्स का, मैं कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा, सबसे पहले फ्रॉम जाएगा, फ्रॉम क्या करेगा, वो सारे कस्टमर का डेटा उठाएगा, डेटा उठाने के बाद जो जो जिन जिन की एज 18 से प्लस है वही रिटर्न करेगा सेलेक्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर होता है। तो इसको एक बार वर्कबेंच पे जाके चला के देख लेते हैं, प्रूव करते हैं आपको कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। तो अगर मैं चलाऊं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होता है, सारे वर्कर आ जाते हैं। बट अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि किस किस की इनकम जो है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर, ये सिंटैक्स होता है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। अगर मैं ऐसे लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो सारे आपके रोज नहीं प्रिंट होंगे, अब सेलेक्टेड प्रिंट होंगे, यानी कि रो में रिड्यूस कर दूंगा, देखते हैं वो कैसे, ये देखो, ठीक है। तो रो रिड्यूस हो गए हैं, सिर्फ वही वाले दिख रहे हैं मुझे जिनके 80,000 से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसको 80,000 से मैं 1 लाख कर देता हूँ तो वो दिखेंगे जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है और रिड्यूस हो गई, यानी कि विशाल, अमिताभ, विवेक, इनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं देखना चाहूँ, अगर मेरे को ये तो हमने इंटीजर के बेस पे इसको रिड्यूस किया है, मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से चीज लिखूं, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू
HR. तो ध्यान से देखो, जो मैं स्ट्रिंग लिखना चाह रहा हूँ वो मैं सिंगल कोट के अंदर लिख रहा हूँ, तो इस चीज को नोट कर रहे होंगे आप लोग, राइट। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो मुझे HR डिपार्टमेंट के मुझे सारे वर्कर्स नजर आ गए हैं, सारे एम्प्लॉयज मुझे नजर आ गए, ठीक है। तो सेलेक्ट का यूज करके और वेयर का यूज करके ऐसे मैं रोज को रिड्यूस कर पाता हूँ, ठीक है। वापस आईपैड पे आते हैं। अब दूसरा मेरे पास क्लॉज होता है बिटवीन। बिटवीन क्या करता है? बिटवीन करता है अगर मुझे, जैसे कि एग्जांपल कस्टमर का लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे चाहिए वो वाले कस्टमर जिनकी एज जो है 0 से लेके 100 तक हो, ठीक है। बड़ा वियर्ड सा एग्जांपल है, सारे आ जाएंगे इसमें तो ऐसे, पर ठीक है कंसेप्ट पे जाते हैं। तो मुझे 0 से लेके 100 तक जाना है, ठीक है। और आप ध्यान से सुनो कि जो ये वाले टर्म्स है ना, जीरो, ये जो जीरो है और ये 100 है, ये इंक्लूसिव होते हैं, ये इंक्लूसिव होते हैं, यानी कि 0 और 100 इंक्लूसिव है। जो भी आप यहाँ लिखोगे ये इंक्लूडेड है, यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिखूं तो ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, इसको 0 100 इंक्लूडेड है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। एक बार बिटवीन चला के देखते हैं, वर्कबेंच पे आते हैं वापस से। अगर मैं बिटवीन चलाऊं तो मुझे क्या चाहिए? अब सपोज करो मुझे ऐसे वर्कर्स की सैलरी चाहिए जिनकी 80,000 से लेके 3 लाख तक की इनकम हो, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, वेयर क्लॉज का यहां भी हम यूज करेंगे वेयर। अब मैं कॉलम का नाम लिखूंगा, कॉलम का नाम मेरा क्या है? सैलरी बिटवीन 80,000 and 3 lakhs। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखते हैं कौन कौन से एम्प्लॉयज आते हैं। तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 वर्कर्स ऐसे आए हैं जिनकी सैलरी 80,000 से लेके 3 lakhs है, ठीक है। और दोनों इंक्लूसिव है। ये कैसे देख सकते हैं कि देखो ध्यान से, 80,000 वाली एंट्री भी मुझे मिली है, ऐसी 3 lakhs वाली एंट्री भी मुझे मिली है, ठीक है। तो बिटवीन इस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार वापस से आते हैं में। उसके बाद मेरे पास होता है इन। इन होता है बहुत सारी और कंडीशंस को रिड्यूस करने के लिए इसका काम आता है, ठीक है। कैसे यूज करते हैं एक बार वापस से हम वर्क बेंच पे ही जाके देखते हैं कि कैसे हम बहुत सारे और को रिड्यूस करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे इस तरीके से क्वेरी चाहिए कि मुझे चाहिए सारे वर्कर्स चाहिए मुझे जो कि एचआर डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एचआर और एडमिन दोनों चाहिए मुझे, एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू HR और डिपार्टमेंट इक्वल टू एडमिन, ठीक है। तो और कमांड का यूज करके मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अब ध्यान से देखो मुझे HR और एडमिन के सारे एम्प्लॉयज मिल गए, राइट। सारे वर्कर मुझे मिल चुके हैं। बट सपोज करो ऐसी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मुझे HR भी चाहिए, ठीक है, और मुझे एडमिन भी चाहिए और मुझे अकाउंट्स भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं फिर से इसको उठाऊंगा और ऐसे ही अब यहाँ पे अकाउंट्स लिखूंगा, तब मुझे आंसर मिलेगा। अब सपोज करो यहाँ पे तो 3 ही डिपार्टमेंट है, कम डेटा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे डेटा हो, मैं और लगाता चला जाऊंगा। तो इससे बेटर है कि मैं इसको ना यूज कर इस कमांड को यूज ना करके मैं क्या यूज करूंगा? बेटर वे। बेटर वे क्या है? मैं इन का यूज कर लूंगा, इन कीवर्ड का यूज करूंगा। वो कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर डिपार्टमेंट इन। अब मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूं, HR कॉमा एडमिन कॉमा एडमिन रखते हैं, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट दे देता हूं। अब
ये क्या करेगा, बहुत सारी मल्टीपल और कंडीशंस को आपने क्या करा, रिड्यूस कर दिया। आप में सिंपल लिस्ट थी, लिस्ट में सर्च करेगा कि अगर इसमें होगा तो देगा। तो अब ध्यान से देखो, ये कमांड और जो हमने इतनी कमांड लिखी थी सेम वर्क कर रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अकाउंट भी ऐड कर दूं तो यहाँ पे अकाउंट के साथ भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल ओर्स को रिड्यूस करने के लिए इनका यूज मैं कर सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस साइड पे आते हैं। एंड और नॉट हम यूज कर चुके हैं, इसमें एंड हमने देख लिया और देख लिया, ठीक है। नॉट हम देख लेते हैं, नॉट क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि नॉट का यूज मैं कर दूं वेयर के बाद, मैंने कोई कॉलम नेम डाला और बोल दिया नॉट इन दिस, ठीक है, यानी कि जो इसमें नहीं है वो दिखाना है, नेगेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वापस से वर्कबेंच पे आके देख सकते हैं इसको। अगर मुझे कोई ऐसा ऐसी क्वेरी चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई वो वाले एम्प्लॉय जो कि एचआर डिपार्टमेंट में, एचआर और एडमिन में नहीं है, तो मैं यहाँ सिंपल क्या करूंगा, नॉट डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो जो एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट में नहीं है वो सारे वर्कर लिस्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होता है, देखें अकाउंट्स के सारे वर्कर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो नॉट का यूज कर सकते हैं, यानी कि जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट, तीनों एसक्यूएल में सपोर्टेड होते हैं, ऐसे में यूज कर सकता हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज कर लिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आई बढ़ पाते हैं। इज नल, अब इज नल भी है एक, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मुझे ये चाहिए, आप जैसे कि हमने बात भी की थी पिछले लेक्चर में कि नल जैसी चीज आपका डेटाबेस के अंदर होती है, नल क्या स्पेसिफाई करती है, ये भी हमने बात की थी। तो अगर आपकी कोई एंट्री टेबल के अंदर नल है, ठीक है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर प्राइम स्टेटस इज नल, तो इज नल करके मैं यूज कर लेता हूँ कि वो नल है तो वो मुझे स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इज नल का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इज नल में क्या है, अभी हमने एक टेम्प डेटाबेस बनाया है, इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मैंने कस्टमर का टेबल बनाया है। इसको चला के देखें हम तो कस्टमर मेरे पास कुछ तरीके टेबल है, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ पर एक और एंट्री डाल देता हूँ कस्टमर की, ठीक है, एक और एंट्री डाल देता हूँ और ये पिन कोड मैं इसमें नल दे देता हूँ। तो इसको इंसर्ट करूंगा तो देख सकते हो पिन कोड यहाँ पे नल हो गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर मुझे यहाँ पर देखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर पिन कोड इज नल, तो मुझे यहाँ पर क्या आउटपुट मिलती है कि जिसका भी पिन कोड नल होगा वो आउटपुट मिल जाएगी। तो इज नल करके मैं इस तरीके से फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि कौन किसका पिन कोड नल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो, अभी मीनवाइल आपको ये दिखाया नहीं गया है बट मैंने यहाँ पर स्विच कर लिया है टेम्प पे, है ना, टेम्प पे स्विच कर लिया है। तो अगर आप वापस से देखोगे तो मुझे अब मुझे वापस से अगर वर्कर वाला जो गेम जिस डेटाबेस पे हमने बनाया था बड़ा सारा डेटाबेस को चलाना है तो मुझे यहाँ पर यूज और वापस से डालना पड़ेगा। ध्यान से देखो ये हाईलाइटेड है, यूज और क्लिक करूंगा तो अब ऑर्ग वाला डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे ऑर्ग वाले डेटाबेस पे कमांड चलाना चाहता हूँ तो मुझे डेटाबेस स्विच करना पड़ेगा। तो यूज करके अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले स्विच कर लिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से आते हैं आपके नोट्स पे। नोट्स पे आप देखो पैटर्न सर्चिंग, ठीक है, इसको वाइल्ड कार्ड भी बोलता हूँ। तो मेरे पास एसक्यूएल के अंदर दो करेक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं, पहला मेरा है परसेंटेज, ठीक है, जो कि परसेंटेज अगर मैं बोलूं ये एक्ट करता है एस्ट्रिक की तरह। अगर सी सी प्लस या रेजेक्स जिसके रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एस्ट्रिक क्या बोलता है, एस्ट्रिक होता है या तो मतलब एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स में जीरो भी इंक्लूडेड होता है, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं जो कि अंडरस्कोर है, ये बोलता है ओनली वन करेक्टर, ये बोलता है एनी नंबर ऑफ करेक्टर जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है, यानी नो करेक्टर्स भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे ऐसे कस्टमर चाहिए जिनका नाम जो है, जिनके नाम में बीच में पी आता हो, यानी कि सेकंड लास्ट लेटर पी हो, तो आप ध्यान से देखो सेकंड लास्ट लेटर पी बोल रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, वाइल्ड
कार्ड्स। पहला हो सकता है अगर मुझे ऐसे कस्टमर का नाम चाहिए, ठीक है, जिसके नाम के पी ए आता हो, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। तो क्या होगा, अभी परसेंटेज जो है एसक्यूएल रिप्लेस कर देगा इसको एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स में, यानी कि इसमें कौन कौन आंसर आ सकते हैं, नेम्स आ सकते हैं आपके, इसमें नेम्स आ सकते हैं ए बी सी टी ए डी बी, एक ये नेम हो सकता है, तो आप देखो मैंने दो ऐड कर दिए। इसके अंदर ये भी आ सकता है पी ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे कोई करेक्टर नहीं डाला हमने। इसके अंदर आ सकता है ए डी पी ए नथिंग, ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो या तो एनी नंबर ऑफ करेक्टर ए बी सी, कितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी करेक्टर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि अंडरस्कोर पी अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर विल बी रिप्लेस बाय ओनली वन करेक्टर, तो इसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, इसके पॉसिबल आंसर होंगे ये, पॉसिबल आंसर होगा ये, यानी एक ही करेक्टर आंसर हो सकता है, एक ही करेक्टर रिप्लेस होगा, ठीक है। ये बार वर्कबेंच पे जाके देख लेते हैं कैसे वर्क करता है ये। तो अगर मैं अपने सारे वर्कर्स के नेम प्रिंट कराऊं, तो ये सब नाम है वाइल्ड कार्ड, ठीक है। अब मुझे कराना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर पेयर नेम, नेम नहीं यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम लाइक। अब आप ध्यान से देखो ये लाइक कीवर्ड का यूज कर रहे हैं हम, तो लाइक कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है कि इसके जैसा हो। लाइक कीवर्ड का यूज करके मैं क्या देता हूँ यहाँ पे, मैं दे देता हूँ परसेंटेज आई परसेंटेज, ठीक है। इसको प्रिंट करा के देखते हैं, चला के देखते हैं तो क्या आंसर है। तो आप ध्यान से देखो, हमने बोला है कि आपका जो नाम है वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसमें आई आता हो बस। तो आप देखो कि मोनिका में आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, विशाल में भी आई आ रहा है, अमिताभ में भी आई आ रहा है। तो ये परसेंटेज इज रिप्लेस बाय एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। अगर मैं इस परसेंटेज को निकाल के मैं अंडरस्कोर कर दूं, तो अंडरस्कोर विल बी रिप्लेस बाय ओनली वन करेक्टर। अब आंसर देखो चेंज हो जाएगा। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि आई जो है सेकेंड नंबर पर आना चाहिए। अब आई जो आपका सेकेंड नंबर पर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आपका ये वाइल्ड कार्ड एक्ट करते हैं। आप इसको यूज कर सकते हो लाइक कीवर्ड का यूज करके, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फिल्टरिंग करनी है तो, ठीक है। चलिए वापस आते हैं आईपैड पे। एसक्यूएल मुझे मेथड प्रोवाइड करता है कि मैं जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा आ रहा है, जैसे नेम आ रहा है या फिर सैलरी आ रही है, तो मैं उसको सॉर्ट भी कर सकता हूँ, डेटा को सॉर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मान लो मुझे डेटा इस तरीके से चाहिए कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी चाहिए, ठीक है, यानी कि मुझे सारे वर्कर्स की लिस्ट चाहिए, सारे वर्कर्स की लिस्ट चाहिए, बट वो लिस्ट को जिस तरीके से होनी चाहिए कि जो पहला वर्कर हो उसकी सबसे कम सैलरी हो, और जो सबसे एंड वाला वर्कर हो, सबसे जो एंड वर्कर हो उसकी सबसे ज़्यादा सैलरी हो, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में मुझे डेटा चाहिए मुझे। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, कमांड होती है मेरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज होता है। ऑर्डर बाय हम कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर बाय सैलरी। क्या होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट आपके वर्कर के डेटा निकालेगा और उसको सॉर्ट करके आंसर देगा, और वो सॉर्टिंग हो रही है सैलरी के थ्रू, ठीक है, यानी कि सैलरी वाइज। एक बार इसको जाके देख लेते हैं ऑर्डर बाय कीवर्ड कैसे यूज होता है। आते हैं वर्कबेंच पे, तो मुझे करनी है सॉर्टिंग यूजिंग ऑर्डर बाय, बहुत ही बढ़िया। तो मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर, नहीं वेयर यूज नहीं करना मुझे यहाँ पे, ऑर्डर बाय सैलरी। अब आप ध्यान से देखो, पहले आंसर कैसे आ रहा था, पहले आंसर आ रहा था मेरा कुछ रैंडम, जिस तरीके से मुझे मैंने एंटर किया था उसी तरीके से आंसर आ रहा था। अगर मैं इसको ऑर्डर बाय को यहाँ से हटा दूं और इतनी क्वेरी अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, तो देखो आंसर कैसे आता है। आंसर कुछ आता है, सबसे ऊपर आपकी मोनिका यानी वर्क आई डी 1, उसके बाद आता है, तो आप देखो सैलरी वाइज सॉर्टेड नहीं है। तो
तो अगर मुझे इसे सॉर्टेड करना है सैलरी वाइज तो मैं इस कमांड को वर्क चलाऊंगा। और आप ध्यान से देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर जो सबसे पहला जो रो है उसके अंदर सैलरी सबसे कम है, सबसे लास्ट वाले रो की सैलरी सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से मैं ऑर्डर बाय का यूज करके सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ। अब मान लो मुझे सॉर्टिंग अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में होती, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मुझे चाहिए कि सबसे यानी कि जो विवेक भाटी है वो सबसे ऊपर आए। तो इसको मैं यूज करने के लिए यहाँ पे मैं DESC लिख दूंगा, यानी डिसेंडिंग। अब आप ध्यान से देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, वैसे मैं यहाँ ASC भी लिख सकता था। ASC आपका असेंडिंग में बताएगा मुझे आंसर, जैसे कि असेंडिंग में आ गया, बट मैं यहाँ पे इसको डिसेंडिंग भी लिख सकता हूँ अगर मुझे डिसेंडिंग में आंसर चाहिए तो। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर बाय, इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, वापस से आते हैं आईपैड पे। तो सिंटेक्स में ऑर्डर बाय में मैं ASC यूज कर सकता हूँ, जो कि डिफॉल्ट भी होता है, या DESC भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे चाहिए चीजें तब। बहुत ही बढ़िया, तो ये हो गया आपका सॉर्टिंग इन SQL। ठीक है, अब आप ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये डिस्कस करते हैं हम कि हम SQL में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं कैसे रिट्रीव करूंगा। ठीक है, सपोज करो मुझे चाहिए कि जितने भी डिपार्टमेंट्स थे अपने पास, ठीक है, तो मुझे डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब जैसे मेरे पास था ना HR डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय था, फिर HR का, फिर एडमिन डिपार्टमेंट का था। ठीक है, ऐसे एडमिन के दो तीन है मान लो मेरे पास। ठीक है, ऐसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई था, तो मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होंगी इसमें? डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी कि भाई तीन वैल्यू डिस्टिंक्ट है यहाँ पे, HR, एडमिन और अकाउंट, राइट। तो मुझे ये तीन वैल्यूज चाहिए। तो मुझे चाहिए टोटल कितने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स हैं। मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, मैं चाहता हूँ बस ये जानना कि भाई कितने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स वाले एम्प्लॉयज हैं, यानी कि मुझे चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ थ्रू वर्कर टेबल, तो मैं कैसे जानूंगा ये देखते हैं एक बार। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे कि हम बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, तो मुझे सारे वर्कर्स दिखा देता है। ठीक है, मुझे चाहिए भाई डिपार्टमेंट, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट कितने हैं। तो ये निकालने के लिए मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। वो कैसे वर्क करता है, मैं करता हूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर। अब देख ध्यान से देखो, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं आई है, राइट। मेरे पास सारे वर्कर्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट आ गए। मुझे क्या करना है, डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं इसके आगे कीवर्ड ऐड करूंगा डिस्टिंक्ट। ध्यान से देखो, अभी हम स्मॉल लोअर केस में भी लिखने लग गए हैं, SQL तब भी एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। जैसे कि शुरू से बात कर रहे हैं, नॉमन क्लेचर है, आपको सारे कीवर्ड कैप्स में यूज करने हैं। ठीक है, बट ये भी वर्क करता है। तो अब ध्यान से देखो, इसको अगर मैं वर्क कर दूंगा और चलाऊंगा तो मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई। तीन डिपार्टमेंट है टोटल, HR, एडमिन और अकाउंट। बस यही चाहिए था मुझे कि भाई कितने डिफरेंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स है। तो ये मुझे मिल गया डिस्टिंक्ट कीवर्ड की मदद से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वापस आते हैं। अब मुझे चाहिए, मुझे डेटा की ग्रुपिंग करनी है। डेटा ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का क्या मतलब है? अब सपोज करो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूं फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि भाई HR डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, सिमिलरली मुझे चाहिए एडमिन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, मुझे चाहिए कि फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री। मान लो अमेजोन का डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी डेटाबेस होगा उसके अंदर कस्टमर का डेटाबेस है, कस्टमर के डेटाबेस के अंदर जो कस्टमर का टेबल है उस टेबल में क्या लिखा है, उस टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है कंट्री। तो मुझे चाहिए कि यार हर रिस्पेक्टिव कंट्री के कितने रिस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं। मुझे चाहिए इंडिया के अंदर जितने कस्टमर हैं उनका क्या अकाउंट है, ठीक है, या फिर मुझे चाहिए कि अमेरिका के अंदर जितने भी कस्टमर उनका क्या अकाउंट है। तो बेसिकली ध्यान से देखो, मैं कुछ एग्रीगेशन करना चाह रहा हूँ कि भाई कंट्री वाइज एग्रीगेशन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम डिपार्टमेंट वाइज एग्रीगेशन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज मैं चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ चाह रहा हूँ।
तो मैं दो चीज चाह रहा हूं, मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूं। ग्रुपिंग क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मुझे एग्रीगेशन करनी है। एग्रीगेशन का मतलब मुझे काउंट चाहिए, राइट? तो इस काम के लिए एसक्यूएल आपको कीवर्ड प्रोवाइड करता है ग्रुप बाय, ठीक है? और ये ग्रुप बाय कीवर्ड आमतौर पे यूज होता है विद सम एग्रीगेशन फंक्शंस, ठीक है? इसको मैं एसक्यूएल में एग्रीगेशन फंक्शंस बोलता हूं, जो कि होते हैं आपका काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है? तो इस तरीके से होते हैं। अभी हम एक बार वर्क बेंच पे जाके देखते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वेरी का आंसर मैं ग्रुप बाय से निकाल कर लाऊंगा। तो एक बार स्क्रीन पे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ग्रुप बाय का हम यूज करने वाले हैं। सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए था? मुझे हर डिपार्टमेंट में काम करते हुए लोग चाहिए थे। सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब आप ध्यान से देखो, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हमने यहां जो लिखा है यहीं पे ग्रुप बाय के बाद भी वही लिखा है। ग्रुप बाय का ये नॉमन क्लेचर है कि आप सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो भी लिस्ट दोगे, जो भी आप यहाँ पे लिस्ट दोगे कॉलम्स की लिस्ट, वही कॉलम की लिस्ट ग्रुप बाय के बाद में होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ में नेम, वर्कर आईडी ये सब भी रखते हो, तो यहाँ भी आपको रिस्पेक्टिवली नेम, वर्कर आईडी लिखना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल क्लेचर है कि यहाँ पर जो भी आप लिस्ट दे रहे हो, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट, कॉलम्स की लिस्ट, यहाँ पर भी सेम तरीके से कॉलम की लिस्ट देनी होगी आपको, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ध्यान से देखो, आपको ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि ये तो आउटपुट डिस्टिंक्ट जैसी आउटपुट आ गई है, राइट? पहले जब हम डिस्टिंक्ट चला रहे थे, डिस्टिंक्ट से क्या आउटपुट आती थी? डिस्टिंक्ट से आउटपुट आती थी एचआर एडमिन अकाउंट। ग्रुप बाय से भी आउटपुट क्या आ रही है? एचआर एडमिन अकाउंट। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? अब MySQL इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि आपने ग्रुप बाय यूज किया है बट विदाउट यूजिंग एनी एग्रीगेशन फंक्शन। अगर आपने कोई एग्रीगेशन फंक्शन यूज नहीं किया है, ठीक है, तो वो ग्रुप बाय को बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट की तरह ट्रीट करता है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे लिखा ग्रुप बाय, ये आउटपुट आपकी डिस्टिंक्ट जैसी आउटपुट आ गई, ठीक है? यानी यहाँ पर कोई खास ग्रुपिंग हुई नहीं है। ग्रुपिंग क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मैंने कोई एग्रीगेशन अप्लाई नहीं किया है। ग्रुपिंग तब करेंगे ना, मैं डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग, एचआर के कितने एम्प्लॉयज हैं, अकाउंट्स के कितने एम्प्लॉयज हैं, एडमिन डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज हैं या वर्कर हैं, वो मैं ग्रुपिंग कब करूंगा? वो मैं ग्रुपिंग तब करूंगा जब मैं कोई एग्रीगेशन अप्लाई करूंगा। यहाँ मैंने कोई एग्रीगेशन अप्लाई नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पर एग्रीगेशन अप्लाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ काउंट, सब काउंट करके बता दो मुझे। अब अगर मैं यहाँ पर डालूँ तो अब ध्यान से देखो, आपको मिल गया है कि भाई एचआर के दो एम्प्लॉयज हैं, एडमिन के चार एम्प्लॉयज हैं, अकाउंट के दो एम्प्लॉयज हैं। यहाँ स्टार की जगह मैं यहाँ पर बेटर प्रैक्टिस है कि मैं यहाँ डिपार्टमेंट ही डाल देता हूँ। अगर यहाँ डिपार्टमेंट ही डाल दूंगा तो मुझे काउंट ऑफ डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे काउंट ऑफ डिपार्टमेंट मिल गया, तो मुझे मिल गया कि भाई एचआर के कॉरस्पॉन्डिंग दो काउंट है, ठीक है, एडमिन के कॉरस्पॉन्डिंग चार काउंट है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ होगा यहाँ पे। अब वापस से अगर हम देखें कि किस तरीके से इसने वर्क किया होगा, एक बार वो देखते हैं। वापस से आते हैं आईपैड पे, तो आपके पास जो वर्कर का टेबल था, ठीक है, उसके अंदर क्या था मेरे पास? उसके अंदर मेरे पास नेम था एम्प्लॉय का, ठीक है, बाकी सारे कॉलम्स में इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए, और डिपार्टमेंट था, ठीक है। नेम में मान लो कि मेरे पास क्या था, मोनिका, निहारिका, ऐसी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ऐसे नेम थे बहुत सारे, राइट? वो मैं दोबारा से सारे नेम्स नहीं लिख रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नेम था, आप ध्यान से सुनो। तो एच आर है मेरे पास, मेरे पास एक एडमिन था, ठीक है, फिर से मेरे पास एक एचआर था, एडमिन था, फिर से एडमिन था, अकाउंट था, एडमिन था, कितने हो गए, 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास चीज़ें थी, ठीक है, यही देख रहे थे हम, ठीक है। नेम मैंने ऐसे लिख दिए अभी के लिए, आप बस कंसेप्ट समझो। तो कंसेप्ट मेरा कहता है, जब मैंने बोल दिया कि मैं काउंट
डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, यानी डिपार्टमेंट को मैं काउंट कर रहा हूँ, एग्रीगेशन अप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने ग्रुप किया है डिपार्टमेंट वाइज, तो इंटरनली कैसे वर्क हुआ होगा? इंटरनली ऐसे कुछ वर्क हुआ होगा कि टेबल रीअरेंज हो गया होगा, और रीअरेंजमेंट होती कब है? रीअरेंजमेंट तभी होती है जब आप एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो कमांड डिस्टिंक्ट की तरह एक्ट करती है, डिस्टिंक्ट वाली जो कमांड थी हमने देखी थी उसकी तरह एक्ट करती है। तो अब कैसे हुआ होगा? उसने रीअरेंज कर दिया होगा ऐसे, कैसे? एचआर ठीक है, एडमिन दोबारा से एडमिन, अकाउंट अब एचआर कोरस्पॉन्डिंग मोनिका सी ठीक है, और बाकी सारे नेम्स। तो अब ध्यान से देखो हमने क्या किया है, टेबल आपका कुछ ऐसा दिख रहा था ठीक है, आपने ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट से और साथ में एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई किया, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्रीगेशन अप्लाई करना तभी ग्रुप बाय ढंग से वर्क करेगा, वरना वो डिस्टिंक्ट की तरह वर्क करेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज को ठीक है। अब इंटरनली क्या होगा, टेबल कुछ ऐसे रीअरेंज हो गया होगा, रीअरेंज होने के बाद उसने देखा कि एचआर जो है दो हैं और इसके चार हैं एडमिन के और अकाउंट्स के दो हैं, तो इसी तरीके से मुझे आउटपुट मिल गई थी कि भाई एचआर के कॉरस्पॉन्डिंग 2 काउंट था, एडमिन के कॉरस्पॉन्डिंग 4 काउंट था, अकाउंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 काउंट था ठीक है, ऐसे आउटपुट आ गई थी। तो ग्रुप बाय का यूज हम तभी करते हैं जब मुझे एग्रीगेशन अप्लाई करनी है, कुछ ऐसा चाहिए, कंट्री वाइज मुझे काउंट चाहिए, मुझे चाहिए कि एचआर में जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं ठीक है, या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आया, सपोज करो क्वेश्चन मेरा है वो ये कहता है फाइंड एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट मुझे एवरेज सैलरी चाहिए ठीक है। चलो वर्कबेंच पे देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको ठीक है, एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट ये चलाने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं करूंगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट एबीजी, एवरेज का यूज करूंगा मैं, एवरेज करूंगा मैं सैलरी फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ठीक है। ध्यान से देखो, सेम बात बोल रहा हूं फिर से, जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है एक्चुअल कॉलम्स की वही लिस्ट यहाँ पर जाएगी, यहाँ डिपार्टमेंट है तो यहाँ भी डिपार्टमेंट आएगा ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब ध्यान से देखो, एचआर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज सैलरी 2,00,000 रुपये है, एडमिन की 2,92,500 है, अकाउंट की 1,37,500, यानी कि सबसे, अब मुझे इसमें चाहिए कि भाई सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है ठीक है, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। मिनिमम सैलरी निकाल के देते हैं पर डिपार्टमेंट किस 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 की मिनिमम सैलरी है, मैं मिन एग्रीगेशन का यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो मैं दिखा लूंगा डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम सैलरी पर डिपार्टमेंट मिनिमम सैलरी। अब कैसे काम हुआ होगा यहाँ पे, यहाँ पे जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया आईपैड पे, उसमें टेबल कुछ इस तरीके से रीअरेंज हुआ होगा, ऐसे ग्रुपिंग हुई होगी इंटरनली MySQL के कोड बेस में कि भाई सारे डिपार्टमेंट वाइज आपकी सैलरी आ गई होगी, डिपार्टमेंट वाइज कितनी सैलरी है। अब उस डिपार्टमेंट वाइज जो सैलरी लिस्ट बनी है उसमें से सबसे मिनिमम लाला के ये दे देगा। अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो ये आ गया कि एचआर डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी जो है वो 1,00,000 रुपये, एडमिन में 80,000, अकाउंट में 75,000। अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो हम देखते हैं एचआर वाइज ने 1,00,000 बोली है मिनिमम, ध्यान से देखते हैं पूरे टेबल में, एचआर के अंदर 1,00,000, एचआर के अंदर 3,00,000, तो एचआर के अंदर मिनिमम 1,00,000 है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मिन के साथ मैं मैक्स भी निकाल सकता हूँ, मैक्स एग्रीगेशन का यूज करके, तो मैं मैक्स सैलरी निकाल दूंगा हर डिपार्टमेंट में कितनी मैक्स सैलरी है, तो यहाँ पर मुझे सिंपली मैक्स लिख देना होगा, और अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो मेरे पास मैक्स सैलरी आ जाएगी, पर डिपार्टमेंट मैक्स सैलरी ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मैंने ग्रुप बाई कर ही दिया है डिपार्टमेंट वाइज, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पर डिपार्टमेंट टोटल सैलरी कितनी है वो निकाल सकता हूं मैं पर डिपार्टमेंट, अगर मैं सम अप्लाई कर दूंगा तो पर डिपार्टमेंट सम आ जाएगा। ध्यान से देखो, एचआर के अंदर 4,00,000 रुपये सैलरी जा रही है, इसको वेरीफाई करें, अगर हम वेरीफाई करें तो पूरे टेबल में देख लेते हैं, एचआर के अंदर 1,00,000 सैलरी थी, एचआर के अंदर 3,00,000 सैलरी, तो 3,00,000 प्लस 1,00,000 टोटल 4,00,000 आ गया।
उसने बोल दिया भाई एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 4 लाख सैलरी है, ठीक है। तो ये सम था। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 पांचों तरीके की एग्रीगेशन अप्लाई कर दी है। एग्रीगेशन अप्लाई करने के बाद मुझे पता चल गया है कि भाई हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सीन चल रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई एग्रीगेशन फंक्शन नहीं देता तो आपको पता है कि क्या होता है, तो वो डिस्टिंक्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलो वापस आई बैठ जाते हैं। अब एक और कीवर्ड मेरे को ध्यान में आ रहा है, वो है हैविंग, ठीक है। हैविंग क्या होता है, जैसे सेलेक्ट के साथ वेयर यूज होता है, वेयर टू फिल्टर, राइट, हम फिल्टर करते हैं क्वेरीज को, राइट। तो सिमिलरली जब मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, ग्रुप बाय यूज कर रहा हूँ, अगर ग्रुप बाय के अंदर मुझे फिल्टरिंग अप्लाई करनी है तो मैं हैविंग का यूज करूंगा। यानी कि जब मैं ग्रुप बाय यूज करूंगा मैं तभी हैविंग यूज कर सकता हूँ। तो हैविंग यूज करने के लिए मुझे ग्रुप बाय की जरूरत होती है, ठीक है। ये नोट्स में देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले ग्रुप बाय की सारी थ्योरी यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि C1, C2, C3 जो आप कॉलम के यहाँ पे नाम दे रहे हो वही आपको इधर भी देने पड़ेंगे। हालांकि जब आप इसको रन करोगे ये डिस्टिंक्ट की तरह रन होगा क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रीगेशन यूज नहीं हो रही है। बहुत ही बढ़िया। हैविंग के बारे में बात करते हैं। हैविंग क्या है, ग्रुप बाय बाय हैविंग आउट ऑफ द कैटेगरीज मेड बाय ग्रुप बाय। ग्रुप बाय से आप जो भी कैटेगरी मेड कर रहे हो, जैसे कि हमने डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरीज बनाई, राइट, वी वुड लाइक टू नो ओनली पर्टिकुलर कैटेगरी। अगर हम कुछ कंडीशन चाहते हैं, ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे, कंडीशन चाहते हैं, ये सिमिलर है वेयर के सिमिलर है, वेयर के इक्वल बिल्कुल नहीं है, उसके सिमिलर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, हमने काउंट निकाला था, पर डिपार्टमेंट काउंट निकाला था, राइट। हमने निकाला था भाई एचआर डिपार्टमेंट कितने लोग काम करते हैं, हमने निकाला अकाउंट डिपार्टमेंट कितने काम करते हैं, ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट कितने लोग काम करते हैं। अब मुझे चाहिए कि मुझे वो डिपार्टमेंट लिस्ट करने हैं, वो डिपार्टमेंट लिस्ट करने हैं जिसके अंदर मान लो 2 एम्प्लॉइज से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सी चीज है, मुझे डिपार्टमेंट्स बता दो और साथ में काउंट भी बता दो। हैविंग, देखो हैविंग का यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर भी, हैविंग मोर देन 2 वर्कर्स, ठीक है। अब इससे हमें समझ आता है कि हमें पहले डिपार्टमेंट वाइज काम करना है तो मुझे ग्रुप बाय का यूज तो करना पड़ेगा, ठीक है, ग्रुप बाय का यूज तो करना पड़ेगा, साथ ही में काउंट भी मुझे चाहिए, ठीक है। ग्रुप बाय तभी ढंग से वर्क करेगा, या ग्रुप बाय की तरह वर्क ही तब करेगा जब मैं एग्रीगेशन लगाऊंगा, ठीक है। और मुझे चाहिए कि भाई जिसमें 2 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं ना, मुझे वही चाहिए। अब वर्क बेंच पे आते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। पहली बात, हमने जो काउंट वाली कमांड थी इसी को मॉडिफाई करना होगा हमें, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप बाय हैविंग के साथ, ठीक है। जब हमने ये लिखा था तो ये आपको याद है कि क्या आउटपुट आ रही थी, इससे आउटपुट आ रही थी कि भाई एचआर के अंदर 2, एडमिन के अंदर 4, अकाउंट्स के अंदर 2, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब मुझे चाहिए लिस्ट करना है कि जिसके अंदर 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, मुझे वही चाहिए, वही वाले डिपार्टमेंट बता दो। अब सपोज करो अभी वहाँ पे 3 ही डिपार्टमेंट है, ऐसे मान लो n डिपार्टमेंट्स होते, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते, और मुझे सिर्फ वही काउंट चाहिए, या मुझे वही डिपार्टमेंट या वही आंसर चाहिए, वही डिपार्टमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयज का काउंट चाहिए जिनके अंदर 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा हैविंग, एग्रीगेशन मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ भी, काउंट डिपार्टमेंट ग्रेटर देन 2, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार समझो इसको। तो ये कहना चाह रहा है, यहाँ तक की क्वेरी हमें पता है, डिपार्टमेंट तक की हमें क्वेरी पता है। अब ध्यान से देखो, मैं ग्रुप बाय तो यूज कर ही रहा हूँ, हैविंग यूज करने के साथ साथ भी मैं यहाँ पे एग्रीगेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप बाय के साथ ही एग्रीगेशन पॉसिबल है, ठीक है, ग्रुप बाय के साथ ही एग्रीगेशन पॉसिबल है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जब एग्रीगेशन पॉसिबल ही ग्रुप बाय के साथ है तो काउंट जो है, यानी कि हैविंग जो है, हैविंग के साथ जो काउंट लिखा हुआ है, हैविंग के राइट में जो काउंट लिखा है, ये भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा, यानी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट होगा तभी तो मैं काउंट अप्लाई कर पाऊंगा। इसीलिए जो आपका हैविंग है ये हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही वर्क करता है, ठीक है। अगर आप हैविंग ग्रुप बाय नहीं लगाओगे तो MySQL एरर देगा कि भाई ग्रुप बाय तो आपने यूज ही नहीं किया। तो अगर इस कमांड को मैं चलाऊंगा तो आपको पता है आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए सिर्फ एडमिन। ध्यान से देखते हैं क्या आंसर यही आता है, सिर्फ एडमिन। तो सिर्फ एडमिन आ गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंट आ गया। अगर मैं इसको लिख दूं कि भाई ऐसे कोई बता दो जिसके अंदर
काउंट ग्रेटर देन 1 है, एम्प्लॉय काउंट 1 से ज्यादा है, तो हमें पता है सब कुछ लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैविंग यूज करते हो विद, हैविंग यूज करते हो विद ग्रुप बाय, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब वापस आईबीएड पे आते हैं। अब कंफ्यूजन आ रही होगी कि भाई ये वेयर और हैविंग एक जैसा सा लग रहा है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर मिल चुका है हमें, वेयर के साथ मैं काउंट नहीं यूज कर पाता था, ठीक है, क्योंकि काउंट इसलिए यूज नहीं कर सकता था क्योंकि काउंट जो है वहां पे पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि मैंने ग्रुपिंग की ही नहीं थी, ठीक है। इस चीज को समझते हैं एक बार, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, बोथ हैव सेम फंक्शन ऑफ फिल्टरिंग, दोनों किसी कंडीशन फिल्टरिंग ही करते हैं, बट वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रोज फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। हैविंग क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रोज फ्रॉम ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि जो वेयर यूज कर रहा हूँ मैं, वेयर मैं डायरेक्ट फिल्टरिंग अप्लाई कर रहा हूँ जब मैं डेटा निकाल रहा हूँ टेबल से, ठीक है, टेबल से डेटा निकाला जो भी रो आया उसको फिल्टरिंग अप्लाई की, दैट इज वेयर। बट हैविंग कब काम आता है, जब मुझे ग्रुप्स पे फिल्टरिंग अप्लाई करनी है, ग्रुप्स पे, जैसे मैं क्या कर रहा था, मैंने HR एडमिन अकाउंट का ग्रुप बना दिया था, ग्रुप बना के उनका एम्प्लॉय अकाउंट में निकाल लिया था। अब उन ग्रुप पे मैं फिल्टरिंग अप्लाई कर रहा था, राइट, कि भाई काउंट स्टार काउंट ऑफ डिपार्टमेंट जब ग्रेटर देन 2 है तब, तो ग्रुप्स पे अगर मुझे फिल्टरिंग अप्लाई करनी है तो मुझे हैविंग चाहिए होगा, ठीक है। हैविंग इज यूज्ड आफ्टर ग्रुप बाय व्हाइल वेयर इज यूज्ड बिफोर ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। अगर वेयर भी मैं यूज कर सकता हूं, मुझे ग्रुप बाय से पहले वेयर यूज करना पड़ेगा। इफ यू आर यूजिंग हैविंग, ग्रुप बाय इज नेसेसरी बिकॉज हैविंग अप्लाई करता है ग्रुप्स पे, हैविंग अप्लाई होता है ग्रुप्स के फिल्टरिंग के लिए। आपने ग्रुप बाय का यूज करके ग्रुप ही नहीं बनाया तो हैविंग क्या करेगा, इसलिए MySQL जो है एरर थ्रो करेगा अगर आप हैविंग यूज कर रहे हो विदाउट ग्रुप बाय। वेयर कैन बी यूज विद सेलेक्ट अपडेट डिलीट, सेलेक्ट अपडेट डिलीट के साथ ही वेयर यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय आप सेलेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, अपडेट डिलीट के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब हम पढ़ते हैं DDL के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रेंट्स के बारे में, ठीक है। याद करो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट्स, है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला मेरे पास आता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की नॉट नल होनी चाहिए, नॉट नल अगर हो गई प्राइमरी की तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, ठीक है, ये हमको पता है, ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ आपको कि नॉर्मली क्या होता है कि जो प्राइमरी की है आपकी, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है बट एक गुड मेथड है, गुड प्रैक्टिस बोल सकता हूँ मैं इसको, कि जो प्राइमरी की है ना वो मोस्टली इंट ही रखनी चाहिए आपको, ये फास्ट होती है क्योंकि इंक्रीमेंट करना आसान होता है, इसको सर्च करना आसान होता है, रादर देन कि आप इसको वेयर कैर रखो या करेक्टर रखो, तो प्राइमरी की शुड बी इंट, ठीक है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस बोल सकते हैं इसको। अब इसका सिंटैक्स जान लेते हैं, प्राइमरी की को कैसे डिफाइन करते हैं, सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं कस्टमर का टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आईडी दे रहा हूँ, इंट दे रहा हूँ, प्राइमरी की मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, यानी कि सारे अपने एट्रीब्यूट्स बता दिए, उसके बाद एंड में आप बता रहे हो कि कौन सा एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, यही बता सकते हो। तो जैसे हिसाब यहाँ पे लिखा हुआ, चूज वन ऑफ द टू वेज, दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी प्राइमरी की डिफाइन होती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फॉरेन की के बारे में, फॉरेन की क्या है, क्यों यूज होती है, आपको पता है, सबको पता है कि मुझे यूज होती है फॉरेन की, रेफर्स प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, ठीक है, किसी और टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही होती है फॉरेन की, ठीक है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर इसका सिंटेक्स देखना चाहोगे, सिंटेक्स को इसका कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं ऑर्डर टेबल बना रहा हूँ, ऑर्डर टेबल बना रहा हूँ, तो आप याद करो एग्जांपल कर रहे थे हम कस्टमर और ऑर्डर का, अगर ऑर्डर टेबल बना रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे इसको प्राइमरी की बनाया। अब मुझे कस्टमर की, जो कस्टमर बन रहा था, कस्टमर की आईडी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो टेबल है, मेरा जो ऑर्डर टेबल है, उस टेबल के अंदर एक फॉरन की एड हो, वो फॉरन की क्या होगी, वो प्राइमरी की होगी कस्टमर की, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई जो ये ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये किस कस्टमर ने किया है। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉरन की को इस तरीके से ऐड करूँगा, ये सारे एट्रीब्यूट डिफाइन करने के बाद, ये कीवर्ड है फॉरन की कस्ट आईडी, ठीक है, एक नया
कॉलम ऐड हो जाएगा कस्ट आईडी। कॉलम कहाँ पे ऐड होगा? ऑर्डर टेबल के अंदर। रेफरेंसेस जो कि रेफरेंस कर रहा है कस्टमर आईडी को, ठीक है, कस्टमर आईडी को रेफरेंस बनाया हुआ है उसने, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। एक बार वर्क बेंच पे जाकर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बनती है, ठीक है। ऑल्दो हम इसी को देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। वर्क बेंच पे आते हैं। अभी हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे थे? अभी हम यूज कर रहे थे ORG और डेटाबेस। अब मुझे टेम्प पर जाना है, ठीक है। टेम्प पर जाने के लिए मैं यूज टेम्प पे यूज करूंगा। यूज टेम्प पे यूज करा मैंने और मैं डेटाबेस पे स्विच हो गया। स्विच होने के बाद जैसा कि मैंने कहा, ये हमने कुछ ऐसे कस्टमर टेबल बनाया है, इसके अंदर प्राइमरी की ऐसे बनाई गई है। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट मैंने बता दिया है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है तो इसका मतलब ये इम्प्लिसिट है कि आईडी जो है नल नहीं हो सकती, ठीक है। आईडी नल नहीं हो सकती और आईडी जो है यूनिक भी रहेगी, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कस्टमर टेबल बना नज़र आ गया है। इसको मैं देखूँ, अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा, बड़ा ध्यान से देखो, ऐसे ये सब बन चुका है मेरे पास, एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर टेबल बनाता हूँ। अब आप ऑर्डर टेबल ध्यान से देखो, ऑर्डर टेबल जब आप देखोगे तो इसके अंदर हमने ऑर्डर आईडी ली है इंट, ठीक है। इसको प्राइमरी की बना देते हैं, इसकी प्राइमरी की, ठीक है। डिलीवरी डेट जो कि डेट होगी, कस्ट आईडी। अब कस्ट आईडी यहाँ पे इंट ऐड किया है, कस्ट आईडी क्या है? फॉरन की होगी, फॉरन की। इसको बनाने के लिए हमने फॉरन के एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट या कीवर्ड का यूज किया मैंने और रेफरेंस किया इसको कस्टमर आईडी को। अगर मैं इसको बनाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ध्यान से देखो, अब ये एग्जीक्यूट हो गई है, यस हो गई है एग्जीक्यूट। अब यहाँ मुझे दो टेबल नजर आएंगे, अब यहाँ मुझे दो टेबल नजर आएंगे, ठीक है। और अगर इसका मैं ईआर डायग्राम बनाऊँ, अगर डेटाबेस में जाकर ईआर डायग्राम बनाऊँ, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी देखा था, तो आप देखोगे इनके बीच में लिंकेज अप्लाई हो चुकी होगी। ये देखो लिंकेज अप्लाई हो गई है कि भाई जो आपका ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है, ये टेबल जो है चाइल्ड टेबल है या फिर रेफरेंसिंग टेबल है। ये किसको रेफरेंस कर रहा है? ये रेफरेंस कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पर कस्ट आईडी करके यहाँ पे इंट ऐड हो गया है और ये इसको रेफर कर रहा है। तो हमने देख लिया फॉरन की कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं हम, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए वापस से आते हैं। अब तीसरा कंस्ट्रेंट मेरे पास आता है यूनिक। अब यूनिक क्या है? अब मैं चाहता हूँ कि अपने टेबल के अंदर जो मेरा कस्टमर टेबल है, इसके अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ मैं कि वो यूनिक होना चाहिए। मान लो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो ये बेकार रिक्वायरमेंट है, कि जो नेम है ना, नेम, फर्स्ट नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो यूनिक रहे, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है। बाकी सारे एट्रीब्यूट मैंने बताए और मैंने एक एट्रीब्यूट बता दिया कि भाई जो नेम है ना, नेम, नेम जो कि बेयरकैट 255 डोमेन है, इट शुड बी यूनिक। अब इससे क्या होगा, जब भी आप नेम एंटर करोगे तो वो चेक करेगा कि भाई यूनिक है कि नहीं, ठीक है। इससे सेम नेम पहले तो नहीं डला हुआ, तो ये यूनिकनेस ऐसे चेक होती है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट पे आप ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट। चौथा कंस्ट्रेंट होता है चेक। चेक क्या है? चेक एक कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट है। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? मान लो जस्ट सपोज मैंने कोई अकाउंट टेबल बनाया, क्रिएट टेबल अकाउंट, ठीक है, और उसके मैंने, इसके अंदर मैंने जो भी एट्रीब्यूट ऐड किया उसके मैंने कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट डाल दिया। तो मैं कैसे डालता हूँ, तो सिंटैक्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम भी हम डालते हैं अकाउंट बैलेंस चेक, और मैंने बोल दिया जो अकाउंट बैलेंस है वो ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, यानी मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपका जो है 1000 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ बोला मैंने। तो इस तरीके से मैं ये कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ। तो अब जब भी मैं इसके अंदर इंसर्ट कमांड का यूज करके इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा ना, तो एरर दे देगा वो कि भाई अगर अकाउंट बैलेंस से कम है, या अपडेट करूंगा और अकाउंट बैलेंस कम चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। वर्कबेंच पे आते हैं। वर्कबेंच पे सपोज करो हम यहाँ पे टेम्प वाला डेटाबेस यूज कर ही देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं क्रिएट टेबल अकाउंट आईडी इंट
प्राइमरी की, ठीक है, नेम ऐड कर देते हैं, वेर कैर, नेम को यूनिक कर दें, नेम को यूनिक कर देते हैं, ठीक है, यूनिक और बैलेंस, बैलेंस आपका इंट होगा, और इंट होने के बाद मैंने इसको बनाया है, एक कंस्ट्रेंट ऐड करना है मुझे, तो कंस्ट्रेंट नाम था मेरा एसीसी बैलेंस सी एच के चेक कीवर्ड का यूज करके मैं लिखूंगा बैलेंस शुड बी 10,000, ऐसा कुछ मैंने टेबल बना दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब ध्यान से देखो मेरे पास एक टेबल मिल चुका है जो कि है आपका अकाउंट टेबल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर इंसर्ट कमांड चलाते हैं एक बार, इंसर्ट कमांड क्या है चलती है आपको पता है, इंसर्ट इनटू अकाउंट एट्रीब्यूट लिखूंगा मैं आईडी नेम बैलेंस अब मैं वैल्यूज डालूंगा इसमें, वैल्यूज आपकी कौन कौन सी होंगी, पहले मैं डालता हूँ 1, नेम है ए, साथ में बैलेंस डाल दिया मैंने 10,000, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगी, यस ये ऐड हो जाएगी, साथ ही साथ मैं एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट भी कर देता हूँ, साथ साथ मैं बैलेंस चेक करता हुआ भी चलूँगा, मतलब एंट्रीज चेक करता हुआ भी चलूँगा, एंट्रीज आगे मेरे को 1,000। अब आप ध्यान से देखो मैंने यूनिक लगाया है, तो क्या दोबारा से ए इंक्लूड हो पाएगा, ए नाम दोबारा से आ पाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं। 2 करा मैंने और मैंने ए डाल दिया, ए ऐड नहीं हुआ, डुप्लीकेट एंट्री ए फॉर की अकाउंट, ठीक है। तो देख लिया हमने कैसे हमने यूनिक कीवर्ड का यूज करके नेम को यूनिक कर दिया, ऑल्दो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने ये देख लिया है। तो हम ऐसा करते हैं, ए का ना ए करके इसको नाम बी कर देते हैं। अब हम कोशिश करते हैं इसका बैलेंस रख देते हैं 100 रुपीज, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या ये एग्जीक्यूट होगी, हमने चेक लगाया हुआ है कंस्ट्रेंट, ये अभी भी आंसर दे रहा है कि भाई चेक कंस्ट्रेंट अकाउंट चेक है वो वॉयलेट हो गया है। ध्यान से देखो, चेक कंस्ट्रेंट अकाउंट चेक इज वॉयलेटेड, इज वॉयलेटेड, ये आउटपुट आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा 1,000 से ज्यादा ही अकाउंट बैलेंस आपका इंसर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चेक और यूनिक वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा कंस्ट्रेंट मेरा होता है डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट क्या है, अगर मान लो मुझे कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, ठीक है, क्रिएट टेबल अकाउंट में रख देते हैं, ठीक है, और मुझे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, सपोज करो मुझे बैलेंस की डिफॉल्ट वैल्यू देनी थी, तो बैलेंस मेरा इंट था, ठीक है, इंट नॉट नल, डिफॉल्ट मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो कि जो डिफॉल्ट अकाउंट बैलेंस है वो 0 होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट डाला है, वापस से वर्कबेंच पे आते हैं और देखते हैं इसको कैसे वर्क करा सकते हैं। ये हमने टेबल बनाया था, ठीक है, इस टेबल को एक बार ड्रॉप कर देते हैं। तो टेबल को ड्रॉप करने के लिए अभी के लिए, क्योंकि मेरे को अभी इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, तो मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल अकाउंट। तो अगर मैं इसको चला के देखूंगा तो मेरा अकाउंट टेबल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ से देखो अकाउंट टेबल गायब हो चुका है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब दोबारा अकाउंट टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम बैलेंस को डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट करेंगे, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट करेंगे, कंस्ट्रेंट हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम नॉट नल और डिफॉल्ट 0। अब अगर मैं इसको बनाऊंगा चलाऊंगा तो आपका दोबारा से अकाउंट टेबल बन गया है, ठीक है। तो अब एंटर करते हैं दोबारा से वैल्यू। अब इसके अंदर जो एंटर वैल्यू करेंगे, अब सपोज करो मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं देता हूँ, बस मैं नेम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं नेम ऐड कर रहा हूँ बस, कि मुझे बस अकाउंट उसका खोलना है बंदे का, तो बैलेंस अभी ऐड नहीं करना। तो बैलेंस ऐड नहीं करना, तो जब मैं इस कमांड को अब चलाऊंगा, ये मैंने चलाई, अब अगर मैं इसको देखता हूँ सेलेक्ट स्टार, तो अब ध्यान से देखो मैंने बैलेंस बनाया भी नहीं था तब भी बैलेंस की वैल्यू नल आ गई है, यानी 0 आ चुकी है, 0 नल नहीं 0।
तो यहाँ पे बैलेंस है, हम जीरो डिफॉल्ट सेट कर दिया हमने, तो दिस इज हाउ डिफॉल्ट वैल्यू सेट इन एनी टेबल, किसी भी टेबल में आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है कि लोन, क्या बोलते हो कि आपका बैंक जब भी जो आपका जब नया कस्टमर आता है तो उसके लिए डिफॉल्ट जो लोन का वैल्यू है, लोन का इंटरेस्ट वैल्यू है, वो आपकी 6% होती है। तो आप इस तरीके से लोन की इंटरेस्ट रेट भी सेट कर सकते हो डिफॉल्ट। ऐसी एक और एग्जांपल हो सकता है, जब भी कोई अमेजोन में कस्टमर रजिस्टर करता है तो स्टार्टिंग में जब भी वो रजिस्टर नया नया कस्टमर आया है तो उसका प्राइम स्टेटस जो है, अमेजोन प्राइम स्टेटस है, वो नॉट प्राइम होता है। ठीक है, नॉट प्राइम होता है, तो वो भी एक डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है कि आप प्राइम स्टेटस आपने नॉट प्राइम डाल दिया है, जीरो डाल दिया। ठीक है, तो ये कुछ यूज केस हैं आपके डिफॉल्ट से लेके। ठीक है, वापस से आते हैं, जितने भी हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े उन सबको समराइज किया हुआ है हमने नोट्स में, तो आप देख सकते हो प्राइमरी की ऐसे बताते हैं, उसका सिंटैक्स बता दिया गया है, फॉरेन की उसका सिंटैक्स बता दिया है, यूनिक उसका सिंटैक्स हमारे पास है, चेक चेक कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं उसका सिंटैक्स है, चेक हम क्यों ऐड करते हैं, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट है ये एक। ठीक है, कि भाई आपका जो कस्टमर है वो 12 साल से ज़्यादा का ही होना चाहिए, आपने बोल दिया, तो इस तरीके से आप टेबल में डिफाइन करोगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे है वो भी हमने यहाँ समराइज कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एन एट्रीब्यूट कैन बी प्राइमरी की एंड फॉरेन की बोथ, कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की भी हो सकता है और फॉरेन की भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अल्टर ऑप्शन पे, कि भाई हमने ऑलरेडी स्कीमा बना दिया, अब आपने जस्ट सपोज आपने कस्टमर का, वर्कर का, या अकाउंट्स का, या स्टूडेंट का, डिफरेंट डिफरेंट जो टेबल्स हैं हमारे, आपने स्टार्टिंग में स्कीमा बना दिया है। ठीक है, आप जब आए थे, आपके जो डेटा, आप DBA हो सपोज एक, तो आप जब भी आपको यूज केस मिला था, आपने जब भी डिजाइन किया था, आपने स्कीमा स्टार्टिंग में बना दिया, बट अब आप चाहते हो उसकी स्कीमा चेंज हो जाए। स्कीमा चेंज जैसे कि रिक्वायरमेंट आ गई कि न्यू कॉलम ऐड करना है, सपोज करो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप न्यू कॉलम कैसे ऐड करोगे? ठीक है, या फिर आपको डेटा टाइप चेंज करना है, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, स्टार्टिंग में आपने वेयर केयर डाला था, वेयर केयर आपने 20 डाला था सपोज, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो वेयर केयर 255, या फिर उसको इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो सपोज। ठीक है, तो आप मॉडिफाई का यूज करते हो, ठीक, सिंपली ऐड कॉलम ऐड करने के लिए आप ऐड कीवर्ड का यूज करते हो। अगर आपको कॉलम को रीनेम करना है, रीनेम करने के लिए आप चेंज कॉलम आप कमांड का यूज करते हो। आपको कॉलम को कम्प्लीटली ड्रॉप करना है, कोई कॉलम है वो फालतू है। ठीक है, जस्ट सपोज अमेजोन कल को बोले कि मुझे प्राइम नॉन प्राइम वाली जो स्टेटस वाली चीज है ना, ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये चीज़ें हटा रहा हूँ मैं, मुझे प्राइम जैसा कुछ नहीं, अमेजोन प्राइम बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, DB से ड्रॉप कर देंगे जो प्राइम स्टेटस वाला कॉलम है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे टेबल का नाम ही रीनेम करना है, टेबल का नाम रीनेम करने के लिए भी मैं रीनेम कमांड का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इन सब के सिंटैक्स यहाँ पर बता दिए गए हैं, सबके सिंटैक्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप नोट्स में देख लोगे, बट इसको एक बार वर्क बेंच पे चला के देखते हैं कि ये चीज चलती कैसे है। ठीक है, तो आते हैं वर्क बेंच पे, चलो इस पर देखते हैं। अभी हमने अकाउंट टेबल थोड़ी देर पहले ही बनाया था। ठीक है, ये मेरा अकाउंट टेबल है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि मुझे एक नया कॉलम ही ऐड करना है। ठीक है, नया कॉलम ऐड करना है, वो कॉलम क्या होगा, मेरे पास नेम है, बैलेंस है अकाउंट में, वो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट, इस अकाउंट पे कितना सेविंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो ऐड करके देखते हैं। तो नया कॉलम ऐड करना है, नई रिक्वायरमेंट आई है, मुझे नया कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करूंगा मैं, ऐड न्यू कॉलम, उसके लिए मेरे पास कमांड है अल्टर टेबल, कि मैं टेबल को अल्टर करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ टेबल का नाम, अकाउंट, एड कमांड का यूज किया मैंने अल्टर टेबल के साथ, एड कमांड का यूज किया, एड कॉलम का नाम क्या होगा, मैं रख देता हूं इंटरेस्ट, फिर मुझे बताना होगा इसका डेटा टाइप क्या है। इंटरेस्ट का डेटा टाइप मान लो मैं फ्लोट दे देता हूं, फ्लोट नॉट नल होगा ये। ठीक है, और बोलता हूं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं कि एक नया कॉलम ऐड होता है कि नहीं। ये हमने इसको रन किया, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट करूँगा तो मुझे नया कॉलम दिखना चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये मुझे नया कॉलम मिल गया है, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू हमने जीरो सेट की थी, जीरो पे सेट हो गया, तो डिफॉल्ट के साथ में यूज कर लिया हमने, और हमने टेबल को अल्टर भी कर दिया, हमने न्यू कॉलम भी ऐड कर दिया। ठीक है,
बहुत ही बढ़िया। अब सपोज करो मुझे मॉडिफाई करना है डेटा, डेटा टाइप, किसी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप मॉडिफाई करना है। अभी हमने दो थोड़ी देर पहले हमने कौन सा एट्रीब्यूट ऐड किया है, हमने ऐड किया है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को मान लो मैं फ्लोट से डबल करना चाहता हूँ, ठीक है, डबल, यानी पॉइंट प्रिसीजन में बहुत ज़्यादा चाह रहा था तो मैं इसको डबल करना चाहता हूँ, तो डबल कैसे करूँगा मैं लिख देता हूँ मॉडी पाई। तो मॉडिफाई में मैं कैसे कमांड यूज करूंगा, दोबारा से मुझे अल्टर टेबल अकाउंट मॉडिफाई। अब मैं एट्रीब्यूट का नाम लूंगा, एट्रीब्यूट कौन सा है मेरा, इंटरेस्ट, इसको मैंने कर दिया है अब डबल, नॉट नल डाल देते हैं, इसको भी डिफॉल्ट बना देते हैं, डिफॉल्ट 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो गया है। इसको मैं चला के देखूंगा वापस से, तो मुझे यहाँ पर इसको मैं चला के देखूंगा तो मैं यहाँ पर फिर से इंटरेस्ट मिल रहा है 0। अब आप बोलोगे कि यार ये मुझे क्या पता है ये फ्लोट से डबल हुआ है कि नहीं, तो ये रहा प्रूफ। तो ये फ्लोट से डबल हो चुका है, पहले यहाँ पे फ्लोट था, अब ये वापस, अब ये डबल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से मैं एक और कमांड मैंने आपको बता दी कि DESC डिस्क्राइब अकाउंट, तो डिस्क्राइब हो गया है कि भाई मैंने अपने अकाउंट टेबल को डिस्क्राइब कर दिया। तो डिस्क्राइब आपको बताता है कि फील्ड कौन कौन सी है, टाइप क्या है, नल है कि नहीं, की है, ये कौन सी प्राइमरी की है या यूनिक है, यूनिक लिखा है UNI क्योंकि हमने नेम को यूनिक बनाया हुआ था, ठीक है। तो DSA कमांड से आप डिस्क्राइब कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम को रीनेम करेंगे, चेंज कॉलम ये किस लिए काम आता है, रीनेम द कॉलम। रीनेम कैसे करेंगे, अब इंटरेस्ट की जगह मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, इसका नाम होना चाहिए सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट या सेविंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए मुझे अगेन अल्टर कमांड का यूज करना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। अब चेंज कॉलम कमांड, ठीक है। अब मैं दूंगा ओल्ड नेम और न्यू नेम विद डेटा टाइप, ठीक है, ओल्ड नेम न्यू नेम डेटा टाइप, आपको नोट्स में मिल जाएगा डायरेक्टली। तो मैं जाता हूँ ओल्ड नेम, ओल्ड नेम मेरा क्या है, ओल्ड नेम था मेरा इंटरेस्ट, न्यू नेम मेरा क्या होगा, सेविंग इंटरेस्ट, और साथ में डेटा टाइप भी यहाँ पे साथ में चेंज कर सकते हैं, बट डेटा टाइप मैं अभी सेम रखता हूँ, ठीक है। या ऐसा करते हैं फ्लोट कर देते हैं वापस से, फ्लोट कर देते हैं, तो मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा इसको फ्लोट। अब ये देखो, अब यहाँ क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट कॉलम जो है उसका रीनेम होके वो सेविंग इंटरेस्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका डेटा टाइप भी चेंज जाएगा। इसको रन करते हैं, रन करके सक्सेसफुल हो गई कमांड। अगर मैं अब डिस्क्राइब करूंगा अकाउंट को, तो अब देखो तो मेरा जो फोर्थ कॉलम जो कि पहले इंटरेस्ट था, अब वो हो गया है सेविंग इंटरेस्ट, और वापस से उसका टाइप फ्लोट हमने बना दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, चेंज कॉलम कमांड जो रीनेम करती है वो साथ ही साथ आपको उसका डेटा टाइप भी बताना होता है आपको, ठीक है। तो रीनेम के साथ आपने डेटा टाइप भी बताया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, ड्रॉप कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग बार बार गलत कर रहा हूं मैं। तो कॉलम जो इतनी मेहनत से हमने सेविंग इंटरेस्ट कॉलम बनाया उसको हम कम्प्लीटली ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। बैंक कह रहा है कि नहीं है, बेकार है, इसको हटाओ, इस सेविंग इंटरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है मैं किसी और टेबल में सेव करता हूँ, ठीक है, सपोज करो। तो इसमें हम ड्रॉप कैसे करेंगे, ड्रॉप के लिए आपकी वही अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अकाउंट, कमांड यूज होगी ड्रॉप कॉलम। अब कॉलम का नाम दे दूंगा मैं सिंपली, ठीक है, सेविंग इंटरेस्ट। अब इसको रन करते हैं, रन करके देखो आ गया है यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गई कमांड। अब इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं तो क्या आंसर आता है, अब ध्यान से देखो, फोर्थ कॉलम जो हमने इतनी मेहनत से ऐड किया था वो हट चुका है, ठीक है, ड्रॉप कॉलम हमने सीख लिया। अब सपोज करो मैं टेबल का नाम ही चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, रीनेम द टेबल, टेबल का नाम ये रिनेम करना चाहता हूँ, टेबल का नाम मेरा अकाउंट की जगह मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। फिर से मैं वही अल्टर टेबल कमांड का यूज करूंगा, सब कुछ अल्टर के अंदर ही आता है, अल्टर टेबल अकाउंट,
रीनेम टू यूज होता है कि अकाउंट को रीनेम करना है अकाउंट डिटेल्स में। तो आप देखो ये ओल्ड नेम है, ये न्यू नेम है, तो इस तरीके से ऐसी कमांड दिखती है ये। इसको रन करूंगा मैं, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका अकाउंट का नाम चेंज हो चुका होगा, अकाउंट डिटेल्स हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमने अभी एक ही टेबल के साथ छेड़खानी करके ये सीख लिया कि कैसे अल्टर ऑपरेशन किए जाते हैं किसी टेबल पर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं न्यू कॉलम भी ऐड कर देता हूँ, मैप कॉलम को मॉडिफाई भी कर देता हूँ, उसका डेटा टाइप मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं कॉलम को रीनेम भी कर देता हूँ, पर रीनेम करने के साथ साथ मैं डेटा टाइप भी चेंज कर लेता हूँ, मैं कॉलम को कम्प्लीटली ड्रॉप भी कर सकता हूँ और टेबल तक को रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमने अल्टर ऑप्शंस ढंग से सीख लिए हैं। चलो वापस से आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं DML के बारे में, डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। अब डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज क्या है? मैं डेटा को मॉडिफाई करना चाहता हूं, इसमें कौन कौन सी कमांड आती है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मेरी कमांड आती है इंसर्ट, मैं डेटा को इंसर्ट कर सकता हूं। दूसरे बार कमांड आती है मेरा अपडेट, मैं ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा को अपडेट कर सकता हूं। फिर आता है मेरे पास डिलीट, मैं डेटा को डिलीट भी कर सकता हूं। फिर मेरे पास आता है रिप्लेस, मैं डेटा को रिप्लेस भी कर सकता हूं। ठीक है, तो बारी बारी पर वर्क बेंच पे इसको चला के देख सकते हैं, इन सब के सिंटैक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो चलिए वापस से वर्क बेंच पे आते हैं। वर्क बेंच पे आके हमने देखा कि हमें कौन से डेटाबेस पे काम करना है, हमें टेम्प पे काम करना है। हमने एक टेबल बनाया कस्टमर, ये DDL में आता है, हमने कस्टमर टेबल बना दिया। अब आप ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर टेबल बन चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा कस्टमर टेबल है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर इंसर्ट ऑपरेशन करना, डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज में इंसर्ट आता है, तो मैं इंसर्ट करूंगा। मैं इंसर्ट करने के लिए मुझे इंसर्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले से हम देख ही रहे हैं, फॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, इंसर्ट कस्टमर। ठीक है, अब दो तरीके से कर सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ पर मैं सारे एट्रीब्यूट लिखूँ, ID, CNAME, एड्रेस, जेंडर, सिटी, पिन कोड। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यूज, और मुझे वैल्यू देनी है। वैल्यू मैं कुछ इस तरीके से दे सकता हूँ, ये मैंने पहले से लिखी हुई है, यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे वैल्यू दी, और इस तरीके से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ध्यान से देखो वन रो अफेक्टेड, यानी कि एक कस्टमर ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि मैंने एक कस्टमर ऐड कर दिया है, राम कुमार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जैसे यहाँ पे एक कस्टमर ऐड हुआ, ऐसे मैं मल्टीपल एंट्रीज भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे इस तरीके से मुझे मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देनी होंगी। ये कॉमा डाला मैंने और मल्टीपल वैल्यूज डाल दी। ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यूज डल गई हैं, यानी आप सिंगल वैल्यू भी डाल सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हो। और इसको अगर मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो मेरे को एरर आ गया है, वो एरर ये है कि डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये भी पता चल गया हमें, क्योंकि हम राम कुमार थोड़ी देर पहले ऐड कर चुके थे, 1212 यानी 1251 आईडी पहले से एडेड थी, तो उसने एरर दे दिया है, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ढंग से वर्क कर रहा है, तो इसको एडेड है तो इसको हम नहीं ऐड कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, अगर मैं इसको अब चलाऊंगा तो अब दिस शुड वर्क फाइन। इसको चला के देखा, अब देखते हैं कि कस्टमर सारे ऐड हुए कि नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम सिंगल वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक और तरीका है ऐड करने का, अगर मैं कुछ इस तरीके से कमांड लिखूं, इंसर्ट इनटू कस्टमर। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉलम के नाम नहीं देना चाहता, तो मैं कॉलम के नाम भी नहीं दूंगा। ठीक है, बट दिस इज मैंडेटरी कि आप जिस तरीके से आपने कॉलम्स डिक्लेयर किए थे DDL के टाइम पे, उसी तरीके से अब यहाँ पर आप एडिशन करो। तो सबसे पहले आप वन लिखोगे, नाम आपने लिख दिया, कोड हेल्प। ठीक है, दिल्ली मेल, दिल्ली 110000। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, तो दिस विल ऑल्सो वर्क
इस तरीके से भी आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं कोडल कस्टमर ऐड हुआ कि नहीं। कोडल कस्टमर ऐड हो गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब और एक और तरीका है आपका, एक और तरीका है हमारे पास। वो तरीका क्या है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर जस्ट सपोज मेरे पास कोई कस्टमर आया और मैं ऐड करना चाहता हूँ, और ऐड करने में मेरे पास सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बस दो चीज़ें हैं, मेरे पास आईडी है और कस्टमर का नाम है बस। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये सब ना प्रोवाइड करूँ, ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट्स मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास आईडी है और कस्टमर नेम है, तो मैं इन्हीं को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं आईडी डाल देता हूँ 121 और कस्टमर नेम डाल देता हूँ बॉब डाल दिया हमने। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मेरे पास दो ही चीजें अवेलेबल हैं, अब बाकी सब जो है अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगी। अभी हम यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू दी नहीं है, तो नहीं दी है तो सब नल से रिप्लेस होगा। तो अब ध्यान से देखो, बॉब कस्टमर ऐड हो गया होगा और उसकी दो ही डिटेल मेरे पास अवेलेबल होंगी, बाकी सब नल है, या मैं बोल सकता हूँ बाकी सब डिफॉल्ट वैल्यूज है। यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने बनाई नहीं है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, सब नल से रिप्लेस हो रखा है। ठीक है, तो ये कुछ तीन चार तरीके हैं इंसर्ट करने के। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अपडेट कैसे करते हैं, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है, जो पहले से डेटा है, मैं उसको अपडेट कैसे करूँ। अपडेट करने के लिए मुझे अपडेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जो बॉब हमने ऐड किया था, बॉब कस्टमर ऐड हुआ था, अब मुझे उसका एड्रेस भी पता चल गया है और मुझे उसका जेंडर भी पता चल गया, तो मैं इसको कैसे करूँगा अपडेट। फिर मैं देता हूँ टेबल का नाम, टेबल का नाम मेरे पास क्या है, कस्टमर। ठीक है, सेट कीवर्ड का यूज करता हूं मैं। ठीक है, सेट एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस मान लो उसका है मुंबई। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, सेकंड कॉलम का नाम, मुझे जेंडर पता चल गया था, जेंडर मैंने दिया मेल। ठीक है, बट मुझे बॉब को लोकेट भी करना है, तो बॉब को लोकेट करने के लिए मैं वेयर का यूज करूंगा, रोज को फिल्टर करूंगा, वेयर आईडी इक्वल टू 121। ठीक है, तो 121 आईडी पे मैंने बॉब को लोकेट किया है, तो अब मैंने एड्रेस और जेंडर का अपडेट कर दिया। इसको चलाते हैं, अब ध्यान से देखो ये चीज चल गई है। तो अब मैं देखूंगा तो बॉब के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एड्रेस और जेंडर भी अवेलेबल है, बॉब के कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और जेंडर दोनों चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपडेट वर्क करता है। अब मान लो मुझे अपडेट करनी है मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल रोज अपडेट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज करो एक यूज केस लेते हैं, ऑल्दो ये सही यूज केस नहीं है पर बेकार यूज केस लेते हैं, कि सपोज करो मुझे सारे कस्टमर जो हैं, जितने भी कस्टमर हैं उन सबका पिन कोड जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू से चेंज करना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू डालना है पिन कोड को, कि भाई सारे कस्टमर ना आपके 1111000 पिन कोड से ही बिलोंग करते हैं, सपोज करो ऐसा कुछ मैं करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं मल्टीपल रोज को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं इसे भी कर सकता हूँ, अपडेट कस्टमर सेट, मैं वेयर का यूज नहीं करूंगा, वेयर का यूज नहीं करूंगा तो सब पे लोकेट हो जाएगा, सेट पिन कोड इक्वल टू 110000। अब देखो सब का पिन कोड जो है इससे चेंज हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, इसने एरर दे दिया है, ये कह रहा है कि यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट वेयर, यानी कि वो ऐसा बाय डिफॉल्ट MySQL के अंदर ये प्रॉपर्टी लगी हुई है कि कोई वायरस वगैरह है या फिर कोई ऐसा अनऑथराइज यूजर है जो कि उठा के सारा डेटा चेंज करना चाहता है, तो देखो इस टाइप की सिक्योरिटी लगी हुई है, तो इसलिए ये मुझे ये काम करने नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस काम के लिए मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी, सेट एक वेरिएबल होता है आपका SQL सेफ अपडेट्स, मुझे इसको जीरो सेट करना पड़ेगा। तो मैंने जीरो सेट कर दिया, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ दो चीज पता चली, पहली चीज जो MySQL जो DBMS है उसको पता है, वो बेवकूफ नहीं है, कि अगर आप सारी रोज एक साथ डिलीट करना चाहते हो, अपडेट करना चाह रहे हो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए आपका SQL सेफ अपडेट करके एक वेरिएबल है, बट क्योंकि आप एक ऑथराइज यूजर हो
तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने सेट कर दिया इसको 0 0 सेट कर दिया। अब मैं सबके पिन कोड जो हैं 1100000 कर दिए हैं। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये इन इफेक्ट हुआ कि नहीं। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करूँगा तो देखो ध्यान से सबके कस्टमर ऐसे हुए हैं। तो साथ ही साथ मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। अब सपोज करो कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसमें 1 साल हो गया है तो सबकी एज +1 करनी है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पिन कोड इक्वल टू पिन कोड +1, मतलब कंसेप्ट समझो आप। प्लस प्लस भी कर सकते हो, ऐसे प्लस प्लस करोगे तो सबके जो पिन कोड है उसमें +1 हो जाएगा। अब इसको हम चलाएंगे तो देखो सब +1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज वर्क करती है, ठीक है। वापस से हम सेफ अपडेट्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। चीजों को ज्यादा छेड़ते नहीं है, सिक्योरिटी फीचर इन इफेक्ट रहने चाहिए। बहुत ही बढ़िया, अपडेट हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं डिलीट, डिलीट कमांड कैसे वर्क करती है। डिलीट कमांड कैसे वर्क करती है वो देखने के लिए सिंपल पहला सिंटैक्स है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर से हम लोकेट कर देंगे वेयर आईडी इक्वल टू 1। बॉब को हमने डिलीट कर देना है, बॉब नहीं, बॉब की आईडी थी 121, तो 121 बॉब को हमने डिलीट कर दिया है। तो अब इसको हम रन करेंगे तो अब क्या होगा, एक तो अपडेट हो गई है। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करता हूं तो क्या होता है, बॉब यहां पे हमें नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, अगर मुझे पूरा टेबल डिलीट करना हो, पूरा टेबल अगर डिलीट करना हो वो भी मैं डिलीट कमांड से कर सकता हूं। डिलीट कमांड से पूरा टेबल डिलीट करने के लिए मुझे बस वेयर नहीं देना, इसको रन कर देना है। बट हमें पता है यहाँ पे एरर आएगा कि भाई सेफ मोड इज एक्टिवेटेड। सेफ मोड को हम वापस डिसेबल कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। सेफ मोड को डिसेबल किया मैंने, डिसेबल करने के बाद सेलेक्ट, ये देखो सारे कस्टमर डिलीट हो जाएंगे, अब कोई भी कस्टमर यहाँ पे एडिट नहीं है, ये देखो, ठीक है, सारे कस्टमर उड़ा दिए हमने। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल थे मेरे पास, बहुत ही बढ़िया। एक और चीज होती है जिसको मैं बोलता हूँ डिलीट कास्केड और ऑन डिलीट नल, ऑन डिलीट कास्केड ऑन डिलीट नल, ठीक है। ये क्या चीज होती है समझते हैं। तो हमने एक और चीज पढ़ी थी फॉरन की के अंदर कि भाई रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट होता है मेरा, एक डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, मेरे पास दो कंस्ट्रेंट होते हैं, पहला इंसर्ट, ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था। सबसे पहले मेरा होता है इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर वैल्यू मैं तब तक इंसर्ट नहीं कर सकता इफ द वैल्यू इज नॉट लाइंग इन द पेरेंट टेबल, ठीक है। ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर 7 जाके एक बार रिवाइज करो, उसके अंदर ये चीज बताई गई है, ठीक है। दूसरा मेरा कंस्ट्रेंट होता है डिलीट कंस्ट्रेंट। डिलीट कंस्ट्रेंट में क्या होता है, वैल्यू कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम पेरेंट, अगर वैल्यू आप पेरेंट से डिलीट नहीं कर सकते अगर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो चाइल्ड में अवेलेबल है, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 पे, ठीक है। डिलीट कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने के लिए मेरे पास दो तरीके होते थे। पहला तरीका था कि मैं कर सकता हूँ ऑन डिलीट कास्केड, या मैं कर सकता हूँ ऑन डिलीट सेट नल। इसका मतलब कि अगर मैं ऑन डिलीट कैस्केड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पेरेंट से चीज डिलीट कर रहा हूँ, पेरेंट से अगर मैं आइटम डिलीट कर रहा हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चीज चाइल्ड टेबल के अंदर पड़ी हुई है, जो भी रेफरेंस चाइल्ड टेबल के अंदर पड़ा हुआ है वो भी डिलीट हो जाएगा। ये है ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट सेटनल क्या कहता है, अगर पेरेंट से मैंने एंट्री डिलीट कर दी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री चाइल्ड टेबल में पड़ी है उसकी फॉरन की जो वैल्यू है वो नल सेट हो जाएगी, ठीक है। इसका ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर 7 में कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि कैन फॉरेन की हैव नल वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, अगर हम ये चीज यूज करते हैं तो, ठीक है। ये बस इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, सेम एग्जांपल यूज करेंगे कस्टमर और ऑर्डर डिटेल्स का, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स का सेम एग्जांपल यूज करेंगे, आते हैं वर्क बेंच पे। तो वर्क बेंच पे आते हैं, देखते हैं जो लेक्चर 7 में एग्जांपल यूज किया था कस्टमर और डिटेल्स का, सेम एग्जांपल यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले बहुत देर से कस्टमर टेबल पे काम कर रहे हैं, इसको एक बार ड्रॉप कर देते हैं, टेबल को दोबारा से टेबल बनाते हैं। मैंने कस्टमर टेबल इस कमांड से बनाया फिर से, ठीक है। कस्टमर टेबल मेरा बन चुका है, अगर मैं कस्टमर टेबल देख सकता हूँ तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। अब मैं एक वैल्यू एड कर देता हूँ राम 3, ठीक है। तो RamKumar3 वैल्यू ऐड हो गई होगी यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं डिटेल ऑर्डर डिटेल्स बनाता हूँ। ऑर्डर डिटेल ध्यान से देखो इसके अंदर फॉरन की कस्टमर आईडी बनाई गई है, फॉरन की कंस्ट्रेंट दिया गया है कि
जो आईडी है यहाँ पर कस्टमर का जो प्राइमरी की है वो यहाँ पर फॉरेन की तरह एक्ट कर रही है, रेफरेंसेस हमें सबको समझ आता है, हमने बना दी यहाँ पे एक और टेबल, तो ऑर्डर टेबल ही बन चुका होगा। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कस्टमर टेबल टेबल बन चुका है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर डिटेल ऐड कर देते हैं, ये मेरी ऑर्डर डिटेल है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी डाल दी मैंने, ऑर्डर आईडी मान लो यहाँ पे 3 डाल देते हैं हम, और डेट है, और यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब ये ऑर्डर यहाँ पे 1 डालने का मतलब क्या है, कस्टमर आईडी 1 डालने का मतलब है ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो मैं इंसर्ट करने वाला हूँ वो मेरा राम कुमार 3 ने किया है, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो चुका है। अब ऑर्डर डिटेल्स देख लेते हैं हम, ऑर्डर डिटेल्स, तो ये देखो ऑर्डर भी डल गया है, कस्टमर भी डल गया है, बहुत ही बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं डिलीट करता हूँ कस्टमर को, रामकुमार 3 को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेशिंग कंस्ट्रेंट इन इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब मैंने डिलीट करना चाह रहा हूँ रामकुमार 3 को, ठीक है, ये रामकुमार 3 इज नो मोर ए कस्टमर, ठीक है, इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो, अगर ये डिलीट हो जाता है तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर यहाँ डिटेल पड़ी हुई है, ये मेरे पास जो डिटेल पड़ी हुई है इसके अंदर कस्टमर आईडी 1 लिखा हुआ है। तो अगर कस्टमर डिलीट हो गया तो ये जो आईडी 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर डिटेल के अंदर एक ऐसी एंट्री पड़ी हुई है कि जो कस्टमर है ही नहीं, वो कस्टमर जा चुका है या कभी था ही नहीं। तो यही है मेरा, यही इसी को मैं बोलता हूँ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो एसक्यूएल इसी को कैसे हैंडल करेगा। मैं कस्टमर टेबल से आईडी 1 यानी कि रामकुमार 3 को डिलीट करने जाऊंगा, तो अब देखो क्या होता है। ये डिलीट हुआ और इसने यहाँ क्या लिख दिया कि कैन नॉट डिलीट और अपडेट ए पेरेंट रो, पेरेंट रो को नहीं कर सकते इफ फॉरन की कंस्ट्रेंट फेल्स, ठीक है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर डिटेल पड़ी हुई है मेरे पास, तो ये डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो कितनी बढ़िया तरीके से MySQL या RDB में जो है मेरा वो डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा हुआ है, जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं कर सकूँ, तो मैं दो तरीके हैं मेरे पास कि मैं ऑन डिलीट कैस्केड कर दूंगा कि भाई अगर पेरेंट टेबल से यानी कि राम कुमार अगर डिलीट होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी ऑर्डर है ना वो डिलीट हो जाएंगे, साफ सीधी बात है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार ऑर्डर टेबल मुझे बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ टेबल को, ये मैंने टेबल को ड्रॉप कर दिया। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा और अब यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। दोबारा से टेबल बनाते हैं, ऑर्डर डिटेल टेबल बन गया है, ऑर्डर ऐड करते हैं, एक बार डिटेल टेबल को देख लेते हैं। डिटेल टेबल मैंने देख लिया, कस्टमर टेबल भी देख लेते हैं एक बार, ये मैंने कस्टमर टेबल देख लिया। अब एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स भी कर सकता है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे एक और ऑर्डर ऐड कर देते हैं, इसके हम बोल देते हैं कि इसकी ऑर्डर आईडी है 4 और ये किया था 12 तारीख को, इसको मैं ऐड करता हूँ तो क्या होता है, तो राम कुमार 3 ने 2 ऑर्डर किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ क्या ये डिलीट हो पाता है, क्या मैं पेरेंट से राम कुमार 3 को डिलीट कर पाता हूँ, ये देखो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं कस्टमर में जाके देखूंगा तो मुझे राम कुमार 3 नहीं नजर आ रहा है। अब मैं ऑर्डर डिटेल्स में भी जाके देखूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग किए गए ऑर्डर भी गायब हो जाएंगे, कोई ऑर्डर नहीं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से ऑन डिलीट कैस्केड ने पेरेंट से कुछ एंट्री डिलीट हुई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी रेफरेंस्ड एंटिटीज या रेफरेंस रोज पड़ी हुई थी मेरे चाइल्ड टेबल के अंदर वो भी डिलीट हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें वर्क करती हैं। अब हम चाहते हैं ऑन डिलीट कैस्केड ना करके हम ऑन डिलीट नल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर की डिटेल तो बनी रहे, कस्टमर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑर्डर्स की डिटेल रहनी चाहिए, ठीक है। ये भी करके देख लेते हैं। इसको करने का तरीका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन डिलीट सेट नल, इससे क्या होगा इस पर्टिकुलर फॉरेन की वैल्यू नल सेट हो जाएगी अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट के अंदर से वो एंट्री गायब हो गई तो, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर टेबल को दोबारा से बनाना है, तो मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉप, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, नया टेबल बनाया, ऑर्डर डिटेल्स का टेबल बना दिया, कॉरस्पॉन्डिंग
दो ऑर्डर भी ऐड कर देते हैं जैसे पहले किया था। दो ऑर्डर ऐड नहीं हुए हैं शायद, नहीं हुए हैं। ओके ओके, ध्यान से देखो, आपका ऑर्डर भी ऐड नहीं हो रहा है। ऑर्डर ऐड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं वन लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर आईडी वन लिखना चाह रहा हूँ, कस्टमर ही नहीं है, आईडी वन का कस्टमर ही नहीं है। ध्यान से देखो, कस्टमर डेल पे एंट्री बढ़ा है। तो देख रहे हो किस तरीके से आपकी जो रेफरेंसिंग डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपस में जो रेफरेंस कर रहे हैं टेबल एक दूसरे को, वो किस तरीके से मेंटेन है, कि चाइल्ड के अंदर इंसर्ट कंस्ट्रेंट भी लगा हुआ है कि भाई इंसर्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो इंसर्ट नहीं कर पा रहा मैं चाइल्ड के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले कस्टमर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कस्टमर ऐड किया, मेरे पास राम कुमार जी फिर से कस्टमर ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं दो ऑर्डर ऐड करूंगा, अब ये ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गए दोनों ऑर्डर्स, तो राम कुमार थ्री ने वापस से दो ऑर्डर ऐड कर दिए हैं। ओके, एक ही ऑर्डर ऐड हुआ है, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब देयर शुड बी टू ऑर्डर्स, ठीक है, दो ऑर्डर आ गए। अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं राम कुमार थ्री को पेरेंट टेबल से डिलीट करता हूँ, कस्टमर टेबल डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर जो फॉरन की है ये नल सेट हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब मैं ऑर्डर डिटेल्स को इंटैक्ट रख रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ उसका पेरेंट कोई नहीं था, मतलब किसी ने ऑर्डर नहीं किया था, या जिसने भी ऑर्डर किया था नल वैल्यू ये सजेस्ट करेगी कि यहाँ पे नल लिखा है, इसका मतलब वो बंदा जा चुका है, डिलीट कर दिया सिस्टम से। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो अब देखो क्या होता है, कस्टमर टेबल से राम कुमार थ्री जा चुके हैं, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ये नल सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट वर्क करते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल है, ये चीज वर्क करती है। इसी तरीके से हम डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तो अब डिस्कस करते हैं डीएमएल में एक और कमांड के बारे में जिसका नाम है रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या करती है, रिप्लेस रिप्लेस कमांड ना दो टाइप के बिहेवियर दिखाती है, ठीक है। आपके पास, हम डीएमएल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब डेटा ऑलरेडी टेबल के अंदर पड़ा है, स्कीमा बना पड़ा है, सब कुछ है ना। तो दो केस हो सकते हैं, पहला केस है कि अगर डेटा जो है, जो रिप्लेस के द्वारा मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। सेकंड, अगर डेटा नॉट प्रेजेंट है तो ये कमांड बिहेव करेगी इंसर्ट की तरह, यानी कि नया डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस से मतलब समझ आ रहा है, रिप्लेस का मतलब है कि जो प्रेजेंट डेटा है, अगर वो पहले से प्रेजेंट है, अगर इसका मतलब मान लो कस्टमर के अंदर जो आईडी होती है, राइट, आईडी इज प्राइमरी की, अगर उस प्राइमरी की के कॉरस्पॉन्डिंग पहले से ही डेटा पड़ा हुआ है तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। अगर वो प्राइमरी की के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है ही नहीं तो नया डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, दो टाइप के बिहेवियर होते हैं इसके, ठीक है। अल्टीमेटली थिंग्स जो है मॉडिफाई होने वाली है, अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है उस प्राइमरी की कॉरस्पॉन्डिंग तो इंसर्ट बिहेव करेगा, तो भी यहाँ डेटा ऐड हो रहा है, मॉडिफिकेशन है टेबल के अंदर। अगर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। जल्दी से इसको वर्क बेंच पे देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तीन चार तरीके के फॉर्मेट है इसमें इसको चलाने के, ठीक है। वर्क बेंच पे चलते हैं, सीधा लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है, आ जाओ वर्क बेंच पे। तो सबसे पहला तरीका मेरा ये है, ठीक है, सेम मेरा वही कस्टमर टेबल है, ये हमने यहाँ प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस इनटू, जैसे इंसर्ट इनटू हुआ करता था, इंसर्ट इनटू, वैसे ही कमांड है रिप्लेस इनटू कस्टमर, जिसमें मैं दे रहा हूँ आईडी और सिटी। प्राइमरी की देना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर प्राइमरी की आप नहीं दोगे तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे काम करना है ना। प्राइमरी की ही तो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, मैंने प्राइमरी की दी, सिटी दे दी और वैल्यूज दे दी है। अब ध्यान से देखो, 1251, 1251 के कॉरस्पॉन्डिंग राम कुमार नाम की एंट्री मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसा कि हमने पढ़ा, अगर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो रिप्लेस हो जाएगी वैल्यूज। तो अब देखो इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो क्या हुआ, इसको एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट सक्सेसफुल, कस्टमर को प्रिंट कराते हैं। अब ध्यान से देखो, राम कुमार नाम से एंट्री निकल हट चुकी है, यानी कि जैसा कि हमने बोला था, प्राइमरी की 1251 प्राइमरी की के कॉरस्पॉन्डिंग पहले से कुछ डेटा पड़ा था। अब क्योंकि डेटा पड़ा था तो अब ये किस तरीके से बिहेव कर रही है, ये बिहेव कर रही है रिप्लेसमेंट की तरह, अब उसने रिप्लेस कर दी सारी वैल्यूज। और ध्यान से देखो, हमने नेम नहीं दिया हुआ था, एड्रेस भी नहीं दिया हुआ था, जेंडर भी नहीं दिया हुआ था, तो इसने क्या किया, बाकी सारे वैल्यूज को नल करते चला गया, बस
कॉरस्पॉन्डिंग सिटी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। सेम सिंटैक्स अगर मैं यूज करूं और मैं न्यू आइटम ऐड करना चाहूं, तो न्यू आइटम ऐड करने का क्या होगा कि प्राइमरी की जो है मैं नहीं दे देता हूं, और प्राइमरी की यहां पे जो नहीं है मान लो मैं देता हूं 1333, ठीक है। और 1333 के कॉरस्पॉन्डिंग आप ध्यान से देखो यहाँ कोई एंट्री नहीं है, तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इंसर्ट की तरह बिहेव करेगा। आप देखना इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मान लो मैं सी नेम भी दे देता हूँ, सी नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर कोड हेल्प, इसको मैं रन करता हूँ, देखो क्या होगा, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अब मैं देखता हूँ, अब यहाँ पे न्यू एंट्री एड हो गई, ठीक है। तो अभी ये कैसे बिहेव किया इसने, इसने बिहेव किया इंसर्ट की तरह, ठीक है। और इसने कैसे बिहेव किया था, इसने बिहेव किया था रिप्लेसमेंट की तरह, ठीक है। सिंपल सी चीज है, प्राइमरी की कॉरस्पॉन्डिंग डेटा पहले से पड़ा है तो मैं क्या करूंगा रिप्लेस, अगर नहीं पड़ा तो इंसर्ट कर दूंगा, सिंपल साफ सीधी बात, ठीक है। दूसरा इसका सिंटेक्स क्या हो सकता है, दूसरा सिंटेक्स ये हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि रिप्लेस इन टू कस्टमर सेट आई डी इक्वल टू 1300 बाकी नेम सिटी एंड ये, यानी कि ये बस दूसरा टाइप का सिंटेक्स है। मैं सेट ऑपरेटर का यूज करके भी सेम काम कर सकता हूँ। यहाँ पे भी क्या होगा, आई डी कॉरस्पॉन्डिंग 1300 आई डी जो है 1300 आई डी ये चेक होगी, 1300 आई डी यहाँ ध्यान से देखो श्याम सिंह की है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, सब आप सबको पता है रिप्लेसमेंट, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी। और अब यहाँ मैं कस्टमर को प्रिंट कराता हूँ, और ये एरर आ गया था, सॉरी एरर ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मुझे सी नेम लिखना है रादर देन नेम, ठीक है। दोबारा ट्राई करते हैं, अब ट्राई किया सक्सेसफुल हो गया। अब हम देखते हैं श्याम सिंह की जगह पे मैक और यूटा सिटी के साथ आ गया होगा क्या नहीं, ध्यान से देखो 1300 आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग मैक आ गया है, बाकी सब डिटेल्स हमने नहीं दी थी तो नल सेट हो गया, या फिर अगर हमने डीडीएल के टाइम पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट की होती है डिफॉल्ट सेट हो जाती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल रहती है, यहाँ पे उल्टा सेट हो गया, बहुत ही बढ़िया। तीसरा एक और तरीके से हम ये कर सकते हैं, नया सिंटेक्स ये क्या है कि रिप्लेस इन टू कस्टमर, यहाँ पे हम दे रहे हैं सी नेम सिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम हर जगह क्या यूज कर रहे थे, आईडी 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 क्यों यूज कर रहे थे, इसको लोकेट करने के लिए, राइट। अब यहाँ पर भी हम आईडी यूज कर सकते हैं, आईडी यूज कर सकते हैं वेयर के साथ, और रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे सेलेक्ट का यूज करके, कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट कमांड चलेगी, सेलेक्ट क्या करेगी, सी नेम और सिटी फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू ये 500 आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग वो सी नेम और सिटी निकाल देगी, 500 आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा, रोहन अरोरा और ये, ठीक है। ये सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले हम सेलेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग रोहन अरोरा और सिटी निकाल लेंगे, और अब मैं इस कॉरस्पॉन्डिंगली इसको फिर चेंज कर दूंगा। अब देखो ध्यान से हम इस कमांड को चलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम यह है आईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट को कर लिया कि 500 वाले राम कुमार के कॉरस्पॉन्डिंग, राम कुमार नहीं क्या नाम था, भूल गया दो अचला के नाम देख लेते हैं एक बार, रोहन अरोरा के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सी नेम और सिटी चेंज करनी थी, बट आईडी भी चेंज करनी है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आईडी भी देना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूँ तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब सेम सिंटैक्स है, सेम तरीके से वर्क करेगा। अब देखते हैं हम कि कस्टमर पे क्या चेंज आया है। अब आप ध्यान से देखो 500 के कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट हो गई, क्या हुआ कि 500 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रोहन अरोड़ा था, ठीक है, हमने क्या किया आईडी और कस्टमर का नाम और सिटी तो सेलेक्ट कर लिया, ये तीनों चीज सेलेक्ट कर ली, तो आईडी सी नेम और सिटी सेलेक्ट हो गई, बट 500 के कॉरस्पॉन्डिंग, बट बाकी सारी चीजें हमने सेट नहीं की, बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे नहीं दी हैं, राइट। तो हमने क्या किया, एक टाइप से जो जो हमने यहाँ पे वैल्यूज दी थी इसके अलावा जितनी वैल्यूज थी उनको नल सेट कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया। तो तीसरा सिंटैक्स ये कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं होता, मतलब जो नॉर्मली मैं यूज करता हूँ, मैं ये सिंटैक्स यूज करता हूँ और नॉर्मली ये वाला सिंटैक्स सबसे ज्यादा यूज में ये वाला सिंटैक्स करता हूँ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन टाइप के सिंटैक्स हमने पढ़ लिया रिप्लेस के अंदर, बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया रिप्लेस, पढ़ लिया हमने अपडेट भी पढ़ा था, तो अगर मैं रिप्लेस की बात करूं और अपडेट की बात करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, तो इन दोनों में क्या फर्क है, आप समझदार है, हमने बात की है।
तो अगर हम बात करें रिप्लेस वर्सेस अपडेट की, तो अगर रिप्लेस के केस में अगर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम डेटा को रिप्लेस कर देंगे जो हम न्यू डेटा दे रहे हैं उससे, ठीक है। और अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे। बट अपडेट में क्या होता है, अगर अपडेट में डेटा प्रेजेंट नहीं है, ध्यान से सुनो, अपडेट में अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो अपडेट कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है रिप्लेस और अपडेट के बीच में, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, इफ रॉ इज नॉट प्रेजेंट रिप्लेस विल एड अ न्यू रो व्हाइल अपडेट विल डू नथिंग, ठीक है। ये सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंटरव्यूअर का फेवरेट टॉपिक, जिसका नाम है जॉइंस। भाई जॉइंस क्या होते हैं, जॉइंस, अब जैसा कि हमें पता है कि जितने भी RDBMS होते हैं या फिर जितने भी रिलेशनल मॉडल की बात करें हम, तो जितने भी रिलेशनल मॉडल होते हैं वो रिलेशनल होते हैं नेचर में। रिलेशनल का मतलब क्या है, मैं एक टेबल से दूसरे टेबल को रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। याद करो, आपको याद आ गया होगा फॉरन की, ठीक है, फॉरन की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के काम आता है, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, रेफरेंसिंग, रेफरेंस टेबल, चाइल्ड पेरेंट टेबल, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, हमने फॉरन की मदद से रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए, ठीक है, फॉरन की मदद से रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए। अब जो रिलेशन हमने एस्टेब्लिश करे हैं, उन रिलेशन को यूज करके, इनको रिलेशन को यूज करके मैं कैसे डेटा फैच करूंगा, डेटा फैच कैसे करूंगा, ये डेटा फैच करने के लिए मैं यूज करता हूँ जॉइंस का। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा होता है, मेरे पास एक लेफ्ट टेबल होता है, ठीक है, इसमें मैं L1, L2 और की बोल देता हूँ, ठीक है, ये मेरा है लेफ्ट टेबल। ये की क्या है यहाँ पे, वही प्राइमरी की, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास होता है एक राइट टेबल, ठीक है, टर्मोलॉजी समझो, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल। यहाँ पे मेरे पास R1, R2 दो कॉलम है और यहाँ पर भी की है, और ये की क्या है, सबको पता है, ये फॉरेन की बना दी हमने, ठीक है, यानी ये की फॉरेन की है। तो ये वाला जो टेबल हुआ, जिस टेबल के अंदर फॉरेन की ऐड होती है उसको मैं रेफरेंसिंग टेबल या चाइल्ड टेबल भी बोलता हूँ, और ये वाला टेबल क्या हुआ, पेरेंट टेबल, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ये टेबल मेरा पेरेंट टेबल है और ये टेबल मेरा चाइल्ड टेबल है, ठीक है। तो ये दो टेबल्स है मेरे पास, लेफ्ट और राइट टेबल, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ प्राइमरी की है, इसकी प्राइमरी की यहाँ पे यूज हुई है एज ए फॉरेन की, ठीक है। अब मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, ज्वाइन का मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी मेरे पास 1, 2, 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी 1, 2, 3। तो अब ध्यान से देखो, ये दो टेबल मेमोरी में अलग तरीके से स्टोर्ड है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों टेबल्स अलग अलग हैं, बट ये किस तरीके से रिलेशन है इनके बीच में, वो रिलेशन क्या एस्टेब्लिश कर रहा है, ये कि भाई वन के कॉरस्पॉन्डिंग ये डेटा है यहाँ पे, राइट। अब वन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करूँ तो ये डेटा भी वन के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये पूरा डेटा वन के कॉरस्पॉन्डिंग है, वन की के कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली यहाँ पर जो पूरा डेटा होगा वो टू की के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ, राइट, बहुत ही बढ़िया। तो अब क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास आता है ज्वाइन में इनर ज्वाइन क्या होता है, नोट्स पे चल के देखते हैं इनर ज्वाइन के बारे में हमने क्या लिखा है, सेम चीज हमने बात की। इनर ज्वाइन कहता है, इट रिटर्न्स अ रिजल्टेंट टेबल दैट हैज मैचिंग वैल्यू फ्रॉम बोथ द टेबल और द टेबल्स। इसका मतलब आपके पास दो टेबल है, जैसे कि हमने बात की लेफ्ट टेबल राइट टेबल, उसके अंदर प्राइमरी की था लेफ्ट टेबल के अंदर, और राइट टेबल के अंदर वो प्राइमरी की यूज हुई थी एज ए फॉरेन की, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों टेबल को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉलम वाइज मैच, ठीक है, कॉलम वाइज मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रिजल्टेंट टेबल आएगा, रिजल्टेंट जो ज्वाइन ऑपरेशन आप करते हो SQL के अंदर, वो एक टेबल ही जनरेट करके देता है, न्यू टेबल जनरेट होता है, ठीक है, हैज मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम बोथ द टेबल्स और ऑल द टेबल्स, यानी कि दोनों टेबल से मैचिंग वैल्यूज आएंगी। समझ नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं।
सपोज करो यहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3 है, ऐसी एंट्री मेरे पास 4 होती, ठीक है, मेरे पास एंट्री 4 होती। अब सपोज करो 4 एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग राइट टेबल के अंदर जो कि चाइल्ड टेबल है, यहाँ कोई डेटा नहीं है, ठीक है, कोई डेटा नहीं है यहाँ। जब मैं इनर ज्वाइन करता हूँ तो दोनों के अंदर जो कॉमन डेटा है, ये कॉमन कीज जहाँ पे मैच कर रही है, मैचिंग डेटा का मतलब यही है, वही डेटा मुझे दिखाई देगा, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा मुझे नहीं दिखाई देगा। दोबारा समझते हैं, जब मैं इन दोनों टेबल्स को मैच करूंगा, लेफ्ट और राइट टेबल को ऐसे मैच करूंगा, तो मैच करके मैं ये देखूंगा कि भाई जो ये की है ये कौन कौन सी चीज मैच हो रही है, मैचिंग कौन कौन सी है। तो अब देखोगे 1, 2, 3 मैचेज है, तो ये मैचिंग है, तो सिर्फ मैं यही वाले टपल्स या फिर यही वाले जो रोज हैं वो रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं लेफ्ट और राइट की जो बात कर रहा हूँ, इसमें कैसे आउटपुट मिलेगी मुझे, मुझे आउटपुट मिलेगी की होगी 1, 2, 3, ठीक है, ये 1, 2, 3 उठा लिया हमने, लेफ्ट R1, R2, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिजल्टेंट टेबल मिलेगा मुझे। ध्यान से देखो हमने क्या किया, इनर जॉइन अप्लाई करके नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा लिए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा लिए, क्योंकि जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, इट रिटर्न्स अ रिजल्टेंट टेबल दैट हैज मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम बोथ द टेबल, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों टेबल से वैल्यूज मैच करी, वैल्यूज मैच करने के बाद इन दोनों जो आपकी कीज थी इनको मर्ज करा, मर्ज करने के बाद अब हमने जैसे कि बोला था कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, यानी कि ये दो टेबल एक हो गए, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है, ये दो टेबल एक हो गए, ठीक है। इसी को मैं इनर जॉइन बोलता हूँ कि हमें दोनों टेबल से मैचिंग वैल्यूज उठानी है, ठीक है। 4 को हमने छोड़ दिया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। तो एक क्राइटेरिया देख लेते हैं, अगर मुझे जॉइंट अप्लाई करने हैं, जॉइंट अप्लाई करने हैं तो मेरे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, फॉरेन की प्राइमरी की वाले जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, यानी रिलेशन मेरे पास होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं टू अप्लाई जॉइन देयर शुड बी ए कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन बोथ द टेबल्स, ठीक है, इस तरीके से काम होता है, बहुत ही बढ़िया। अब चल के इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स कैसे बोलते हैं, सिंटैक्स होता है मेरा सेलेक्ट कॉलम की लिस्ट देता हूँ मैं, ठीक है, कॉलम की लिस्ट दी फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट टेबल, ठीक है, इनर जॉइन टेबल 2 राइट टेबल ऑन सम कंडीशन, ठीक है, समझ आ रही है हमें बात। एक बार इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, आपको कस्टमर ऑर्डर आईडी वाला एग्जाम्पल याद है ना, कस्टमर ऑर्डर आईडी वाला, उसी पे एक क्वेरी लिखते हैं सिंटैक्स के तौर पर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सेलेक्ट, अब ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, सी डॉट स्टार, यानी कस्टमर की सारी डिटेल, सी अभी आपको कंफ्यूजन हो गया सी क्यों लिखा मैंने, कॉमा ओ डॉट स्टार फ्रॉम कस्टमर एज सी। अभी एज नई चीज लिख दी हमने, एज का मतलब है एलियाजिंग। हमने क्या किया, कस्टमर क्योंकि लिखने में बहुत बड़ा लग रहा था कस्टमर, तो मैंने क्या किया सिंपली एज सी करके उसको सी नाम दे दिया, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी कस्टमर को मैं सी से रेफर कर सकता हूँ, सी डॉट करके मैं रेफर कर सकता हूँ, सी डॉट नेम, सी डॉट आईडी, ठीक है, ऐसे रेफर कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ डॉट सी डॉट करके यूज क्यों हो रहा है, यहाँ पे सी डॉट ऐसे यूज क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी कुछ लिख सकता था सी डॉट आई डी कॉमा सी डॉट नेम, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ऑर्डर में लिखता मैं ओ डॉट प्रोडक्ट नेम, ऐसा कुछ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर दो टेबल आ गए, अभी तक एक ही टेबल्स के बारे में बात हो रही थी हमारी, अब यहाँ पे दो टेबल्स हैं, तो दो टेबल्स हैं तो दोनों को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको नाम दिया सी, सी डॉट। अब सी डॉट करके जैसे आप सी प्लस प्लस में करते हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई कस्टमर ऑब्जेक्ट है, कस्टमर डॉट आई डी, कस्टमर डॉट कुछ ऐसे, जैसे यहीं पे सी डॉट का मतलब कि कस्टमर टेबल को रेफर किया जा रहा है, कस्टमर टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग उसका नेम, ऑर्डर टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग उसका प्रोडक्ट नेम, ठीक है, ऐसा कुछ है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इनर जॉइन कि मुझे मैचिंग वैल्यूज चाहिए। इनर जॉइन किस पे इनर जॉइन लगाना है मुझे,
ऑर्डर्स, यहाँ पे भी मैंने एज लिख दिया ओ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट, मुझे कंडीशन चाहिए कि भाई बताना तो है गौरी को कि भाई किस पे करना है, जैसे यहाँ पे की थी, तो की पे मुझे कंडीशन लगानी है कि भाई लेफ्ट टेबल की शुड बी इक्वल टू राइट टेबल की। ऐसी मैं लिखूँ लेफ्ट टेबल, यहाँ पे मेरे क्या कस्टमर, तो सी डॉट आई डी इक्वल टू ओ डॉट कस्ट आई डी। याद करो हमने ऑर्डर के अंदर कस्टमर की आई डी एम्बेड की थी, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है, यानी ऑर्डर जो है वो चाइल्ड टेबल था ये। तो अब ये पर्टिकुलर सिंटैक्स है इसका, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट लिखता हूँ तो मुझे रोज बतानी होती है। अगर मैं इन दोनों टेबल को मैच कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैचिंग की जा रही है, राइट, दोनों टेबल को मैचिंग कर दूंगा, तो मुझे जो नया टेबल मिल रहा है उसके अंदर कॉलम्स बढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे भी कॉलम्स बढ़े हुए नजर आएंगे मुझे। फ्रॉम कस्टमर एज इनर्जन, ये लगा दिया मैंने, बहुत ही बढ़िया सिंपल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब ध्यान से देखो, इसमें ऐसा कुछ होता है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैचिंग वैल्यूज की, मैचिंग वैल्यूज की, तो अगर मैं इनको मैथमेटिकली वेन डायग्राम से समझूं कि भाई अगर ये लेफ्ट टेबल है तो ये राइट टेबल है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट टेबल है और ये मेरा राइट टेबल है, क्योंकि इस एग्जांपल में देखिए तो हम कस्टमर लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल हमेशा सबसे लेफ्ट में आएगा, ठीक है, तो कस्टमर पहले बोल रहे हैं तो कस्टमर इज लेफ्ट टेबल, और उसके बाद हम ऑर्डर्स बोल रहे हैं तो ऑर्डर इज राइट टेबल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये हमें समझ आ गया। ये बहुत बहुत ध्यान, बहुत आप अगर लिखोगे तो ये चीज ध्यान से रखो कि इनर जॉइन के अंदर ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो लेफ्ट राइट का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि हम इसके अंदर मैचिंग वैल्यूज निकालते हैं, मैचिंग वैल्यूज निकालते हैं, तो मैं बोलूंगा कि दोनों टेबल्स के अंदर जब की वैल्यू मैच होगी तो मैं वही आंसर करूंगा। तो यानी कि इसके अंदर ये वाला एरिया जो ये वाली वैल्यूज, यही मेरा आंसर में आएगा। तो ये आपका इनर जॉइन का वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, नोट्स में आपको बना हुआ दिखेगा, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया, बहुत ही बढ़िया, एलियास हमने समझ लिया, बहुत सही। अब जैसे इनर जॉइन होता है, इनर जॉइन का मतलब हो गया दो टेबल के बीच की बात होती है, यहाँ पे दो टेबल के अंदर बीच की, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जॉइन इनर जॉइन ही है, ठीक है, तो इनर जॉइन आपको बढ़िया से सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आउटर जॉइंट्स, आउटर जॉइंट्स समझ आ रहा होगा, ठीक है, मतलब हम दोनों की मैचिंग वैल्यू से थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले अब मेरा बात आती है लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन वेन डायग्राम से देखें हम तो अगर लेफ्ट टेबल ये है राइट टेबल ये है तो मैं पूरा लेफ्ट जॉइन कर दूंगा, यानी कि लेफ्ट की सारी वैल्यूज ले आऊंगा, ठीक है, समझते हैं इसको, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस रिजल्ट द्वारा से, दिस रिटर्न्स अ रिजल्टिंग टेबल दैट हैज ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, यानी लेफ्ट टेबल का तो मुझे सारा डेटा चाहिए, एंड मैचिंग वैल्यूज या मैचिंग डेटा फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है, समझते हैं। मेरे पास ये लेफ्ट टेबल था और ये राइट टेबल था, तो लेफ्ट टेबल की तो मेरे को सारी वैल्यूज चाहिए, अगर मान लो इसके अंदर वैल्यूज होती 5, 6, 7, ठीक है, तो इसके अंदर ये तो मुझे सारी वैल्यूज चाहिए, ठीक है, बट साथ ही साथ मैचिंग वैल्यूज भी चाहिए लेफ्ट और राइट टेबल की, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप दिमाग में सोचोगे कि ये तो मैच ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे डेटा आएगा, तो लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे राइट टेबल में नल वैल्यूज मिलेंगी, मुझे नल डेटा मिलेगा, ठीक है, इसको समझते हैं एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं हम। लेफ्ट जॉइन, ठीक है, ये आपका लेफ्ट टेबल है, ये आपका राइट टेबल है, आर्टिकल लिख देता हूँ इसको सिंपली, L1, L2 की थी मेरे पास, यहाँ पे भी की थी, R1, R2, ठीक है, डेटा डाल देते हैं थोड़ा सा, 1, 2, 3, यहाँ भी 1, 2, 3, ये मैचिंग डेटा है, 4, 5, 6 ऐसे पड़ा हुआ, ये मैचिंग नहीं है, ठीक है। अब जब इसका रिजल्टेंट टेबल बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट टेबल बनेगा तो कैसा दिखेगा, ध्यान दो, जॉइन के अंदर हम कॉलम वाइज चलते हैं, यानी कॉलम बढ़ा देते हैं, नया टेबल के अंदर कॉलम्स बढ़ चुका होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना क्योंकि आगे जब हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो इसको ध्यान देना। तो की ली मैंने, ठीक है, की के अंदर मेरे पास 1, 2, 3, L1, L2, R1, R2, ठीक है। अब 1, 2, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास मैचिंग डेटा होगा, यानी यहाँ भी पूरा डेटा होगा,
यहाँ भी पूरा डेटा होगा और यहाँ भी पूरा डेटा होगा, ठीक है, समझ आ रहा है हमको। बट 4, 5, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास लेफ्ट टेबल के तो डेटा होगा, यहाँ तो डेटा होगा मेरे पास, ठीक है, यहाँ तो डेटा होगा बट यहाँ पे नल होगा, ठीक है, जैसे डेफिनेशन में बोला था वही चीज आई थिंक ओनर हो रही है ना। यहाँ पे लिखा था दिस रिटर्न्स अ रिजल्टिंग टेबल दैट हैज ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा है मेरे पास, ठीक है, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा है मेरे पास एंड द मैच डेटा फ्रॉम द राइट टेबल। अब राइट टेबल से जो कि मैचिंग डेटा था, ये मैचिंग डेटा था, मैचिंग डेटा भी डाल दिया है और जो मैचिंग नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसका अभी एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे होगा। मैं लिखूंगा सेलेक्ट सी डॉट स्टार कॉमा ओ डॉट स्टार फ्रॉम कस्टमर एस सी लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन किस पे, अब मुझे राइट टेबल लिखना है, राइट टेबल मेरा ऑर्डर्स, ऑर्डर्स एस ओ, ठीक है, अब मैं कंडीशन दूंगा on c dot id equal to o dot cust id, ठीक है। तो ये कुछ इसका सिंटेक्स होता है सिंपल, बट आप कुछ नहीं कहना, सबको सेम है, लेफ्ट जॉइन लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड मेरा होता है राइट जॉइन। राइट जॉइन जो है जस्ट अपोजिट है लेफ्ट जॉइन का, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं इन नोइंग Only the right side info, ठीक है, right side info जानने के लिए हम interested होते हैं, यानी कि Venn diagram की सुने तो ऐसा कोई Venn diagram अगर बनता है तो मुझे सारा इस data यहाँ पे map करना होता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि left table की definition से left table में क्या कर रहे थे हम कि भाई left का तो सारा data और राइट के साथ मैचिंग वाला डेटा, अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट का तो सारा डेटा और मैचिंग भी डेटा, तो इसको भी हम बनाएं अगर, तो अगर लेफ्ट टेबल मेरे पास है और राइट टेबल भी है मेरे पास, लेफ्ट टेबल है कुछ, अब इस केस में मेरा रिजल्टेंट कैसा आएगा, रिजल्टेंट जो भी टेबल होगा उसके अंदर की होगी, ठीक है, L1 है मेरे पास, L2 है, R1 है, R2 है, तो एज डेफिनेशन हम जाएंगे तो राइट टेबल का सारा डेटा, ठीक है, राइट टेबल का सारा डेटा 1, 2, 3, 4, 5, तो राइट टेबल का तो मेरे पास सारा डेटा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा है, ठीक है, और मेरे पास दोनों का मैचिंग डेटा होगा, दोनों का मैचिंग डेटा ये है, तो मैचिंग डेटा हमने डाल दिया है, बट जो नॉन मैचिंग डेटा है जैसे 4, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट टेबल में कोई एंट्री नहीं है, वो यहाँ पे नल से रिप्लेस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, आपको डिफरेंस थोड़ा समझ आ रहा होगा, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन एक दूसरे के अपोजिट है, इसके अंदर लेफ्ट जॉइन में मुझे राइट साइड में डेटा जो है वो नल मिल रहा है और राइट जॉइन में मुझे लेफ्ट साइड में डेटा नल मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम डिस्कस करते हैं फुल जॉइन के बारे में, फुल जॉइन क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन पे चलते हैं। हमने इनर जॉइन देखा जो मुझे कॉमन वैल्यूज चाहिए, ठीक है, जो कॉमन मैचिंग वैल्यूज है, और मैंने लेफ्ट जॉइन देखा, लेफ्ट जॉइन में क्या होता था कि मुझे लेफ्ट का सारा डेटा तो चाहिए चाहिए, साथ ही में मैचिंग डेटा भी चाहिए, ठीक है, बट लेफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग राइट में कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए राइट में नल मिलते हैं मुझे। सिमिलरली राइट जॉइन में राइट पे सारा फोकस होता है, तो यानी कि राइट के कॉरस्पॉन्डिंग सारा डेटा चाहिए मुझे, तो मुझे मैचिंग डेटा तो चाहिए चाहिए, साथ ही में राइट का सारा डेटा चाहिए, तो राइट के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट में डेटा नहीं होगा तो लेफ्ट में मुझे नल मिलते थे, ठीक है। सिमिलरली फुल जॉइन में क्या होता है, फुल जॉइन इज नथिंग बट लेफ्ट और राइट जॉइन का यूनियन, यानी कि लेफ्ट और राइट जॉइन को मैंने मिला दिया, दोनों को प्लस कर दिया एक टाइप से, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लेफ्ट जॉइन करता हूँ पहले, ठीक है, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन भी करता हूँ मैं, ठीक है,
और दोनों का यूनियन कर देता हूँ तो मुझे सारे वैल्यूज मिल जाती है, यानी कि जो लेफ्ट टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग सारा डेटा मिलेगा मुझे, ठीक है, सारा डेटा मिलेगा मुझे, अगर वो राइट में नहीं है तो भी मिलेगा, ठीक है, राइट में अगर डेटा नहीं है तो भी मिलेगा, और राइट टेबल का भी मुझे सारा डेटा मिलेगा, अगर वो इवन वो लेफ्ट में नहीं है तो भी मिलेगा मुझे, ठीक है। एक बार इसको एग्जाम्पल समझते हैं सीधा, ये मेरा लेफ्ट टेबल है, ये मेरा राइट टेबल है, ठीक है, मेरे पास क्या होता था L1, L2, की, यहाँ पे की, R1, R2, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 कॉरस्पॉन्डिंग है वैल्यू है, ठीक है, ये मैचिंग वैल्यूज है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे 4, 5, 6, ठीक है, बट यहाँ पर हो सकता है 4, 5, 6 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ना, यहाँ पे 7, 8, 9 हो, ठीक है, यहाँ पर 7, 8, 9 हो, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास कुछ इस तरीके टेबल है, लेफ्ट के अंदर मैचिंग वैल्यूज भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज भी हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा नहीं है, और यहाँ पे वैल्यूज हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर डेटा नहीं है, ठीक है। तो अगर इस केस में मैं इनर ज्वाइन करूंगा तो इनर ज्वाइन मुझे सिर्फ ये वाला डेटा मिलेगा, यानी ये वाली रोज पूरी मिल जाएंगी। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो लेफ्ट ज्वाइन में मुझे ये सारा डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में ये भी डेटा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट पे फोकस कर रहा हूँ। तो फोर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ डेटा नहीं है तो मुझे राइट साइड में नल मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँ राइट ज्वाइन करता हूँ तो राइट का सारा डेटा तो मिलेगा मुझे, सारा डेटा तो मिलेगा यानी मैचिंग डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में 7, 8, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट में नल एंट्रीज मिल जाएंगे मुझे। बट अगर मैं फुल ज्वाइन की बात करूँ तो लेफ्ट ज्वाइन निकालूंगा, राइट ज्वाइन निकालूंगा और उनको क्या करूंगा, मैं यूनियन कर दूंगा। MySQL के अंदर फुल ज्वाइन करके कोई कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड अवेलेबल ही नहीं है, नो नॉट अवेलेबल। तो हम क्या करते हैं, इसको एमुलेट करते हैं। एमुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वही जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा, उसका यूनियन कर दूंगा राइट ज्वाइन के साथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी इसी टेबल पे लेफ्ट और राइट ज्वाइन के सिंटैक्स लिखूं तो सिंटैक्स उस तरीके से होगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेफ्ट टेबल एज एल लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन राइट टेबल एज आर ऑन एल डॉट की इक्वल टू आर डॉट की, ठीक है, ये मेरा हो गया लेफ्ट ज्वाइन। अब मैं कीवर्ड लिखूंगा यूनियन, ठीक है, अब मैं राइट ज्वाइन का सिंटैक्स लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेफ्ट टेबल एज एल राइट ज्वाइन राइट टेबल एज आर ऑन एल डॉट ई इक्वल टू आर डॉट ई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सिंटैक्स होता है। आपको फाइनल टेबल कैसे दिखेगा, फाइनल टेबल को जैसे दिखेगा मुझे 1, 2, 3 के कॉर्डिंग सारी वैल्यूज दिखेंगी, ठीक है, 4, 5 भी दिखेगा और इधर मुझे नल वैल्यूज दिखेंगी, ठीक है, 7, 8, 9 दिखेगा और इधर मुझे नल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फुल ज्वाइन आपका वर्क करता है, बहुत ही बढ़िया। फिफ्थ आपका होता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइनिंग नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई टेबल वन है यानी कि लेफ्ट टेबल है, टेबल लेफ्ट और टेबल राइट है, राइट टेबल है, और इसमें सपोज करो 5 रोज हैं, इसमें 10 रोज हैं, तो जो रिजल्टेंट टेबल होगा उसके अंदर क्या होता है ना कि सारे जितने भी मैं पॉसिबल मैचेस हैं वो कर देता है क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। तो क्रॉस ज्वाइन में बोलूं तो सिंपल, जैसे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन है, हम किसी कंडीशन में करते थे, राइट, किसी कंडीशन पे, एज इन कि हम कर रहे थे कि कस्टमर डॉट आई डी इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्ट आई डी, यानी कि हम कीज को मैच करने की कोशिश करते हैं, कीज भी इसको कुछ मैच नहीं करते, सिंपली लेफ्ट टेबल उठाया, राइट टेबल उठाया, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं उठा के बना दी, ठीक है। तो इसके इसका मतलब इस केस में कितनी रिडंडेंट वैल्यू बन जाएंगी, 5 into 10
यानी 50 रोज बन जाएंगे, 50 रोज बन जाएगी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। मान लो मेरे पास L1 L2 है, 1 A 1 B सॉरी 2 B, ऐसे में राइट टेबल है R1 R2, ठीक है 3 4 C D। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट टेबल कैसे दिखेगा वे देखते हैं। वो मेरा होगा L1 L2 R1 R2। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू दिखेगी। तो देखो 1 A कोरस्पोंडिंग 3 C को डाल दिया, 1 A कोरस्पोंडिंग 4 D को डाल दिया। ठीक है, इसको ऐसा कुछ कर दिया हमने, यानी कि पहले हमने 1 A कोरस्पोंडिंग ये दोनों रोज मैच करी, फिर इन दोनों रोज को मैच कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 रोज थे, यहाँ पे 2 रोज थे, 2 × 2 = 4, तो 4 रोज आउटपुट में आ गई मेरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, कुछ खासे काम नहीं आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टाइप का ज्वाइन है मेरे पास, सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारे पास हमने एक बार यूनरी रिलेशन के बारे में बात की थी। यूनरी रिलेशन कैसा था कि भाई एम्प्लॉय मैनेजर एम्प्लॉय ऐसा करता था ना, मैनेजर एम्प्लॉय, मैनेजर्स एम्प्लॉय। तो इस केस में क्या था कि भाई एम्प्लॉय टेबल के ऊपर ही एम्प्लॉय टेबल बेसिकली इस टाइप के ऐसा रिलेशन बैठा हुआ। ठीक है, तो कई बार हमें इसी केस में अगर मुझे एम्प्लॉय पे ही एम्प्लॉय लगा के मुझे अगर निकालनी है चीजें, मुझे निकालना है कौन किसका मैनेजर है, तो इस केस के लिए मैं सेल्फ ज्वाइन का यूज करता हूँ। ठीक है, अब सेल्फ ज्वाइन के लिए भी कोई ऑपरेटर नहीं है, ये भी एमुलेट किया जाता है। ठीक है, एमुलेट कैसे करते हैं हम, इनर ज्वाइन का यूज करके और एलियास का यूज करके, एज कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। सेलेक्ट, मैंने लिखा e1.id कॉमा e2.id कॉमा e2.name फ्रॉम, अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय टेबल को ही एज e1 सेट किया मैंने पहले, इनर ज्वाइन लगाया, इनर ज्वाइन लगा के मैंने एम्प्लॉय एज e2 सेट किया। ठीक है, अब वर्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है, मैं सॉफ्टवेयर को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, सेम टेबल है बट उसके दो रेफरेंस बना दिए, दो एलियास बना दिए, अब ये दो अलग अलग टेबल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, e1 जो है लेफ्ट टेबल है, e2 जो है राइट टेबल है। ठीक है, अब मैं आगे क्या लिखूंगा, ऑन e1.id e2.id। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ सेल्फ ज्वाइन भी यूज कर सकता हूँ, तो ये भी एमुलेटेड है, तो कोई सेपरेट इसका कीवर्ड नहीं है। बहुत ही बढ़िया, तो इस तरीके से हमने ज्वाइंस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब इसको एक बार वर्क बेंच पे चला कर देखते हैं, इनको यूज केस देखते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे अब वर्क बेंच सेशन। उससे पहले एक बार अभी हमने कुछ स्कीमा बनाया, स्कीमा को समझते हैं। ठीक है, तो अब ज्वाइन समझने के लिए हम कुछ क्वेरीज लिखेंगे। ठीक है, क्वेरीज के एग्जांपल से वर्कबेंच में समझेंगे, बट उससे पहले एक बार हम डेटाबेस देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा डेटाबेस है जिसमें प्रोजेक्ट है मेरे पास, एम्प्लॉय है, क्लाइंट है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज 1, 2, 3 की एम्प्लॉयड आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सिटी। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयज कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आप ध्यान से देखो, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आईडी है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये यहाँ पर फॉरेन की कितना एक्ट कर रहा है, ये बताने के लिए कि भाई जो वन एम्प्लॉय है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट आईडी 1 जिसका नाम AX पे काम कर रहा है। वन एम्प्लॉय यहाँ कौन है, अमन, यानी अमन यहाँ पर इस पे काम कर रहा है, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्लाइंट है, क्लाइंट मेरे पास क्या है, क्लाइंट आईडी 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है, जैसे यहाँ पे वन एम्प्लॉय है अमन, अमन जो है इस क्लाइंट के साथ काम कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अमन जो है वो क्लाइंट इसके साथ काम कर रहा है,
पीटर के साथ, इसकी आईडी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भी लिखा है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 1 है, तो ये अमन यहाँ पे ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखा जाए तो आप ध्यान से समझोगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फॉरन की है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी फॉरन की है, प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट भी फॉरन की है, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो अब एक बार वर्क बेंच पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। वर्क बेंच पे आ जाते हैं। तो वर्क बेंच में सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि इनर जॉइन यूज करना है मुझे। इनर जॉइन के एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है एनलिस्ट ऑल द एम्प्लॉयज आईडीज नेम अलोंग विद देयर प्रोजेक्ट एलोकेटेड टू देम, ठीक है। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, उसका नेम चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंगली वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो चाहिए, ठीक है। एक बार आईपैड पे आते हैं। तो अब ध्यान से देखो, मुझे दो टेबल्स को यूज करना होगा, मुझे एम्प्लॉय को यूज करना है, ठीक है, और प्रोजेक्ट को यूज करना है। तो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट को यूज करके मैं अपना काम कर सकता हूँ। अब एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में दोनों में देखो कि क्या कॉमन है, मैं किस तरीके से ज्वाइन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आईडी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में फॉरन की एम्प्लॉय आईडी है। तो मैं अगर इन पे इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेरी लिखते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट ई डॉट आई डी कॉमा ई डॉट एफ नेम कॉमा ई डॉट एल नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों डाल देते हैं, कॉमा पी डॉट आई डी प्रोजेक्ट की आई डी देख लेते हैं, साथ में प्रोजेक्ट का नेम भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम भी देख लिया हमने। फ्रॉम लेफ्ट टेबल, यहाँ पे लेफ्ट टेबल कौन सा, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय एज ई, इसको ई एलियास कर दिया हमने। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन राइट टेबल लिखेंगे हम, राइट टेबल कौन सा है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एज पी, ठीक है, प्रोजेक्ट एज पी। अब हम बताएंगे कि हमें हमारी कंडीशन क्या है, ऑन ई डॉट आई डी इक्वल टू पी डॉट ई एम पी आई डी एम्प्लॉय आई डी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो आपको देखो क्या मिला। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो लेफ्ट और राइट टेबल है दोनों कॉलम वाइज ऐसे अटैच हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ चुके हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए हैं, हमने सेलेक्ट कुछ इस तरीके से किए हैं कॉलम्स, ठीक है। तो मुझे मिल गया है कि भाई जो मेरा एम्प्लॉय आई डी 1 है जिसका नाम अमन है, वो ए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी 2 जो कि यज्ञ है, वो बी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी 3 राहुल, अब राहुल को देखो, राहुल दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, सी और डी, ठीक है, राहुल दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ आंसर मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, ये तो बहुत मुझे साफ सुथरा नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं यहाँ इसकी जगह अगर मैं स्टार लिख दूंगा तो आप देखो कितना बड़ा टेबल आएगा। ये मैं किस लिए दिखा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए ज्वाइन कैसे काम करता है। ज्वाइन सारे कॉलम्स को मैच कर देता है। देखो नया टेबल इसने मुझे निकाल के दे दिया, वो इस तरीके से टेबल है कि मेरे पास एम्प्लॉयज की भी सारी डिटेल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट की भी सारी डिटेल है, इवन क्लाइंट आईडी भी है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर वापस आईपैड पे आओ एक बार, तो मेरे पास ये कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कितने कॉलम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पे 7 + 5 12 कॉलम्स आ गए मेरे पास। तो इस तरीके से कुछ काम करता है आपका ज्वाइन, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हमने ऐसी क्वेरी लिखी, ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैच आउट ऑल द एम्प्लॉय आई डीज एंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मुझे एम्प्लॉय आई डीज चाहिए और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, हु हैव बीन वर्किंग फ्रॉम जयपुर, यानी कि एम्प्लॉय कहाँ से वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय जयपुर से वर्क कर रहा है, विद देयर क्लाइंट नेम्स, उनके क्लाइंट का नाम भी चाहिए जो कि वर्क कर रहा हो हैदराबाद से। दोबारा से समझते हैं, मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए यानी एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए, वो एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो कि जयपुर से काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं, उन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जो हैदराबाद से काम कर रहे हैं, यानी कि क्लाइंट कहाँ से काम कर रहे हैं, हैदराबाद से, और एम्प्लॉय कहाँ से काम कर रहा है, जयपुर से, ठीक है। तो ऐसी कुछ क्वेरी है, लिखने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट ई डॉट आई डी ई डॉट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल आईडी भी आता है, तो ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, ई डॉट फोन नंबर भी डाल देते हैं, ठीक है।
मुझे क्लाइंट का नेम भी चाहिए, तो क्लाइंट सी डॉट फर्स्ट नेम कॉमा सी डॉट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एस, लेफ्ट टेबल की बात हो रही है, ई इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन किसके लगाना है, क्लाइंट पे, क्लाइंट एस सी, कंडीशन देनी है ऑन ई डॉट आई डी इक्वल टू सी डॉट ई एम पी आई डी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा इससे, अब ध्यान से देखो, इससे मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बट मुझे क्या चाहिए, वेयर, अब मैं वेयर क्लॉज का यहाँ पे यूज कर लूंगा, वेयर ई डॉट सिटी इक्वल टू जयपुर एंड सी डॉट सिटी इक्वल टू हैदराबाद, अब देखते हैं आउटपुट आती है, ओके। तो एम्प्लॉय आईडी है 5, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी आ गई पीके, और वो सुशांत अग्रवाल नाम के क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो आईपैड पे आते हैं, टेबल पे देखते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी थी पीके, यानी कि पांडे जी, पीके पांडे, वो क्या कर रहा है, वो जयपुर से वर्क कर रहा है, राइट, और वो किसके साथ काम कर रहा है, आईडी अगर 5 देखें, तो 5 अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो क्लाइंट आईडी 4 के साथ काम कर रहा है, क्लाइंट आईडी 4 को देखें, तो क्लाइंट आईडी 4 सुशांत है, जो कि काम कर रहा है हैदराबाद से, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ तिड़म मिला के हमने देखो कितनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाली है यूजिंग ज्वाइंस। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट ज्वाइन का प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। लेफ्ट ज्वाइन क्या है, हम बोल रहे हैं कि फैच आउट ईच प्रोजेक्ट एलोकेटेड टू ईच एम्प्लॉय, ठीक है, मुझे सारे प्रोजेक्ट बता दो जो कि सारे एम्प्लॉयज को एलोकेटेड है, ठीक है, तो मुझे सारे प्रोजेक्ट फोकस करना है, मुझे सारे प्रोजेक्ट लिस्ट करने हैं, ठीक है, वो किसी भी एम्प्लॉय को एलोकेटेड हो सकता है, एम्प्लॉय को एलोकेटेड ना भी हो, तो मुझे फोकस करना है लेफ्ट यानी कि प्रोजेक्ट टेबल पे, तो सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा ई डॉट लास्ट नेम, या फिर ये छोड़ो, सेलेक्ट स्टार कर देते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन करना है हमें, प्रोजेक्ट एज पी ऑन ई डॉट आई डी इक्वल टू पी डॉट ई एम पी आई डी। अब ये देखो, फैच आउट ईच प्रोजेक्ट एलोकेटेड टू दिस, एलोकेटेड टू ईच एम्प्लॉय, तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर जतिन जो एम्प्लॉय आई डी 4 है, जतिन हरमिट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम आईपैड पे आए तो अगर जतिन की बात करें, जतिन की एम्प्लॉय आई डी 4 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं है, यानी कि जतिन हरमिट को कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास, लेफ्ट ज्वाइन हमने किया था, तो आप देख रहे हो राइट साइड मुझे नल मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट ज्वाइन की बात करते हैं। राइट ज्वाइन के एग्जांपल में लिस्ट आउट ऑल द प्रोजेक्ट्स अलोंग विद एम्प्लॉय नेम, सारे प्रोजेक्ट लिस्ट करने हैं उनके एम्प्लॉय नेम के साथ एंड देयर रिस्पेक्टिव एलोकेटेड ईमेल आईडी, ठीक है। चलिए क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट और लिस्ट आउट ऑल द प्रोजेक्ट अलोंग विद एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए मुझे, एम्प्लॉय नेम की भी डिटेल चाहिए, ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा ई डॉट लास्ट नेम ई डॉट ईमेल भी चाहिए मुझे, ईमेल आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई राइट ज्वाइन प्रोजेक्ट एज पी ऑन ई डॉट आई डी इक्वल टू पी डॉट ई एम पी आई डी, ठीक है। तो ये मुझे लिस्ट मिल गई है, ये लिस्ट क्या है, सारे प्रोजेक्ट की डिटेल मेरे पास है, सारे प्रोजेक्ट की डिटेल मेरे पास है, ए बी सी डी ई, ठीक है, मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स थे, 5 प्रोजेक्ट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा एम्प्लॉय कर रहा है, यहाँ पे साफ सीधी बात है, आपका जो ये बी सी और डी प्रोजेक्ट जो है ये राहुल बी डी नाम का बंदा कर रहा है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो राइट ज्वाइन से इस तरीके से हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली।
और आप ध्यान से देखो ना, लेफ्ट जो है राइट जो है ना इंटरचेंजेबली यूज रहते हैं, क्योंकि आप लेफ्ट टेबल जब लेफ्ट जॉइन यूज कर रहे हो तो जो आप लेफ्ट टेबल मान रहे हो उसको राइट टेबल अगर कर दोगे, अगर राइट में लिख दोगे तो वो राइट जॉइन की तरह यूज होगा, तो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्रॉस जॉइन की। ठीक है, क्रॉस जॉइन का इंडस्ट्री यूज कुछ नहीं था, ठीक है, बट जबरदस्ती हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिस्ट आउट ऑल द कॉम्बिनेशन पॉसिबल फॉर द एम्प्लॉय नेम्स एंड प्रोजेक्ट दैट कैन एग्जिस्ट। सारे कॉम्बिनेशन हमें प्रिंट करने हैं, तो हम प्रिंट करेंगे सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा ई डॉट लास्ट नेम, लास्ट नेम पी डॉट आई डी कॉमा पी डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एस ई क्रॉस जॉइन प्रोजेक्ट एस पी। अब देखो यहाँ पे सारे आपके कॉम्बिनेशन जो है सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इंडस्ट्रियल यूज कुछ खास नहीं है, बट मान लो मुझे ऐसा करना हो कि हर बंदे के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे प्रोजेक्ट की एक लिस्ट से चाहिए मुझे, सारे पॉसिबल जो भी मेरे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ मैं यूज कर सकता हूँ, बट आई थिंक ये कुछ ज्यादा खास यूज होता नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैन वी यूज जॉइन विदाउट यूजिंग जॉइन कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे इनर जॉइन की बात हो रही है, क्या हम इनर जॉइन को यूज अप्लाई कर सकते हैं कि हम जॉइन विदाउट जॉइन इनर जॉइन का कीवर्ड यूज करे हुए एसक्यूएल में। ठीक है, तो इसका आंसर है यस वी कैन डू इट। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स को इस तरीके से होता है सेलेक्ट स्टार, हमें जो भी करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मैं क्या करता हूँ लेफ्ट टेबल लिखता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट टेबल कॉमा राइट टेबल वेयर कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ मैं, वेयर लेफ्ट table dot id equal to right table dot id। ठीक है, ये आपकी मैचिंग कंडीशन है, और आपने क्या किया इनर जॉइन यहां से हटा के कॉमा डाल दिया। ठीक है, और वेयर क्लॉज का यूज कर लिया। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देखते हैं, वापस से वर्क बेंच में आते हैं। अब ध्यान से देखो, हमने यूज किया था एनलिस्ट ऑल द एम्प्लॉय आई डीज अलॉन्ग विद देयर प्रोजेक्ट एलोकेटेड टू देम, यहाँ पे हमने ये यूज किया था, और ऐसी कुछ आउटपुट आ रही थी जिसमें राहुल बीडी को दो प्रोजेक्ट्स एलोकेटेड थे, राइट। बहुत ही बढ़िया, तो इसी को यूज कर सकते हैं हम, जो हमने सिंटेक्स डिस्कस किया। मैं क्या करूंगा, सिंपली इनर जॉइन को यहां से हटाऊंगा, यहां डालूंगा कॉमा, ठीक है, और ऑन कंडीशन की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे वेयर। तो इनर जॉइन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो सेम आउटपुट आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर है यस कि हम विदाउट इनर जॉइन कीवर्ड का यूज करे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, इनर जॉइन की जगह मैं कॉमा डाल देता हूं और फॉर्म की जगह मैं वेयर यूज कर लेता हूं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से रीडेबल भी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब तक हमने सारे जॉइंस के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमें पता लग गया कि अगर दो टेबल्स हैं, टेबल वन टेबल टू, उनके बीच में एक रिलेशन है थ्रू सम की, राइट, थ्रू सम की एक रिलेशन है, तो किस तरीके से उन टेबल को यूज करके मैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, यही पूरा कंसेप्ट था मेरा रिलेशनल मॉडल का, कि हम दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और रिलेशन एस्टेब्लिश करने के बाद हम उसमें से डेटा फैच कर सकते हैं, यूजफुल डेटा फैच कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, हमें यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब सेकेंड थिंग होती है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेट क्या होता है। सेट मैथमेटिक्स में एक ऐसी लिस्ट होती है, ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। ठीक है, जो कि यूनिक होते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे लूं कि 1 2 3 4 5 6, ये यूनिक वैल्यूज हैं, तो ये एक सेट हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से 7 लिख देता हूँ, तो ये एक सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर यूनिक वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मुझे इसको रिमूव करना होगा, तो इस 7 को मैं रिमूव कर दूंगा, तो फिर से सेट बन जाएगा। तो सेट का मतलब ऐसा कुछ होता है। ठीक है, दिस इज सेट। अब सेम सेट ऑपरेशन जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कभी, पहला होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन, तीसरा होता है आपका माइनस। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या है,
कि दो सेट्स, सेट ए और सेट बी, इन दोनों की वैल्यूज या जितने भी आइटम्स हैं उन दोनों सेट में, उनको उठाकर मिला दो। और मिलाने के बाद अगर कोई डुप्लीकेट है तो उसको एक ही बार लिखो, यानी डुप्लीकेट एक ही बार लिखा जाएगा, वो आपका यूनियन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनियन किस तरीके से अप्लाई होता है हमारे टेबल्स में। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं यूनियन की, तो टी वन यूनियन टी टू, जो दो टेबल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या आउटपुट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तो जो आपके जॉइंस होते हैं, जॉइंस क्या होते हैं, आप दो टेबल्स को की के बेस पे, ठीक है, कॉलम वाइज ज्वाइन कर देते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल ज्वाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं। बट सेट ऑपरेशन पे क्या होता है, दो टेबल्स हैं मेरे पास जो उनके कॉलम्स हैं सेम टाइप के कॉलम होने चाहिए, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तभी मैं यूनियन कर सकता हूँ या सेट ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। और सेट ऑपरेशन अप्लाई होते हैं रोज में, सेट ऑपरेशन रोज में अप्लाई होते हैं, ज्वाइन कैसे अप्लाई होते हैं, कॉलम वाइज। ठीक है, ये सबको समझ आ जाएगा जब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मेरा ये है कि अगर मैं इस पे यूनियन लगाता हूँ तो यूनियन में कैसे टेबल आएगा, अगर टी वन यूनियन टी टू टेबल में बनाऊंगा तो ये टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कॉलम वन कॉलम टू, ठीक है, ए वन बी वन सी टू, ए वन, ये ए वन दोबारा नहीं आएगा, हमने कहा यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, बी टू बी थ्री, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमने सारी रोज उठाई, रो वाइज सारी रोज उठाई टेबल वन की और सारी रोज उठाई टेबल टू की, और इनको यूनियन कर दिया, और जो भी डुप्लीकेट थे, जैसे यहाँ पर ये डुप्लीकेट थे, इनको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स मैं देखता हूँ, अगर यूनियन का सिंटैक्स क्या होता है, मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टू सेमीकॉलन। ठीक है, तो यूनियन कीवर्ड का यूज करके मैं इस तरीके से आउटपुट निकाल लेता हूँ। अब ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स लिखी हैं दो अलग अलग टेबल पे, ठीक है, जो कि मुझे पता है सेम दिखते हैं, ठीक है, और उनको यूनियन से जोड़ दिया है। तो मैं ऐसा भी बोलता हूँ कि जो यूनियन होता है या फिर सेट ऑपरेशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करना। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं यूनियन का, तो कुछ ऐसा बनता है कि भाई यहाँ पे टी वन का आइटम था, टी वन टी टू की रोज थी, ये टी वन की रोज है, टी टू की रोज है, ठीक है, इसका फिर फाइनल डायग्राम क्या बनेगा यूनियन में, मैं ये सारा सारा डेटा ले लूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम होता है, बहुत ही बढ़िया। अब आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार फिर जॉइन और आपका सेट ऑपरेशन है, ये दोनों तो मुझे सेम नजर आ रहे हैं, है ना, जॉइन और सेट ऑपरेशन तो सेम नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं जॉइन वर्सेस यूनियन करूं, ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो ध्यान देखो हमने ये देखा कि अगर मैं टी वन और टी टू को यूनियन करता हूँ तो मेरे पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव रोज आ जाती हैं, कॉलम उतने ही रहते हैं। बट अगर ऐसा ही कुछ डायग्राम मुझे फुल ज्वाइन का नजर आ रहा था, राइट, फुल ज्वाइन का ऐसे ही वेन डायग्राम था कुछ, राइट, अगर मैं इस पर फुल ज्वाइन अप्लाई करूँ, यही आपके पास अगर टी वन टी टू है और इसमें फुल ज्वाइन अप्लाई करूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू जाएंगी। फुल ज्वाइन के केस में अगर मैं इनको ज्वाइन इस पर अप्लाई करता हूँ इन पे, तो मुझे सबसे पहले फुल ज्वाइन में क्या करना होता है, लेफ्ट ज्वाइन करना होता है, ठीक है, और राइट ज्वाइन करना होता है, और दोनों को यूनियन कर देना होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ करना होता है। तो अगर मैं इस पर फुल ज्वाइन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, हमने देख लिया यूनियन पे क्या आउटपुट आती है, यूनियन में रोज बढ़ जाती है, फुल ज्वाइन अप्लाई करूंगा तो देखो क्या आउटपुट आती है। ठीक है, ज्वाइन में कॉलम्स बढ़ जाते हैं, तो ये कॉलम वन, लेफ्ट टेबल का कॉलम टू, लेफ्ट टेबल का कॉलम वन, राइट टेबल का कॉलम टू, राइट टेबल का, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं क्या आती है, सबसे पहले ए वन, ठीक है, ए वन, ए वन के कॉरस्पॉन्डिंग मैं मैचिंग किस पे कर रहा हूँ, मैं इस पर ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ,
ठीक है, कॉलम वन पर, कॉलम वन पर ज्वाइन कर अप्लाई करूंगा, तो ए वन के कॉरस्पॉन्डिंग ए वन मेरे पास है, इसके ए के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ए एंट्री है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा ए वन, ठीक है, बी वन, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी टू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी टू, सी टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी के, सी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास टेबल टू में कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल, नल, उसके बाद आता है मेरे पास डी थ्री, तो डी थ्री इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे नल, नल। अब ध्यान से देखो दोनों आउटपुट कितनी अलग है, ज्वाइन के केस में मेरे पास कॉलम्स बढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉलम्स बढ़ चुके हैं, फुल ज्वाइन अप्लाई किया है मैंने, फुल ज्वाइन में भी ऐसा ही कुछ वेन डायग्राम बन रहा था, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि फुल ज्वाइन के केस में जो वेन डायग्राम है वो ये बता रहा है कि भाई मैचिंग कॉलम जो है, मैचिंग कॉलम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने आइटम्स हैं मेरे पास, तो मैं मैचिंग कॉलम पे बात करता हूँ, ठीक है, एक की पे बात करता हूँ, एक की, तो कॉलम को मैं मैच करते हुए आउटपुट निकालता हूँ, बट यहाँ पर मैम क्या कर रहा है, यूनियन के अंदर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट से रोज निकाल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी रोज निकाल ली हमने, उन रो को अब मैं यूनियन कर रहा हूँ, उन रो की मैं एक डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रोज निकाल रहे हैं यूनियन के केस में, रोज निकालने के बाद उसको यूनियन कर रहे हैं और डिस्टिंक्ट रोज मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फुल ज्वाइन के केस में मैं कॉलम ही बढ़ा दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो दोनों को अलग ही समझना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, तो इसी केस में आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी या आनी चाहिए, वो ये कि भाई इस केस में क्या हो रहा है ना कि आपके पास हमेशा जो कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए, सेम उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है, और उनके नंबर्स भी सेम होने चाहिए, तभी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इसकी नीड कहाँ पे पड़ती है, किन कहाँ पड़ती है, ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे, बट अभी आप ये समझो कि सिंपल एक एग्जांपल है, यूनियन अप्लाई किया तो ऐसा कुछ आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार जान लेते हैं फॉर्मली कि भाई ज्वाइन और सेट ऑपरेशन में क्या फर्क होता है। अगर ज्वाइन की बात करूं तो ज्वाइन कंबाइंस मल्टीपल टेबल बेस्ड ऑन सम मैचिंग कंडीशन, ठीक है, किसी एक रो की मैचिंग पे हम ऐसा काम कर रहे होते हैं। सेट ऑपरेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन इज रिजल्टिंग सेट फ्रॉम टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने दोनों टेबल से डेटा पॉइंट्स निकाल लिए, टपल्स निकाल लिए, टपल्स दोनों टेबल से मैं कैसे निकालूंगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से, सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से मैंने दोनों टेबल से टपल्स निकाले, टपल निकालने के बाद यानी रोज निकालने के बाद उनका यूनियन कर दिया और डिस्टिंक्ट रोज लिख दी, तो यहाँ सेट ऑपरेशन में रोज बढ़ जाती हैं और ज्वाइन में कॉलम्स बढ़ जाते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉलम वाइज कॉम्बिनेशन होता है ज्वाइन में, और सेलेक्ट ऑपरेशन में रो वाइज कॉम्बिनेशन होता है। डेटा टाइप ऑफ टू टेबल कैन बी डिफरेंट, डेटा टाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हम शुरू से एग्जाम्पल ज्वाइन के एग्जाम्पल में हमने देखा, बट बस एक कॉलम मैचिंग होना चाहिए, यानी फॉरन की और प्राइमरी की वाला, वो एक कॉलम मैचिंग होना चाहिए, उसके बेस पे मैं कॉलम्स को स्प्रेड कर देता हूँ और मैं इनर ज्वाइन की मदद से कॉमन कॉलम्स निकाल पाता हूँ। बट यहाँ पर डेटा टाइप्स टू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम फ्रॉम ईच टेबल मस्ट बी सेम, डेटा टाइप सेम होने चाहिए, दोनों एक जैसे टेबल दिखने चाहिए, अलग अलग टेबल होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, और दो डिपार्टमेंट के दो अलग अलग टेबल हैं, यानी है ना, और वो टेबल क्या बताते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की डिटेल बताते हैं, उस डिपार्टमेंट में क्या क्या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका रोल क्या है ये बताते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ एक कंपनी के अंदर दो सिमिलर टाइप के टेबल हैं, डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट भी एम्प्लॉय बता रहा है भाई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, और डिपार्टमेंट टू भी यही बता रहा है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो इस केस में मैं ये एक एग्जाम्पल भी लेंगे अभी हम जब हम इसको एक बार वर्क बेंच में चला के देखेंगे। फोर डिफरेंस क्या है, कैन जनरेट बोथ डिस्टिंक्ट एंड डुप्लीकेट वैल्यू, डिस्टिंक्ट और डुप्लीकेट दोनों वैल्यू यहाँ पे दोनों रोज जनरेट हो सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिस्टिंक्ट रोज जनरेट होंगी, सेट ऑपरेशन है ये मैथमेटिक्स वाला। The number of columns selected may or may not be same from each table. इसका मतलब क्या है कि the number of columns जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं दोनों टेबल के, बट सेट ऑपरेशन में number of columns selected must be same. Number of columns जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कम्बाइंड रिजल्ट horizontally, सेट ऑपरेशन में कम्बाइंड रिजल्ट वर्टिकली। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं। ज्वाइन में हम बोल रहे हैं कि इसने हॉरिजेंटली कंबाइन किया, हॉरिजेंटली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए हैं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इसको हॉरिजेंटली इसने ज्वाइन किया है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन हॉरिजेंटल है। यहाँ पर वर्टिकल है क्योंकि नंबर ऑफ रोज बढ़ गई हैं, तो इसलिए यूनियन या सेट ऑपरेशन में इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि भाई ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वर्टिकल रिजल्ट है।
बहुत ही बढ़िया, हमने सीख लिया यहाँ पे, हमने देख लिया कंबाइन करता है दो और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को, सिंटैक्स हमें पता लग गया है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ कॉलम ऑर्डर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट सेट ऑपरेशन आपके पास आता है इंटरसेक्ट। अभी इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट है कि भाई दो टेबल्स हैं सिमिलर टाइप के, ठीक है, मुझे इनके बीच की वैल्यू चाहिए, यानी कि दो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी वन, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दूंगा मैं, यानी कि जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट से टी वन के स्टेटमेंट से आंसर आएगा, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी टू, और जो टी टू से आंसर आएगा, उन दोनों में जो कॉमन आंसर होगा, कॉमन रोज होंगी, वो मेरा आंसर होगा। बट ये इंटरसेक्ट जो है ये MySQL में नहीं चलता, तो हमें इसे एमुलेट करना पड़ता है, हम इसको एमुलेट करेंगे, और एमुलेट कैसे करेंगे, एमुलेट हम कर सकते हैं इनर जॉइन यूज करके। उसका सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, इनर जॉइन नॉर्मली आपका डुप्लीकेट वैल्यू दे सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी बोल दिया मान लो मैंने, फ्रॉम टी वन इनर जॉइन टी टू यूजिंग आईडी। यूजिंग मैं वर्ड यहाँ पे क्यों यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो भी दो टेबल्स होंगे उसके अंदर जैसे कि हमने बोला था कॉलम के नंबर और कॉलम के नाम सेम होंगे, ठीक है, तो जिस भी आईडी के बेस पे मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही कि टी वन डॉट आई डी इक्वल टू टी टू डॉट आई डी, ठीक है, तो ये लिखने के बजाय मैंने यूजिंग बोल दिया, मैं यूजिंग आईडी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों सेम ही होंगे, दोनों टेबल के अंदर आईडी मौजूद होगा, तो इसको यूज करके मैं इंटरसेक्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसका एग्जांपल थोड़ी देर में समझेंगे हम, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड मेरा है माइनस, माइनस क्या होगा कि भाई टी वन माइनस टी टू, यानी कि ये मेरे पास टी वन है, ये मेरे पास टी टू है, मैं इसको पॉइंट करना चाहता हूँ टी वन माइनस टी टू, तो इतना एरिया, ठीक है, तो दिस इज टी वन माइनस टी टू। अब यहाँ भी एसक्यूएल में आपका माइनस जैसा कोई कीवर्ड नहीं होता, तो इसको भी हमें क्या करना होता है, एमुलेट, और एमुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंटेक्स का यूज करता हूँ। सिंटेक्स क्या होता है भाई, सेलेक्ट आईडी मान लेते हैं आईडी फ्रॉम टी वन टेबल लेफ्ट जॉइन टी टू यूजिंग आईडी, ठीक है। अब ध्यान से देखो लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है, लेफ्ट जॉइन जब मैं करता हूँ तो राइट की चीजें भी आ जाती है मेरे पास, राइट कि लेफ्ट जॉइन जो है लेफ्ट की तो सब आता ही है, ठीक है, बट जो लेफ्ट का आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट में तो वैल्यूज नहीं है, तो नहीं है तो राइट में नल वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है, एक बार रिवाइज करना, लेफ्ट जॉइन में क्या होता था, नल वैल्यू जनरेट होती है, तो मुझे क्या करना है, इसको फिल्टर कर देना है वेयर टी टू डॉट आई डी इज नल। तो ये कुछ सिंटैक्स होता है जो आपका यूज होगा, ठीक है, माइनस के केस में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं माइनस के केस में इसको अप्लाई करूं, ठीक है, जो हमारा ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल था टी वन और टी टू का, तो अगर मैं टी वन माइनस टी टू करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है, टी वन माइनस टी टू की वैल्यूज मेरे पास आएंगी कि भाई मुझे टी वन की सारी वैल्यूज चाहिए, बट टी टू उसके अंदर कोई कॉमन वैल्यूज है तो उड़ा देंगे, ठीक है, तो ए वन नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी बी वन और सी टू, तो टी वन माइनस टी टू की वैल्यू आएगी बी वन सी टू, ठीक है, ए वन नहीं आएगा, तो ये टी वन माइनस टी टू हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसमें क्या वैल्यू आएगी इंटरसेक्ट में, टी वन इंटरसेक्शन टी टू, तो इस एग्जांपल के थ्रू अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि टी वन इंटरसेक्शन टी टू की वैल्यू क्या आएगी, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मेरे पास ए वन है बस, तो ये वैल्यू आ जाएगी बस, ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया, रो वाइज हम चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है, यहाँ पे कॉलम वाइज कुछ नहीं हो रहा, रो वाइज चल रहे हैं, हमने सिंटैक्स देख लिया है। अब हम एक बार जाकर वर्कबेंच पे देख लेते हैं कि क्या एग्जांपल बन सकता है इसका, ठीक है, तो इस एग्जांपल से अभी हम वर्कबेंच में समझने वाले हैं, ठीक है, एक बार हम आईपैड पे देख लेते हैं कि क्या एग्जांपल बोलने की कोशिश कर रहा है।
तो हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम मान लो एबीसी कंपनी है, ठीक है। एबीसी कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू। तो डिपार्टमेंट वन के अंदर आपके खुद से एम्प्लॉयज हैं, उसमें एम्प्लॉयज आई डी नेम और रोल लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट टू के अंदर तीन एम्प्लॉयज हैं, तो उसमें भी एम्प्लॉय आई डी नेम और रोल लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, और इंजीनियर है एक बंदा, एक सेल्समैन है, मैनेजर है और सेल्समैन और इंजीनियर। तो आप ध्यान से देखो इसके अंदर एक ये जो बंदा है मैनेजर, वो यहाँ भी एम्प्लॉय है और यहाँ भी एम्प्लॉय है, ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको अभी हम वर्कबेंच पे समझते हैं कि किस तरीके से इसकी आउटपुट्स आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, जो भी हमने टेबल्स देखे उसके थ्रू हमने क्वेश्चन निकाला है। पहला क्वेश्चन है लिस्ट आउट ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी, सारे एम्प्लॉयज का डेटा मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिपार्टमेंट वन के एम्प्लॉयज की डेटा निकालना है, डिपार्टमेंट टू के एम्प्लॉयज का डेटा निकालना है, दोनों को यूनियन कर देना है, मुझे एम्प्लॉयज का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वन यूनियन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टू, इसको मैं रन करूंगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। बहुत ही बढ़िया, तो मेरे पास कुल 7 एम्प्लॉयज आ चुके हैं, जिसके अंदर आप ध्यान दो मैनेजर जो है वो रिपीटेड था, मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंट वन में भी था, मैनेजर डिपार्टमेंट टू में भी था, यानी कि एम्प्लॉय आई डी क्या है 3, एम्प्लॉय आई डी 3 जो है वो बंदा डिपार्टमेंट वन में भी काम करता है, डिपार्टमेंट टू में भी काम करता है, हो सकता है दोनों को मैनेज करता हो, राइट। तो इस केस में आप देखो वो एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो सेट ऑपरेशन में हमेशा रोज डिस्टिंक्ट आती है, ये प्रूव हो गया है। सेकंड, लिस्ट आउट ऑल द एम्प्लॉयज इन ऑल द डिपार्टमेंट हु वर्क्स एज सेल्समैन, मुझे सारे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए सारे डिपार्टमेंट में से जो कि सेल्समैन काम करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वन वेयर रोल इक्वल टू सेल्समैन, सेम क्वेरी मुझे लिखनी है, डिपार्टमेंट टू के लिए मुझे फिर कर देना यूनियन, ठीक है। तो बस सारे डिपार्टमेंट से सारे एम्प्लॉयज के बारे में डेटा आ जाएगा जो कि सेल्समैन है। अब ध्यान से देखो बी डी जी ये जो एम्प्लॉयज हैं ये तीनों सेल्समैन है, तो वहां पर 3 सेल्समैन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है मेरा, लिस्ट आउट ऑल द एम्प्लॉय हु वर्क फॉर बोथ डिपार्टमेंट, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो दोनों डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये मैं कैसे करूंगा, मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो इंटरसेक्ट निकालने के मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वन इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट टू यूजिंग, मैं क्या यूज कर लेता हूं, आईडी ईएमपी आईडी, ठीक है। आपको सबको पता आंसर क्या आना है इसका, आंसर है मेरा मैनेजर, जो मैनेजर है वो दोनों डिपार्टमेंट में आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बट अब ध्यान से देखो इसमें क्योंकि हमने ज्वाइन लगाया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज बढ़ चुके हैं, बट क्योंकि सेट ऑपरेशन है, सेट ऑपरेशन में ऑल द होना क्या चाहिए था कि आपके ज्वाइन आपके रोज ही आने चाहिए थे, ठीक है, दो ही कॉलम आने, तीन ही बेसिकली कॉलम आने चाहिए थे, बट यहाँ पर बढ़ चुके हैं। रीजन इसका क्या है, क्योंकि हम इसको एमुलेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट वन डॉट EMPID या डिपार्टमेंट वन डॉट स्टार लगा देता हूँ सिंपल, तो इससे मुझे आंसर मिल रहा है मेरा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये चीज समझ आएगी क्योंकि इनर ज्वाइन करके एमुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, नहीं तो यूनियन जो कि नेटिवली सपोर्ट था उसके अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही थी हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिस्ट आउट ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट वन बट नॉट इन डिपार्टमेंट टू, ठीक है। तो ऐसे मुझे एम्प्लॉय चाहिए जो कि डिपार्टमेंट वन में काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट टू में काम नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग में आ गया होगा यहाँ पे माइनस यूज करेंगे हम, T1 - T2, ठीक है। तो इसके अंदर इसको भी एम्युलेट करना पड़ता है लेफ्ट जॉइन की मदद से, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट वन डॉट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वन लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट टू यूजिंग EMPID where department 2 dot emp id is null, ठीक है।
तो मुझे कौन से एम्प्लॉयज मिलेंगे जो डिपार्टमेंट वन में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टू में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है यहाँ पे मैनेजर साहब अट जाएंगे, ठीक है। मैनेजर जो जिसकी एम्प्लॉय आईडी थी वो नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, ऐसा ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ डिपार्टमेंट वन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे आंसर मिल चुका है। तो ये हो गया आपका माइनस सेट ऑपरेटर ऑपरेशन, और ये आपका हो गया इंटरसेक्ट सेट ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें तीनों टाइप के सेट ऑपरेशन पढ़ लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम डिस्कस करते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सब क्वेरीज। सब क्वेरीज क्या है, इसको मैं बोलता हूँ अल्टरनेटिव मेथड है ये टू जॉइंस, जॉइंस का अल्टरनेटिव है ये, ठीक है। जहाँ पे हम जॉइन यूज कर सकते हैं वहां पर हम सब क्वेरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि सब क्वेरीज लग रहा है मुझे सब क्वेरी नाम से, कि क्वेरी के अंदर क्वेरी, तो हम क्या करते हैं, हमारी एक आउटर क्वेरी होती है एक इनर क्वेरी होती है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ आउटर क्वेरी, इसको मैं बोलता हूँ इनर क्वेरी। और जनरली आउटर क्वेरी जो है डिपेंड्स ऑन इनर क्वेरी। जनरली क्यों बोल रहा हूँ, जो भी थोड़ी देर में समझेंगे, इसका मतलब सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, वो जो रिजल्ट देती है उस पर काम करती है आपकी आउटर क्वेरी, ठीक है। तो आउटर क्वेरी डिपेंड्स ऑन इनर क्वेरी, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल सा। मान लो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है, वेयर सपोज आईडी जैसा कुछ है, यहाँ पे आईडी इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे फिर से एक सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल वेयर नेम इक्वल टू लक्ष्य, ठीक है, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। पहली बात तो हम इसको इन कर देते हैं, ठीक है, अब समझते हैं। तो इस क्वेरी में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे इन कर दिया है कि सेलेक्ट आई स्टार फ्रॉम दिस, तो सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इनर क्वेरी क्या करेगी, भाई वो आईडी निकाल के दे देंगे जिनका नाम लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य है। फिर उसके बाद जब वो आईडी मिल जाएगी तो मुझे एक सेट मिल जाएगा, राइट, आईडी का सेट मिल जाएगा। फिर मैं क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा कि भाई वो डेटा या रोज मेरी प्रिंट कर दो, आउटपुट कर दो, जहां पर आईडी जो है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, इस ये कुछ आईडीज की लिस्ट देगी, मान लो जिन जिनके नाम एल ए के हैं, मान लो उनके आईडी आई 1 2 3, ठीक है, ऐसे एक लिस्ट बन गई। अब ये जो क्वेरी है, ये पर्टिकुलर क्वेरी है, ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है, ये जब एग्जीक्यूट होगी तो ये चेक करेगी क्या आईडी इन दिस, क्या आईडी इन दिस, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, तो हमने क्वेरी के अंदर क्वेरी लिख दी, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ सब क्वेरी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब नोट्स पे चल के देते हैं क्या कुछ लिखा है हमने सब क्वेरी के बारे में। तो सब क्वेरी क्या है, सिंपल आउटर क्वेरी डिपेंड्स ऑन इनर क्वेरी, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये मेरी आउटर क्वेरी है, ये इनर क्वेरी है, ठीक है। इनर क्वेरी को मैं नेस्टेड क्वेरी भी बोल सकता हूँ, तो इसको नेस्टेड क्वेरीज भी बोलते हैं। ये अल्टरनेटिव है जॉइंट्स का, ठीक है, ऐसा कुछ इसका पर्टिकुलरली सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स हम सीधा ही एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज के साथ यूज होता है, वेयर क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, सेलेक्ट क्लॉज के साथ ये यूज होता है, ठीक है। एक बार सीधा ही हम वर्क बेंच पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप की सब क्वेरीज होती हैं, कैसे हम इनको लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बट उससे पहले हम देख लेते हैं वर्क बेंच पे जो हम काम करने वाले हैं, वो हम इस डेटा सेट पे काम करने वाले हैं। ये मेरा डेटा बेस है, वही जो हमने इसके बारे में पहले जॉइंट के टाइम पे डिस्कस किया था, एम्प्लॉय क्लाइंट और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको वापस से अपने दिमाग को रोल बैक कर लो और इस वाले पर्टिकुलर डेटाबेस पे आ जाओ, ठीक है। चलो तो हमारी सबसे पहली क्वेरी है कि भाई हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं सेम टेबल पे, ठीक है, कैसे। अगर मुझे ऐसी एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी एज 30 से ज्यादा है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ऑल्दो ये क्वेरी और सिंपल हो सकती थी, इसमें सिंपल मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन 30 भी कर सकता था, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये हमने इस टाइप की क्वेरी लिखी है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सब क्वेरी है, पहले ये एग्जीक्यूट होगी, ये कौन
ये क्या ला के देगी, ये वो एजेस ला के देगी जो कि 30 से ज्यादा हैं। तो अगर मैं अपने टेबल में जाके देखूं, ठीक है, अगर मैं अपने टेबल में जाके देखूं तो 30 से ज्यादा कौन कौन सी एजेस हैं मेरे पास, ये 30 से ज्यादा है, ये 30 से ज्यादा, ये 30 ज्यादा है, तीन एंट्रीज मेरे पास 30 से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो आपका सब क्वेरी है ये मुझे आउटपुट करेगी एक सेट जिसकी जिसकी वैल्यू क्या क्या होगी, 31, 32 और 44, ठीक है। फिर उसके बाद जो आउटर क्वेरी चलेगी वो देखेगी कि क्या एज जो है 31, 32, 34 इस लिस्ट में है, अगर इस लिस्ट में है तो वो एम्प्लॉयज कैरेक्टर प्रिंट कर दो। ध्यान से देखते हैं क्या चलता है, ये 31, 32, 34, तो वो लोग प्रिंट हो गए जिनकी एजेस 30 से ज्यादा थी, ठीक है, सिंपल एंड सॉर्टेड। दूसरा थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देते हैं, अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद से एक बार टेबल में जाके देख सकते हो, राहुल बीडी करके एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो कि दो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, राइट, यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर आईडी 3, प्रोजेक्ट आईडी 4, सीओडी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर राहुल बीडी आना चाहिए। लेट्स सी आंसर क्या आता है इसका, इसका आंसर राहुल बीडी आ गया है। अब इसको समझते हैं इसने वर्क कैसे किया होगा। सबसे पहले हम कुछ ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, हम प्रोजेक्ट टेबल से वो एम्प्लॉय आईडीज निकाल सकते हैं, ठीक है, जिनका काउंट जो है ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। ये बाईपैड पे आते हैं तो आप देखो ये प्रोजेक्ट टेबल है, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे टेबल है, तो मैं वो वाले एम्प्लॉय आईडी निकालूंगा जिसका काउंट जो है 1 से ज्यादा है। तो यहाँ देखो 3, इसका काउंट 1 से ज्यादा है, तो ग्रुप बाय का यहाँ यूज कर सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम प्रोजेक्ट ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी से ग्रुप बाय किया इसको, ठीक है, यानी एम्प्लॉय आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप बन गए, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप बन गया होगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, बट फिर हमने हैविंग का यूज करके इसको कंडीशन कर दिया। कंडीशन कैसे किया कि भाई काउंट जो है ना वो 1 से ज्यादा जिसका है मुझे वही चाहिए। 1 से ज्यादा काउंट किसका है, एम्प्लॉय आईडी 3 जो प्रोजेक्ट नंबर 3 और 4 पे असाइंड है, ठीक है, तो यहाँ इसका आउटपुट क्या आएगी, इस पर्टिकुलर क्वेरी की आउटपुट आएगी 3। अब उसके आउटर क्वेरी चलेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इन 3, ठीक है, आईडी इन जो भी क्वेरी का आईडी होगी, तो आप देखो राहुल बीडी आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं, अब सिंगल वैल्यू सब क्वेरी, इसकी वैल्यू सिंगल वैल्यू सब क्वेरी है, ये क्या है कि भाई ये पर्टिकुलर सब क्वेरी है ये सिंगल वैल्यू देगी, ठीक है। अगर मुझे निकालना है ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल हैविंग एज ग्रेटर देन एवरेज एज, समझ लो ऐसा कुछ चाह रहा हूँ मैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एवरेज एज से ज्यादा एज वाले बंदे चाहिए मुझे, तो मैं इसको क्या करूंगा, इससे एक सिंगल वैल्यू आएगी जो कि सिंगल एवरेज होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आप देखो ध्यान से देखो क्या आउटपुट आती है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 30 एवरेज आई 30, तो 30 से ज्यादा वाले जितने भी लोग होंगे वो सब लिस्ट हो जाने चाहिए। अब तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 30 से ज्यादा कौन कौन है, अमन यज्ञ हो जाते हैं, 30 से ज्यादा है तो ये लोग लिस्ट हो गए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम क्लॉज, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम प्रोजेक्ट ऐसे यूज कर रहे थे, अब मैं फ्रॉम के बाद भी सब क्वेरी को डाल सकता हूँ। ध्यान से देखो, सेलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम, फ्रॉम के बाद मैंने सीधा सब क्वेरी डाल दी, ठीक है, सब क्वेरी, ये सब क्वेरी क्या कर रही होगी, टेबल रिटर्न कर रही होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि फ्रॉम जो है, फ्रॉम जो कीवर्ड यूज होता है उसके बाद कोई टेबल आना चाहिए, उसके बाद कोई टेबल आना चाहिए, हम शुरू से देख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम काउंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सब क्वेरी है ये टेबल रिटर्न करेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट मैक्सिमम एज पर्सन हुज फर्स्ट नेम हैज ए, यानी कि फर्स्ट नेम हैज ए, फर्स्ट नेम कंटेन्स ए। तो इस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा निकालूंगा, ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट निकालूंगा जिनके फर्स्ट नेम के अंदर ए आता हो, ठीक है। उसके बाद उनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट होगा, सबसे जिसकी ज्यादा है, मैं उसे लिस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैक्सिमम एज निकालना चाहता हूँ बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर सब क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेबल निकाल रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको रन करूंगा, ओप्स, सो हमें एक एरर आ गया है कि भाई एवरी डिराइव टेबल मस्ट हैव इट्स ऑन एलियास, ठीक है। तो फ्रॉम के अंदर हम जो भी सब क्वेरी चलाते हैं, जो भी सब क्वेरी चलाते हैं उसको मैं डिराइव्ड टेबल्स भी बोल देता हूँ। ये पर्टिकुलर जो टेबल है, ये पर्टिकुलर सब क्वेरी है, एक टेबल रिटर्न करेगी, वो जो टेबल रिटर्न करती है उसको मैं डिराइव टेबल बोलता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको एलियास करना पड़ता है, तो मैं एज टेम्प
नाम दे देता हूँ उसका टेम्प। तो अब ये पर्टिकुलर क्वेरी सही चल जाएगी और आपको मिल गया कि भाई जिन जिन एम्प्लॉयज के नाम के अंदर ए आता है उसमें से सबसे मैक्सिमम एज जो है वो 44 है। तो ये मुझे आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सब क्वेरी जिसको मैं बोलता हूँ कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या होता है? अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई मेरे पास एक आउटर क्वेरी होती थी, फिर एक इनर क्वेरी होती थी। ठीक है, जो आउटर क्वेरी है वो इनर क्वेरी के रिजल्ट पे डिपेंड कर रही होती थी। ठीक है, यही हमने यहाँ पर अपने नोट्स में लिखा है, भाई आउटर क्वेरी डिपेंड ऑन इनर क्वेरी। ठीक है, बट कुछ इस टाइप की भी सब क्वेरी होती है जिसके अंदर जो इनर क्वेरी है दैट रेफर्स द आउटर क्वेरी। यानी कि ये आपस में दोनों क्वेरीज कोरिलेटेड हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इनर जो है वो आउटर क्वेरी को रेफर कर रहा है और आउटर तो इनर को रेफर कर ही रहा है। ठीक है, तो इसी को मैं बोलता हूँ कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या है? सिंपली आपका जो इनर क्वेरी है वो आउटर क्वेरी को भी रेफर कर रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल समझ नहीं आ रहा होगा, इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, वापस आते हैं वर्क बेंच पे। अब सपोज करो मुझे फाइंड करना है थर्ड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, थर्ड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय का मतलब है अगर वापस से मैं टेबल को देखूं अपने, तो इस टेबल में देखो थर्ड ओल्डेस्ट कौन सा है? फर्स्ट ओल्डेस्ट जो है यज्ञ, सेकेंड ओल्डेस्ट जो है वो मेरा अमन, थर्ड ओल्डेस्ट जो है वो जतिन हरमेट। तो मुझे जतिन हरमेट चाहिए कि भाई थर्ड ओल्डेस्ट निकालना है मुझे। ठीक है, तो थर्ड ओल्डेस्ट निकालने के लिए हमने कैसे कोरिलेटेड सब क्वेरी लिखी है? सबसे पहले देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय ईवन से मैंने इसको एलियास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एज भी लिख सकते थे, ठीक है, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। वेयर थ्री इक्वल टू, ठीक है, थ्री इक्वल टू सेलेक्ट काउंट ई टू डॉट एज फ्रॉम एम्प्लॉय जिसको मैंने ई टू नाम दे दिया है। ठीक है, वेयर ई टू डॉट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू ईवन डॉट एज। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, थोड़ी क्या ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रही होगी, एक बार इसको समझते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो आउटर क्वेरी है मेरे पास, आउटर क्वेरी, ठीक है, आउटर क्वेरी की एक वैल्यू के लिए, आउटर क्वेरी की एक वैल्यू के लिए, दोबारा से सुनो, आउटर क्वेरी की एक वैल्यू के लिए इनर क्वेरी जो है वो एक बार चलेगी कंप्लीटली। यानी कि आउटर क्वेरी जिसके अंदर एम्प्लॉय को मैंने इवन बोला है, इवन डॉट एज, ये एक एज वैल्यू, एज एक बार सेट होगी, उसके बाद जो इनर क्वेरी है वो इस पर्टिकुलर एज के कॉरस्पॉन्डिंग वापस से चलेगी। ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो ये देखो लिखने में आला सारा था, सिंपली हमने स्क्रीन शॉट लेके यहाँ डाल दिया। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको समझते हैं। तो मैंने बोला कि भाई इवन डॉट एज, इवन क्या है? आउटर क्वेरी, आउटर क्वेरी के एक एज वैल्यू के लिए जो इनर क्वेरी है वो कंप्लीटली वन टाइम चलेगी फॉर ईच इवन डॉट एज। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा? सबसे पहले ये उठा के 32 वैल्यू को उठाएगा, यानी कि इस वाली रो को उसने उठाया। ठीक है, एक बार मैं ध्यान से लिख लेता हूँ, 32, 44, 22, ये सारी एजेस लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ एजेस थे। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं फॉर ईच इवन डॉट एज, इवन डॉट एज की ईच वैल्यू के लिए जो इनर क्वेरी है वो कम्प्लीटली चले। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले जो क्वेरी चलेगी, लूप की तरह कुछ लगा लो इसको, सबसे पहले इवन डॉट एज की वैल्यू 32 सेट होगी। तो मैं बोल देता हूँ इवन डॉट एज इक्वल टू 32। ठीक है, अब फोकस करते हैं इनर क्वेरी पे। अब इस इनर क्वेरी पे फोकस करो। अब इस इनर क्वेरी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनर क्वेरी को एक बार रन करके देखते हैं कि सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ई टू। ठीक है, ई टू बोल दिया, ई टू डॉट एच जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 32 के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू जो ये अंदर क्वेरी लिखी हुई है, जो अंदर इनर क्वेरी लिखी है उसकी वैल्यू आएगी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इवन डॉट एज को 32 सेट कर दिया। अब इसको रन करूंगा तो भाई
कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जिनकी एज 32 से ज्यादा है, ठीक है। 32 से ज्यादा वाले कौन से हैं, 32 से ज्यादा वाले वन वन एक ही है, 32 से ज्यादा एक ही बंदा है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 कैसे आएगी, क्योंकि 32 और 32 से ज्यादा, क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू रखा है, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इवन डॉट एज की एक वैल्यू के लिए ये पूरी क्वेरी एक बार चली और 2 आंसर किया इसने, ठीक है। अब दूसरी बार क्या होगा, इवन डॉट एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 होगी। अब ये इनर क्वेरी चलेगी तो देखेगी कि भाई 44 से ज्यादा कौन कौन से एम्प्लॉयज है, 44 से ज्यादा कोई है नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। थर्ड 22 के लिए चलेगी, 22 के लिए जब चलेगी तो आप देखो कि 22 से ज्यादा कितने कितना काउंट है, तो 22 से ज्यादा मेरे पास 1 2 3 4 फोर एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो फोर एम्प्लॉयज जो है वो 22 या उससे ज्यादा है। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 44 है तो यहाँ 1 आएगा क्योंकि 44 इंक्लूडेड है, ठीक है। फोर्थ, अब इसकी वैल्यू जो 22 की जगह है इसकी वैल्यू 31 हो जाएगी, यानी कि इवन डॉट एज की वैल्यू 31 हो गई। तो ध्यान से देखो, इवन डॉट एज जो है वो आउटर क्वेरी है, तो इनर क्वेरी आउटर क्वेरी का यूज कर रही है, तो इसीलिए मैं इसको कोरिलेटेड कहता हूँ। अब इसकी अगर मैं देखो 31 से ज्यादा कौन कौन है, 31 से ज्यादा मेरे पास 1 2 3 तीन 31 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ अब यहाँ जब 3 आउटपुट आएगी, ये 3 जो आउटपुट आई, 3 जो है इक्वल है इसके, तो वेयर 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो उस केस में मैं उस एम्प्लॉय को मैं लिस्ट कर दूंगा, यानी कि इवन डॉट एज जिसका भी एम्प्लॉय जिसका भी होगा 31 जिसकी भी एज है, इस केस में 31 किसकी एज है, 31 जब दिन हरमिट की एज है, तो वो आ जाएगी। तो आप ध्यान समझ पा रहे हो, कुछ लूपिंग जैसा कुछ हो रहा है। अब एक बार वापस से वर्क बेंच पे आते हैं, इसको चला के देखते हैं कि ये चीज सही चलती भी है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया, तो जतिन हरमिट जी आ चुके हैं जिनकी एज 31 है, तो ये थर्ड ओल्डेस्ट एम्प्लॉय है हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है। तो यही था आपका कोरिलेटेड सब क्वेरी। एक बार नोट्स पे चल के देख लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। कोरिलेटेड सब क्वेरी में हम ऐसा कुछ, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसके अंदर हम बोल रहे हैं, ए कोरिलेटेड सब क्वेरी हाउएवर एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच कैंडिडेट रो कंसीडर्ड बाय आउटर क्वेरी, ठीक है। तो आउटर क्वेरी की एक वैल्यू के लिए इनर क्वेरी बार बार चल रही है, ठीक है। इन अदर वर्ड द इनर क्वेरी इज ड्रिवन बाय आउटर क्वेरी, तो इनर क्वेरी जो है आउटर क्वेरी के द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि हमारे केस के अंदर जो इवन डॉट एज था वो बार बार चेंज हो रहा था और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी इनर क्वेरी जो है बार बार चल रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से सब क्वेरी वर्क करती है, कोरिलेटेड सब क्वेरी वर्क करती है। तो ये था सब क्वेरी का सार। अब अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं कि भाई जॉइन और सब क्वेरी में क्या डिफरेंस है, तो जो जॉइंस है वो फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं, सब क्वेरी जो है स्लो एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि सब क्वेरी के अंदर पहले मुझे एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, फिर दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। अब ध्यान से देखो, कोरिलेटेड सब क्वेरी में तो कितनी बार काम हो रहा था, राइट। जॉइन मैक्सिमाइज कैलकुलेशन बर्डन ऑन डीबीएमएस, जॉइन के अंदर क्या होता है कि कैलकुलेशन बर्डन जो है सारा डीबीएमएस के अंदर होता है, ठीक है। डीबीएमएस के अंदर कैलकुलेशन बटन होता है कि डीबीएमएस उठा के दो टेबल को ज्वाइन करेगा, एक नया टेबल बनाएगा, नया टेबल बना के मुझे उसको उस पर काम करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। पर यहाँ सब क्वेरी में क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेशन की, आप जितनी एफिशिएंट सब क्वेरी लिखोगे उतना एफिशिएंटली चला पाओगे अपने बेसिकली सॉफ्टवेयर को, और आपने इनएफिशिएंट लिखे तो इनएफिशिएंट काम होगा, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है यहाँ पे। ज्वाइन थोड़ा समझना कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स हैं, किस तरीके से ज्वाइन करूँ, ठीक है। सब क्वेरी थोड़ा सा इजी होता है, लिखना भी इंप्लीमेंट करना भी, ठीक है। हम देख ही रहे हैं कि हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले इनर के बारे में लिखते हैं, फिर इनर को सोच के जो इनर आउटपुट करेगा उस पर, फिर आउटर के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। चूजिंग ऑप्टिमल ज्वाइन इज यूज इज डिफिकल्ट, क्या होता है जब बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, तो उस केस में जो कौन सा ज्वाइन लगाऊं मैं, कैसे आउटपुट निकालूं, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, उसको सोचना समझना। पर सब क्वेरी इजी होता है, हम देख ही रहे हैं कि सब क्वेरी ज्यादा मतलब इसमें लफड़ा हो नहीं रहा है सब क्वेरी में, राइट। क्योंकि सिंपली मुझे इनर के बारे में सोचना है, इनर से जो आउटपुट आएगी उस पे आउटर को चला देना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, अब हम पढ़ते हैं एसक्यूएल व्यूज के बारे में, ठीक है। अब याद करो, जब हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जो डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है आपका डीबीएमएस, उसके अंदर एक व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन भी था, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि एक ही डेटाबेस अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। तो उसी को मैं कहता हूँ व्यूज। तो एसक्यूएल के अंदर यानी माई एसक्यूएल जो है आपका आरडीबीएमएस, वो भी प्रोवाइड करता है व्यू डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है,
सिंपली आपका मान लो कस्टमर टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, ठीक है, ऐसा कुछ देखना है। अब आप चाहते हो कि सारा कस्टमर टेबल नहीं दिखाना मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, एक व्यू क्रिएट कर देता हूँ, एक व्यू क्रिएट करता हूँ, और ये व्यू क्या है, टेम्पररी सेव हो जाता है आपका, ठीक है, नया टेबल नहीं बनता है आपका, टेम्पररी एक टेम्पलेट सेव हो जाता है, ठीक है, एक स्कीमा टाइप सेव हो जाता है, और जब भी आप इस व्यू के थ्रू आप अपने कस्टमर टेबल को देखना चाहोगे तो आपको वही चीजें दिखाई देंगी जो व्यू में डिफाइंड होंगी, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं एक बार। मैंने एक व्यू डिफाइन कर दिया जिसके अंदर मैं नेम और एज दिखाना चाहता हूँ बस, और इसको एलियास कर दिया, जिसका नाम मैंने लग दिया कस्टम व्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये तो था मेरा ओरिजिनल टेबल, ये मेरा ओरिजिनल टेबल था जो कि फिजिकल मेमोरी में स्टोर्ड भी होगा कहीं पे, ठीक है, बट मैंने क्या किया, एक वर्चुअल टेबल बना दिया, ये टेम्पलेट दे दिया, ये व्यू टेम्पलेट है, ठीक है, जिसके अंदर अब जो जब भी मैं इस व्यू के थ्रू, ठीक है, व्यू को एक चश्मा लगा लो, एक चश्मा लगा लो, जब भी इस चश्मे के थ्रू, इस व्यू के थ्रू मैं कस्टमर टेबल को देखना चाहूंगा तो मुझे सिर्फ दो ही कॉलम नजर आएंगे, और दो इसमें बहुत सारे कॉलम है, एज एड्रेस भी है, आईडी भी है, और भी बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ मुझे दो ही दिखाई देंगे, तो व्यू कुछ भी नहीं है, एक टाइप का मैं बोल सकता हूँ एक टाइप का चश्मा है, उसके थ्रू जब आप देखते हो तो वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपके DBA ने उस व्यू में डिफाइन की है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रही है, डोंट वरी, एक बार वर्क बेंच में जाके देखते हैं, चला के देखते हैं कि कैसे व्यू बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं, व्यू पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल जो आपका ओरिजिनल टेबल है वो कैसे दिखता है, एम्प्लॉय टेबल, उसको देख लेते हैं, क्या क्वेरी लिखी है हमने, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल जब मैं व्यू करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ये मेरा ओरिजिनल टेबल है जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बना देता हूँ, व्यू बनाने के लिए क्रिएटिंग अ व्यू कमांड डाल देते हैं, व्यू बनाने के लिए मेरे पास कमांड यूज होती है क्रिएट, क्रिएट कमांड ही व्यू होती है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दे देते हैं, व्यू का नाम मैं दे देता हूँ कस्टम व्यू, एलियाजिंग करेंगे हम एज का यूज करके, एज सेलेक्ट, ठीक है, एफ नेम कॉमा एज फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक व्यू मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक व्यू क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप अपने वर्क बेंच में देख भी सकते हो कि मेरे पास एक व्यू नज़र आ रहा है मुझे, एक कस्टम व्यू नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। अब आप देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि व्यू एक टाइप का चश्मा है, इसके थ्रू देखोगे तो वही चीज़ें दिखाई देंगी जो व्यू में डिफाइन की है आपने, ठीक है, आप एक डीबी हो, आपने डिफाइन कर दिए हैं, तो आप देखोगे सेल व्यूइंग फ्रॉम व्यू, ठीक है, मैं यूज करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू का नाम, व्यू का नाम था मेरा कस्टम व्यू, इसको चलाते हैं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अब ध्यान से देखो, सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो मैं नहीं दिखाना चाहता था वो सब हट गई है, सिर्फ फर्स्ट नेम और एज मुझे नजर आ रहा है इस व्यू में, इस व्यू के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही मैं और डिफरेंट व्यू बना सकता हूँ, मैं एज की जगह यहाँ पे मैं और चीजें, अगर मुझे एज के साथ साथ और क्या कहता है इस टेबल में, लास्ट नेम भी ऐड करना है तो लास्ट नेम भी ऐड कर सकता हूँ, व्यू में नया नेम बना सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। दूसरा, अल्टर कमांड भी इसमें यूज हो सकती है कि मैं व्यू को, अब मैंने एक व्यू बना दिया, ठीक है, अल्टरिंग द व्यू, अब मैंने एक व्यू बना दिया, अब मैं उसको अल्टर करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो अल्टर व्यू कमांड का यूज करूंगा मैं, अल्टर व्यू, व्यू का नाम क्या है मेरा कस्टम व्यू, एज अब मैं नए तरीके से इसको डिफाइन कर दूंगा, सेलेक्ट एफ नेम कोमा एल नेम कोमा एज फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, अब मैंने इसको अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, व्यू चेंज हो गया। अब मैं व्यू दोबारा से करूंगा तो मुझे लास्ट नेम भी नजर आएगा, ठीक है, मुझे लास्ट नेम भी नजर आ रहा है। व्यू अगर मुझे डिलीट करना हो तो मैं ड्रॉप कमांड भी चला सकता हूँ, ड्रॉपिंग द व्यू, ठीक है, ड्रॉप कैसे करते हैं, मैं बोलता हूँ ड्रॉप व्यू, अच्छी प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई थी कि इफ एग्जिस्ट यूज करना अच्छा होता है, ठीक है,
इफ एग्जिस्ट व्यू का नाम लिख देते हैं हम कस्टम व्यू, ठीक है। अभी जो व्यू बनाया हमने वो ड्रॉप भी कर दिया हमने, तो अब यहाँ जाके देखेंगे हम तो हमें कोई भी व्यू नजर नहीं आएगा। मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, तो ये था कुछ सिंपल जो कि आपका व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन में हमने बात भी की थी पहले कि आप व्यू बना सकते हो, व्यू को यूज़ कर सकते हो। व्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं नॉर्मली, जैसे कि एक सिनेरियो बताया गया था आपको जिसके अंदर आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट व्यू से डेटाबेस को देखते हैं, ठीक है। तो वापस से आते हैं, तो ये था आपका कंप्लीट एसक्यूएल, ठीक है, कंप्लीट एसक्यूएल। इसके अंदर बहुत चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें देखी, सारे चीज़ें हमने समझी। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो गई होगी आपको, ठीक है। इस चीज़ को बार बार देखो, जो कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा उसको दोबारा से देखो जाके, ठीक है। बहुत ही सही, अभी हमने क्या टारगेट किया है कि हमने एसक्यूएल के अंदर जितनी चीज़ें हो सकती थी ना सारी कवर करी हैं, ठीक है। तो अगर मैं नोट्स में देखूँगा तो नोट्स में आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। काफ़ी बड़े नोट्स हैं इसके, तो आपको स्टार्टिंग से लेके जिसमें हमने डेटा टाइप्स पढ़ा, हमने DDL के बारे में पढ़ा, DML, DRL, DQL, ग्रुप बाय, जॉइंस, ठीक है, सब क्वेरी, क्वालिटी सब क्वेरी, सेट्स के बारे में हमने पढ़ा, व्यू के बारे में पढ़ा। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है, अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो SQL के टॉपिक पे ही हो, और उसमें हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरव्यू स्पेसिफिक ऑन SQL। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्या ये वीडियो आपको चाहिए, क्या ये वीडियो चाहिए जिसके अंदर 50 क्वेश्चन हम करेंगे इंटरव्यू स्पेसिफिक एक डेटाबेस पे, ठीक है। एक डेटाबेस बनाएंगे, उसके ऊपर हम बहुत सारे इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, 50 क्वेश्चन होंगे वो टोटल, ठीक है। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में जाके ये वीडियो चाहिए कि नहीं, और बहुत ही मेहनत हो गई है, बहुत ही थक चुका हूँ मैं, ठीक है। सुबह के 6 बज गए हैं, रात से बैठा हुआ शूट करने के लिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो ये प्लान कर रहा हूँ मैं, आप मुझे बताओगे कि ये वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। और आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सबसे पहला आपको वीडियो के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके अलावा खुद से भी जो आपको चीज़ें एक्स्ट्रा लग रही हैं वो वाले नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो नोट मेकिंग आपका एक होमवर्क है। सेकंड होमवर्क है आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंटरनेट पे जाओ, देखो SQL की प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, नोट मेकिंग कर लोगे, तो आपके बेसिक्स तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद इस वीडियो का मजा है, ठीक है। तो समझ रहे हो, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसका मजा ही तब है जब आप इस वीडियो को ढंग से समझ लो। बहुत ही बढ़िया, चलो आज के लिए खत्म करते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।